Hey platform, वाला। तो मेरे प्यारे दिल के इस चैप्टर की बहुत ही ज्यादा है, है ना कि भैया कार्बन कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स कंपाउंड कार्बनिट्स कंपाउंड अरे भैया हलवा चैप्टर है ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं है समझते हैं पहली बार जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है क्या हो रहा है ना तो इसको आसान बनाएंगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा साथ में एंजॉय करेंगे तो कार्बन कंपाउंड को एक शॉर्ट में निपटाने वाले हैं तो अगर आप लोग यहां पर मुझे देख पा रहे हो और मुझे सुन पा रहे तो एक बार चैट बॉक्स में आएगी बहुछार लगा देंगे मेरे यार राइट आईन टू द चैट बॉक्स अगर आप मेरी सुंदर सी शक्ल देख पा रहे हैं एंड सुरीली सी आवाज सुन पा रहे हैं राइट आए राइट आए नमस्ते 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही ओपी 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 राइट आए द चैट बॉक्स बहुत 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 सही 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 मजा आ गया तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं चाहता हूं एक छोटी सी चीज हम करें क्या करना है सुनील भैया देखो ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा छह घंटे सात घंटे आठ घंटे भी चल सकता है नौ घंटे भी चल सकता है दस घंटे भी चल सकता है है ना और पहली बार भी पढ़ रहे होंगे कुछ बच्चे तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी मेरे साथ प्रार्थना करें भले ही आप करते हो चाहे ना करते हो तो आप जिस भी धर्म जिस भी मजहब को मानते हैं आप जिसको भी मानते हैं उनको याद करिए मेरे साथ एक बार ताकि आपको ताकत मिले और आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहें मुझे भी ताकत मिले कि ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं तो जैसे मैं सरस्वती माता को याद करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी याद करें जिसको भी आप मानते हैं ठीक है तो मेरे साथ जिसको भी आप याद मानते हैं उसे याद करिए तो जैसे ओम सरस्वती महाभगे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्या देहि नमोस्तुते तो इस तरीके से मुझे ताकत मिलती है और शायद आपको भी मिलेगी ठीक है चालू करें ओके भैया चालू कीजिए तो भाई साहब ये इतने सारे टॉपिक्स जो आपको डराते हैं सबको आसान बना के जाऊंगा आज की क्लास में फैक्ट्स अबाउट कार्बन इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवल कंपाउंड एलोट्रोप्स वर्सेटाइल नेचर इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड सेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फंक्शनल ग्रुप आयोपे नॉमिकलेचर सीरीज आइसोमर्स केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कार्बन कम्पाउंड ईस्टरफिकेशन अपोनिफिकेशन एक्शन बीच में जो ऑरेंज डब्बे आते हैं वो भी खत्म करेंगे एनसीआरटी की एक्टिविटीज भी डेड क्या करेंगे बीच में इन सबको भी पढ़ेंगे एनसीआर एक्टिविटीज एंड ऑरेंज बॉक्सिस कवर्ड विद एक्सप्लेनेशन बच्चा लोग क्या होगा अभी मजा आएगा ना वेडो तो दोस्तों को बुला लो ना यार बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत बहुत बढ़िया जो जो बच्चे चरण स्पष्ट कर रहे हैं आप लोगों को हमेशा खुश रहिए आगे बढ़िए अब चालू करते हैं इस चैप्टर को विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक लेकिन उससे पहले जैसे हमेशा बताता हूं मैं कि मार्क्स मैट्रिक्स क्या थी भैया एमसीक्यू एक आया था और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके पास एक आया था पांच नंबर का टोटल छह नंबर की वेटेज लेके चलता है लेकिन दिमाग को घुमाने का पूरा पूरा दम रखता है ये चैप्टर क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं डिफिकल्ट है पहली बार पढ़ रहे ठीक है भैया तो कुछ फैक्ट से स्टार्ट करेंगे कार्बन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है ना ये तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह आप कह सकते हैं बेस एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस कह सकते हैं कि ये ही आपका एलिमेंट है तो भैया कुछ तो उखाड़ा होगा इसने इसी वजह से है अब जो बच्चों ने मेरे से उड़ान में भी पढ़ा, उन्हें पता है ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान है आपकी बॉडी में भी अठारह प्रतिशत पाया जाता है तो बहुत 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 बहुत, 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 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसीलिए पूरा चैप्टर ही भाई के ऊपर बेस्ड है ठीक तो कुछ फैक्ट्स के साथ चालू करेंगे भैया जी जल्दी से चालू करिए सबसे पहला फैक्ट है पंद्रवा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट आपकी अर्थ की क्रस्ट में यानी आपके लिथोस्फीयर में सबसे ज्यादा यानी पंद्रवा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है कार्बन है अच्छा मोस्ट अबुंडेंट कौन सा है फिर मोस्ट अबुंड एलिमेंट कौन सा है आई होप आपको पता होगा मोस्ट अबुंड एलिमेंट कौन सा है मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन ठीक है ना पे? अर्थ की क्रस्ट में समझ रहे हैं अर्थ की क्रस्ट में मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो पंद्रवा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हमारी अर्थ की क्रस्ट में कार्बन है ठीक है सबको देखना है सबको देखना है बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी कवर होगी क्योंकि आप लोग भले ही अभी कितना भी पढ़ के आए हैं यहां पे एनसीआरटी के ऑरेंज डब्बे भी कवर होंगे वो तो कवर किए हैं एक्टिविटीज भी कवर होंगी तो प्लीज देखना दूसरी चीज बेटा आगे चलते हैं पहला फैक्ट खत्म दूसरा अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर पॉइंट जो कार्बन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स के फॉर्म में है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में है ठीक है कोल के फॉर्म में है पेट्रोलियम के फॉर्म में है कोल एंड पेट्रोलियम कक्षा आठवीं में पढ़ के आयो तुम लोग वही यही है तो फैक्ट क्या है पंद्रह सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है क्रस्ट में पॉइंट जीरो टू परसेंट कार्बन जो है वो इस फॉर्मेट में पाया जाता है तीसरी बात करें तो यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है ध्यान से देखिएगा कार्बन जो है एटमोसफियर में एटमोसफियर में प्राइमरीली

कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03 परसेंट होती है और रेस्ट गैसेस कितना होती है 0.01 परसेंट होती है ऐड करना कितना आएगा ऐड करना एक बार ये आ गया 100 प्रतिशत यह आपका मेट्रिक रहता है तो मिसकंसेप्शन क्या था सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पता है ऑक्सीजन पता है फिर तीसरे में बच्चे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भैया कौन सी है आर्गन है याद रहेगा याद रहेगी बात मिसकंसेप्शन भी क्लियर होंगे तो प्राइमरीली तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में है लेकिन आपको ट्रेसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेंगे ट्रेसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको देखने के लिए मिलेंगे आई होप मैं समझा पा रहा हूं ये बात समझा पा रहा हूं बात है ना अगली चीज देखते बेटा मेरे प्यारे बच्चों अगली चीज पे नोटिस करेंगे अगली चीज पे फोकस करेंगे यहां पे फोकस चैट पे नहीं चलेगा चेटिंग करोगे कार्बन की चेटिंग हो जाएगी कार्बन बोलेगा बाय बाय बग <laughs> जाएगा वो वैसी बहुत फ्रेंडली आइटम है तुम दोस्ती नहीं करोगे किसी और से दोस्ती कर लेगा इसका बहुत सिंपल है यह बहुत दोस्ती करने वाला एलिमेंट है बोलोगे हमसे दोस्ती करो नहीं करो भागो किसी और से कर लेंगे तो इसीलिए चेटिंग छोड़ो यहां बैठ के बातें करो इससे बातें करो तो कक्षा नौवीं नेचुरल रिसोर्सिस में पड़ा है कार्बन साइकिल में कि जो शेल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तो कार्बन यहां पर भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट कार्बोनेट के फॉर्मेट में अवेलेबल है तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे जो इस चैप्टर का पहला पन्ना वहां पे लिखे हुए हैं क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे बहुत ही आसान है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है ना सही है जी भैया अब देखिए मेरा एक सवाल है आपसे एक सवाल है आपके आसपास में बहुत सारी चीजें हैं जो कार्बन से बनी हुई है अब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कार्बन से बनी कोई देख के थोड़ी बताओगे ये लकड़ी बोलेगी रे दोस्त हम कार्बन से बने ऐसे थोड़ी बोलेगी बॉडी बोलती है क्या ये कार्बन से बनी हो तुम बोलती है क्या नहीं तो कैन यू थिंक ऑफ अ मैथड टू टेस्ट वेदर अ कंपाउंड कंटेन कार्बन और नॉट वॉट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न डू यू नो एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस कर पाओगे पहली एक्टिविटी एनसीआरटी की कर पाओगे कर पाओगे ट्रेसिस का मतलब होता है बहुत कम ट्रेसिस का मतलब होता है ट्रेसिस का मतलब होता है बहुत कम क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब होता है बहुत कम ठीक है ना के बराबर नेग्लिजिबल इस सवाल पे फोकस करते हैं आइए आइए बहुत बढ़िया लाइन मोटर टेस्ट अरे यार ये अपने बच्चे हैं. ये अपने बच्चे दिल जीत लिया यार तुमने मजा आ गया मजा आ गया फुल मजा आ गया बहुत बढ़िया आ जाओ तो देखो तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है तुम तो उसको जलाओ तो क्या होगा वो ऑक्सीडाइज होगा तो ऑन बर्निंग अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इट विल प्रोड्यूस अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड कक्षा आठवीं में पढ़ के आए हैं कंबन चैप्टर में कि कार्बन रिलेटेड चीज को जब भी जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होगा ना ये होगा तो क्या बनाएगी सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कोई और एलिमेंट हो तो वो बेसिकली अपने पर्टिकुलर ऑक्साइड बनाएगा लेकिन कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हमें पता है हमें इस चीज पे कोई दो राय नहीं है और इसका टेस्ट किया है? कर, पहले चैप्टर में नहीं बताया मैंने इसका टेस्ट किया है? जल्दी से बताना टेस्ट किया है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को लीजिए किसको लीजिए आप लाइम वाटर को लीजिए ठीक है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाइए तो ये क्या करेगी CaCO3 बना देगी इसकी वजह से सोल्यूशन क्या हो जाएगा मिल्की या फिर आप कह सकते हैं टर्बिड यानी धुंधला हो जाएगा दूधिया या धुंधला हो जाएगा ये बेसिकली रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी ये आपकी प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल है इनसोल्यूबल सॉलिड बन रहा है और ये न्यूट्रलाइजेशन का भी एग्जाम्पल है क्यों ये एसिड नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं ये बेस्ड सॉल्ट प्लस वाटर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था देख लेना वीडियो तो भैया ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ये लाइम वाटर को क्या करती है टर्न्स दी लाइम वाटर मिल्की और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो जहां पर भी आपका ये निकल रहा हो उससे आप क्या कर दीजिए डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट करके लाइम वाटर में डाल दीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सेटअप कैसे दिखेगा इसका सेटअप कुछ इस प्रकार दिखेगा जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब आपने ली इसमें आपका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था आपने हीट किया इसको ठीक इधर आप क्या करिए इधर आप एक टेस्ट ट्यूब लगाइए इधर दूसरी टेस्ट ट्यूब लगाइए ठीक इसमें से एक डिलीवरी ट्यूब को यहां डाल दीजिए और यहां 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 पे पे आपको क्या लेना है? आपको 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 क्या क्या लेना 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 है आपको लेना है 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 ठीक बेटा तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को आपने हीट किया सीओ टू निकलेगी इधर चली जाएगी अगर लाइव मोटर मिलकी हो गया कंफर्म है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकली काम खत्म ठीक है हाउ लॉन्ग द क्लास विल गो मुझे भी नहीं पता जितनी देर लगेगी उतनी देर लगाएंगे दस घंटे लगे तो दस घंटे आठ लगे तो आठ छ लगे तो छे ठीक समझ में आ गया मिल्क ऑफ मैगनीशी होता है, दादा, ये है, है चलो अब इंट्रोडक्शन टू कोवेलेंट बॉन्ड तक चालू करते हैं ठीक है थीके? मेरे साथ साथ चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए तभी मजा आएगा वरना आंखों से नीर बहेंगे नोट्स बनाते जाओ ये पीडीएफ तो तुमको ऐप पे मिल ही जाएगा लेकिन साथ साथ नोट्स बनाते जाओ अब कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर रहा हूं जिसको भी जीवन में दिक्कत आई है कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड आपका कोवेलेंट बॉन्ड का मिसकंसेप्शन आज क्लियर कर दूंगा पांच मिनट के अंदर अंदर मजा आ जाएगा मेरे बंदर। देखना इधर देखो 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 तो ये सुंदर सा बालक कौन है ये कौन है रे सुनील भैया और ये कौन है मोहित भैया है सुनील भैया के मित्र घनिष्ठ मित्र है ना अगर यहां पे सुंदर कन्या होती तो आयनिक बॉन्ड बन जाता लेकिन अभी मोहित भैया और सुनील भैया हैं समझ रहे हो कि ना हाँ जी भैया सुनील भैया के पास कितना पीसा है सुनील भैया के पास ओनली पचास हजार रुपया है मोहित भैया के पास कितना पीसा है पचास हजार रुपया है ओके नोटी बोच और ये कितने की है ये एक लाख रुपया की है अब मुझे एक बात बताइए क्या मैं अकेला इसको खरीद सकता हूं क्या मेरी जेब में इतना पीछा है कि इसको खरीद पाऊं क्या वो नहीं क्या इनके पास इतना पीछा है कि इसको अकेले खरीद पाए का नहीं तो अभी खुश होना है इसको खरीदना है तो बाबू लोग क्या करेंगे हम लोग पचास हजार तुम दे दो पचास हजार तुम दे दो क्योंकि मैं अकेला नहीं खरीद सकता ना ये अकेला खरीद सकता है इससे तो सिर्फ हम केला खरीद सकते हैं है ना तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग केला नहीं खरीदेंगे यहां पे मार्केट जाके हमको अच्छा नहीं लगता है ठंड का मौसम है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे ये देखो, इसको खरीदेंगे, अब बाइक हो गई हमारी तीन दिन हमारी तीन दिन भाईगी एक दिन बाइक को रेस्ट देंगे है ना समझ में आ गई बात तो अब क्या हो जाएगा अब क्या हो गया यहां पर शेयरिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी शेयरिंग ऑफ बाइक हो जाएगी लेकिन उस शेयरिंग ऑफ बाइक से एक तरीके से क्या आया एक स्टेबिलिटी आ गई मैं भी खुश हो गया ये भी खुश हो गया और हमारी खुशी यानी हमारी स्टेबिलिटी के लिए हमने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करी सिंपल अब इसको थोड़ा अप्लाई करना नॉन मेटल्स पे तो तुम्हें समझ में आएगा तो ऐसे ही नॉन मेटल्स क्या करते हैं बेटा नॉन मेटल्स क्या करते हैं जब उनको मेटल नहीं मिलता नॉन तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन पूरा घटक जाते जैसे क्लोरीन है उसको सोडियम मिल गया तो, तो इसका इलेक्ट्रॉन घटक इलेक्ट्रॉन दे दे निपटा दूंगी इसको पर मान लो सोडियम नहीं मिला मान लो नहीं मिला तो फिर क्लोरीन क्या करेगी क्लोरीन को क्लोरीन मिल जाएगा तो ये क्या करते हैं अपने आपस में कक्षा नौवीं में पढ़ा होगा तुमने शेयरिंग करते इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी ने दिया या कंप्लीटली किसी ने लिया तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं लेकिन यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इसको क्या बोलते हैं अगर इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है कोवेलेंसी कक्षा नवी का कंसेप्ट आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या बोलते हैं भैया कोवेलेंसी क्या बोलते हैं भैया को समझ में आ रहा है तो नॉन मैटल को भी शो करते हैं कैसे शो करते हैं कैसे शो करते हैं आइए देखते हैं ध्यान से देखिएगा यहीं पे फोकस रखना है आपको अब हाइड्रोजन क्या है आपका नॉन मेटल ये भी हाइड्रोजन नॉन मेटल ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से गौर से नंबर या प्रोटॉन नंबर इसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है? एक सिमिलरली अटोमिक नंबर प्रोटोन नंबर इसका भी एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक ठीक है भैया बहुत बढ़िया बहुत सही अब देखो क्या होगा यहां पे हाइड्रोजन है भैया ठीक है ये हाइड्रोजन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट या क्रॉस से दिखा सकता हूं ये मैं डॉट से दिखा रहा हूं यहां पर भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा इस हाइड्रोजन के पास ध्यान से सुनना अभी मेरी बात सुनना सिर्फ अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो थर्ड चैप्टर में लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा है ना इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स इलेक्ट्रॉन क्रॉस सिंबल्स में पढ़ा होगा अब ये इसको क्या बोल रहा है ए हाइड्रोजन मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं हीलियम के जैसा ड्यूप्लेट बना लू दूसरा कह रहा है नहीं भैया नहीं देंगे हमको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं दे रहा क्यों नहीं देगी मार खाना है कि ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं भैया हमको भी एक चाहिए आप दे दो इन दोनों में रजामंदी होती है काम करते शेयर कर लेते बोले क्या करते बोले शेयर कर लेते बोले मतलब बोले इसको शेयर करते हैं अरे बोले मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है तुम्हारा भी है अच्छा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है और तुम्हारा भी है इस प्रकार शेयरिंग करके हम लोग खुश रहेंगे बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग मेरे दोस्तों अभी देखिए दोनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए है ना तो हाइड्रोजन शेयर्स इलेक्ट्रॉन टू अट कॉन्फिगुरेशन किसके समान कॉन्फिगुरेशन सिमिलर टू हीलियम यानी हीलियम के समान इसने कॉन्फिगुरेशन अटेन कर लिया है और हीलियम के आउटरमो शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम के आउटरमोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है अगर आउटरमो शेल के हो तो नौवीं का बेसिक है यह क्लास नाइन्थ का बेसिक है यह, यह ना जैसे इसका के शेल में बोलू तो कितना इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो अगर आउटर मोस्ट शेल के है तो हर एलिमेंट ट्राई करेगा कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो कितने इलेक्ट्रॉन हो दो इलेक्ट्रॉन हो क्योंकि हीलियम स्टेबल है क्यों क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भाई भी कोशिश कर रहा है कि इसके के वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं कैसे कर रहा है इसके पास एक था ये से शेयर कर लिया अब बोल रहा है ये मेरा भी है तुम्हारा भी है ये भी कह रहा है मेरा भी है तुम्हारा भी है दोनों खुश हो गए मजे आ गए मजे आ गए ओके ओके कविता बेटा नो स्पैमिंग नो स्पैमिंग बेटा नाम इतना पवित्र है कविता आके लेकर नो no वॉइस क्या है भैया अब हम कविता थोड़ी गाएंगे यहां पे है ना बहुत बढ़िया यार सुनील भैया अब देखो इससे दो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कंसेप्ट नंबर पहला एंड कंसेप्ट नंबर दूसरा दोनों पे फोकस करना ईच हाइड्रोजन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने भी एक इसने भी एक किया हां तो यहां पे आप इसको बोलेंगे मोनोवेलेंट मोनो Mono का बेसिकली मतलब क्या होता है मोनो का मतलब होता है वन एंड इट शोज मोनोवेलेंसी इसको बेसिकली क्या बोलते हैं मोनोवेलेंसी कहते हैं दूसरा कंसेप्ट क्या है यहां पर देर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा क्या कहलाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इस चीज की मैं बात करूं तो ये ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है समझ रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है क्या बात भाई क्लियर है क्या कोई बात नहीं लेट हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होप यहां तक चीज समझ में आ रही सभी को कोई दिक्कत नहीं है आई होप यहां तक चर्चा समझ में आ रही है अरे समझ में आ रही है भाई समझ में आ रही क्या समझ में आ रही है ठीक है समझ में आ रही है ठीक है भैया अगला पे चलते हैं भैया अब ऑक्सीजन महाराज को उठाते हैं ऑक्सीजन महाराज देखिए क्या है ऑक्सीजन महाराज के पास अटोमिक नंबर प्रोटोन नंबर आठ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आठ है अटोमिक नंबर प्रोटोन नंबर आठ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आठ है ठीक है ध्यान से फोकस करना तो यहां पे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों होंगे दो होंगे एल शेल में कितने होंगे बेसिकली एल शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है अब ये मालिक क्या चाहेंगे ये मालिक चाहेंगे कि आउटर मोस्ट में आठ हो जाए कितने हो जाए आठ हो जाए तो देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा ये ऑक्सीजन आइटम यहां आया ये दूसरा ऑक्सीजन आइटम यहां आया बहुत बढ़िया अब देखिए किता छह है एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच और छह हमेशा आप लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके पास में यहां पे एक दो तीन चार पांच और ये छह ठीक है ठीक है अब देखो ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देखना अब ये लोग क्या करेंगे इनको स्टेबल होना है तो इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए है, है ना इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि आठ हो जाए ऑक्टेट 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 है ना आक्टे, आक्टे रूल हो जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छत एक और कर लेंगे एक दो तीन चार पांच छत आठ ये देखिए आठ इलेक्ट्रॉन हो गया और इस भाई का देखिए कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे सात आठ ये भी आठ हो गया यहां पे ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो वो क्या कर रहा है ियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है यानी नियॉन जैसा बन जा रहा है अटेंस अटेंड नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन क्लास का कॉन्सेप्ट किसके जैसा कॉन्फिगुरेशन अटेन कर लिया है किसके जैसा नियॉन के जैसा किसके जैसा बेटा नियॉन के जैसा और नियॉन में क्या है यहां पे अप्लाई होता है ऑक्टेट रूल कौन सा रूल ऑक्टेट रूल अगर आपका आउटर मोस्ट शेल अदर देन के है अदर देन किया अगर आउटर मोस्ट शेल है तो आप आठ इलेक्ट्रॉन चाहते हैं भाई ने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आठ कर लिया ठीक है समझ में बात अब देखो यहाँ पे भी सीखो, कंसेप्ट सीखो फटाफट से कंसेप्ट सीखो ईच ऑक्सीजन एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी सो इट इज डायवेलेंट डाय का मतलब हो गया क्या डाय का मतलब हो गया टू एंड इट शोज डायवेलेंसी डायवेलेंट है हर ऑक्सीजन आइटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है मतलब डायवेलेंट है, है। कोवेलेंसी का टाइप हो गया उसके बाद दूसरा क्या है देर इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू ऑक्सीजन आइटम्स अरे भाई क्या होता है ये ये होता है कि ये इस प्रकार की बात कर रहा है ठीक है ना ये इस प्रकार की बात कर रहा है समझ रहे हो कि अरे तो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं इससे बेसिक पे नहीं जा सकते अपन समझ रहे हो समझ रहे हो? अगले पे चलते हैं भैया अगले पे चलते हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर सात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सात एटॉमिक नंबर बेसिकली सात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सात अब जल्दी से अपनी कॉपी में मेरे से पहले बनाओ अपनी कॉपी में मेरे से पहले बनाओ सारे के सारे अपनी कॉपी में मेरे से पहले बनाओ अपनी कॉपी में मेरे से पहले बना दो देखो जल्दी से आ जाओ ये आपके पास है नाइट्रोजन और ये आपके पास है नाइट्रोजन ठीक है अब देखिए यहां पे के में कितने आएंगे दो और एल में कितने आएंगे बेटा पांच है ना सात है ना भैया सात का मतलब क्या हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स के में है बाकी बचे हुए पांच एल में जाएंगे इतनी बेसिक बात समझ में आ गई हां जी भैया अब इन पांच को हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं आउटर मोस्ट शेल इसको आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट स्लैश वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन ये है? है नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन का बोला ए, हमको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हम आठ बना ले यहां पे आठ दूसरा बोला <laughs> हमको क्या समझा तुमने हम तुमको ऐसे ही दे देंगे हमको भी तो चाहिए तो क्या वो दोनों बराबर ताकत के शेयर कर लेते हैं क्या वो के okay, दोस्त शेयर कर लेते हैं कि एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छे सात आठ पीडब्ल्यू है आपके साथ समझ में आया एक और देखो एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छे सात आठ पीडब्ल्यू है आपके साथ फिर नौ दस ग्यारह बारह पीडब्ल्यू है सबसे प्यारा तेरह चौदह पंद्रह सोलह पीडब्ल्यू है सबसे बोला सत्रह अठारह उन्नीस बीस पीडब्ल्यू की सबसे कम फीस चलो बहुत बढ़िया ओके सुनैल भैया ओके तो यहां पे ईच नाइट्रोजन एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन हर नाइट्रोजन एटम तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है आपस में बांट रहे हैं हाजी भैया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ट्राईवेलेंट ट्राई का मतलब होता है तीन यानी तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने वाला क्या बोलेंगे फिजिक्स वाला समझे मेरे दोस्तों दिलवाला है फिजिक्स वाला तो क्या हो जाएगा ट्राइवेलेंसी ट्राइवेलेंसी ट्राइवलेंसी हाँ जी भैया हाँ। दूसरा इनके बीच में क्या है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना दो नाइट्रोजन आइटम के बीच में ऐसा ये रहा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड समझे दोस्तों दोस्तों ओ माय फ्रेंड्स दोस्तों फ्रेंड्स ये देखो इधर मालिक इधर चेट ही चल रही है हम कहा चेट छोड़ के इस इसमें पढ़ना तुम लोग चेट चेट खेल ले हो? इट्स नॉट अ गुड आइडिया दोस्तों अरे <laughs> भैया सारे मेटल फ्री स्टेट में लस्ट्रस होते हैं सारे मेटल ऑल मेटल्स इन द फ्री स्टेट आर लस्ट्रस चमक होती है उनके अंदर चमक मतलब लस्ट्रस लाइट को रिफ्लेक्ट करना है ना लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों करते हैं बिकॉज फ्रीस फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लाइट जो है ना वो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मैं लेंस बोल रहा था तो बेसिकली उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो जैसे ही लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं क्यों करते हैं है? 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 लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब है? मतलब है, है तो कार्बन अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो किस गैस के फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में होता है प्राइमरीली और कुछ ट्रेसेस होते हैं कुछ बहुत कम अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ठीक है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे चलते हैं बाबू लोग आगे चलते चलो अब देखिए सवाल प्रीवियस में पूछा गया का भाई कार्बन कैन नॉट गेन फॉर इलेक्ट्रॉन्स अब देखिए कार्बन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कार्बन क्या है मेरे दोस्तों कार्बन सी से रिप्रेजेंट कर रहा जाता है के और एल के में है दो एल में है चार अब देखिए यहां पर यह स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है या तो चार लूज कर दे या चार गेन कर दे एल में आठ इलेक्ट्रॉन लाने के लिए या तो चार गेन कर सकता है लूज कर दे तो के में दो हो जाएंगे तो भी स्टेबल है अगर आउटर मोस्ट सेल के है तो दो इलेक्ट्रॉन में स्टेबल है उसके अलावा कोई भी शेल है तो कितना आना चाहिए आठ होना चाहिए या तो चार गेन कर लो भैया तो तुम्हारे एल में कितने हो जाएंगे आठ ये चार गायब कर दो तो के में कितने हो जाएंगे दो तो भी स्टेबल है दोनों ही नहीं करेगा वाई कार्बन कैनॉट गेन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कैनॉट लूज फॉर इलेक्ट्रॉन चैट बॉक्स बताना एक बार चैट बॉक्स बताना एक बार कुछ याद है क्या चैटबॉक्स बताना एक बार एक मिनट <laughs> जल्दी 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 म्यूचुअल शेयरिंग दोस्तों ये वो अरे यार चलो बढ़िया देखो डी और बाइटल वाली बात नहीं अभी वो तो अपन ने एक्स्ट्रा में बताया था तुम्हारे को ये एक्स्ट्रा बताया था सी टू पॉसिबल क्यों नहीं उसमें बताया था मान लो चार इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या गेम चलेगा चार इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या बनाएगा देखो तब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अभी कितने छह चार और एड हो जाएंगे तो हो जाएंगे दस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे प्रोटॉन्स ये तो छह ही रहेंगे इसका मतलब ये कैसी स्पीशी बनेगी कार्बन के ऊपर फोर माइनस का चार्ज चढ़ेगा क्या चढ़ेगा फोर माइनस का चार्ज चढ़ेगा ठीक है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है ना इनिशियली 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूट्रल होता है लेकिन अभी 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज माइनस टेन पॉजिटिव चार्ज प्लस सिक्स है तो इसीलिए फोर माइनस का आ गया तो सी फोर माइनस क्यों नहीं पॉसिबल है ध्यान से समझिए क्योंकि कार्बन का जो साइज होता है वो छोटा होता है तो प्रोटॉन्स दस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते अरे छोटू सा है उसमें दस इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाएंगे एक तो एक दूसरे को धक्का बहुत मारेंगे क्यों लाइक like, रिपेल लाइक लाइक चार्ज रिपेल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे तू उधर जा, जा जगह कम है कंजेशन हो रहा है है ना कंजस्टेड हो रही है एक दूसरे को धक्का मारेंगे अनस्टेबल है स्टेबल नहीं रहेगा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो क्या है छोटा है तो छह प्रोटॉन्स दस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते और रिपल्शन इनके बीच में भयंकर बढ़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन्स है आपस में एक दूसरे को धक्का मारे छोटे से रूम में अब इतने सारे लोगों को बंद करोगे तो धक्का मारेंगे ना जगह ही नहीं है ए ए भैया तुम तुम इधर इधर जाओ जाओ ये लड़ेंगे समझ रहे हो हाँ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्यों क्योंकि ये जो स्पीशी है यह कहेंगे आप अनस्टेबल स्पीशी हो जाएगी कैसी अनस्टेबल और कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन क्यों करती है ताकि वो बेसिकली स्टेबल बने शांत एकदम तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो क्यों ताकि कुछ अच्छे इंसान बन सको स्टेबल हो सको लाइफ में कमाओगे बड़े आदमी बनोगे अच्छे इंसान बनोगे है ना ये भाई इलेक्ट्रॉन गेन करके दुखी हो जाएगा तो करेगा नहीं क्या सॉरी आई डोंट वॉन्ट यू ओके अब ये लूज क्यों नहीं करेगा इसको समझना अब इसके लिए अपन एक बेसिक सी एनोलॉजी देते हैं जो आपको लिखनी नहीं है समझनी है मैं फिर से कह रहा हूं एनालॉजी में मैं जो यूनिट्स लिख रहा हूं या चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसी एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड मान लीजिए मेरे पास यहां पे न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में क्या है छह प्रोटोन है ध्यान से सुनना मेरी बात छह प्रोटोन्स है पॉजिटिवली चार्ज है मैं के वाली शेल पर नहीं मैं एल वाली शेल की बात करूंगा जहां पर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं

है ना हां मैं मान लेता हूं फोर्स को ऐसे लेके चल रहा हूं कि न्यूटन में बता रहा हूं एनर्जी में नहीं बता रहा न्यूटन में बता रहा हूं 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय चार तो पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 25 न्यूटन पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं एक एनॉलॉजी ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कंसेप्ट की ठीक अब मान लो इन चार इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह है सौ न्यूटन पर इलेक्ट्रॉन पे पच्चीस न्यूटन है अब तुमको इसको बाहर निकालना है मान लो इसको बाहर निकालना है तो तुमको इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा मान लो तीस न्यूटन का एनर्जी देनी पड़ती है मैं फोर्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं तीस न्यूटन का फोर्स दिया मान लो मैंने थर्टी न्यूटन दिया तो वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया अब मुझे एक बात बताओ तीस इलेक्ट तीस न्यूटन देखिए इलेक्ट्रॉन निकाला अभी भी प्रोटॉन तो वही है ना जो फोर्स लगाएंगे वह तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी समझो अभी इसको ऐसा एक्चुअल केस नहीं है बट इसको समझने के लिए मैं तुमको बता रहा हूं है ना तो अभी क्या हो जाएगा सौ डिवाइडेड बाय तीन हो जाएगा मतलब तैतीस पॉइंट तीन न्यूटन पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो अभी तुमको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना मान लो तुमने पचास न्यूटन लगाया टू इजेक्ट ऐसे करते 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 फोर्स बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी उसको बाहर निकालने में क्योंकि न्यूक्लियस भी तो उनको घसीट रहा है अंदर की तरफ तो इसके लिए क्या होगा फर्दर अगर तुमने इसको भी निकाल लिया मान लो पचास न्यूटन लगा के इसको निकाल लिया तो इन दोनों पे अब क्या हो जाएगा पर इलेक्ट्रॉन पचास है तो पचास से ज्यादा और फोर्स ऐसे करते 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 तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि पॉसिबल नहीं है ना इतनी एनर्जी नहीं पॉसिबल है तो होगा क्या ये एनर्जेटिकली फिजिबल प्रोसेस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच के निकालना ठीक है और C4 फोर प्लस जो बनेगा अगर तुमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो क्या बनेगा फिर बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तुम्हारे पास यहां पे दो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे तुम्हारे पास यहां पे छह तो स्पीशी बनेगी C4 प्लस तो C4 प्लस जो है वो अनस्टेबल स्पीशी है एज इट एज सिक्स प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट टू इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्पीशी है छह प्रोटोन और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है वापिस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी इसीलिए ना तो यह करेगा ना तो यह करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोस्तों क्या करेगा कार्बन जनरली शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये बेसिकली आपका यहां पे कंक्लूजन है समझ गए ये आपका यहां पे कंक्लूजन है ना तो गेन करने वाला है ना लूज करने वाला है कार्बन हमारा दिल वाला है क्योंकि वो फिजिक्स वाला पे है समझ रहे हो तो भैया शेयर करेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ताकि स्टेबल हो जाए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है गेन करेगा साइज छोटा इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन बढ़ेगा तो अनस्टेबल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो हमारे पास है नहीं इतना एनर्जेटिकली फिजिबल प्रोसेस नहीं है निकाल दोगे तो फिर से अनस्टेबल रहेगी खचाक करके इलेक्ट्रॉन घसीट लेगी अंदर तो ये दोनों पॉइंट आपको ये 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 पता होने चाहिए करेगा क्या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को चारों चारों शेयर मार देगा ठीक बहुत बढ़िया भैया ठीक है अब मेरे को बताओ कैसा लगा दोस्तों एक बार चेट बॉक्स को आए भैया के साथ खूब सारे प्यार के साथ भर दो आए भैया लव यू जल्दी 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 दोस्तों 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 दोस्त दोस्त दोस्तों दोस्तो, दोस्तो। आए भैया आए भैया हम भी देखो खाने पीने का सामान लेके आए तुम भी लेके आ जाओ आए भैया के साथ बहुत सारा प्यार लव यू टू बच्चा लोग लव यू टू बस अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो एकदम भौकाल मचाते रहो अपने जीवन के अंदर ठीक है चलो ठीक है भैया चालू करते हैं आगे चलते हैं <coughs> 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 बहुत बढ़िया अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आपको समझाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होंगे उनके अंदर बेसिकली क्या होगा कौन सा बॉन्ड होगा उनके अंदर बेसिकली जो होगा दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है और अभी हम मेजरली किस पे डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन पे डिस्कशन करेंगे बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा भयंकर मिसकंसेप्शन कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वीक होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना भैया ऐसे नहीं होता रे दोस्तों कुछ भी मत पढ़ लिया करो आ जाओ मेड फ्रॉम दोस्तों किससे बनता है ये दीज आर बेसिकली मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स यहां पे होता क्या है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एंड दैट्स वाई दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स इसीलिए इनको क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी बताओ ऑल्सो नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड को बोला जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या बोला जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड समझे हा जी भैया हाँ. अब देखिए आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है वो एलिमेंट के भी हो सकते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के भी हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इनकी स्टेट जो होगी कंपाउंड्स की स्टेट तो बता देता हूं एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे दूंगा अगर सॉलिड की बात कर रहा हूं तो ड्राई आइस ड्राई आइस ये देखिए नॉन मेटल्स है दोनों के दोनों मैंने कहा था नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये दोनों नॉन मेटल है ना भाई सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ड्राई आइस जिसको ड्राई कोल्ड भी कहते हैं पिक्चर में नहीं देखा इसे लगाते हैं धुआं निकलता वो ड्राई आइस होती है सॉलिड स्टेट में होती है लिक्विड स्टेट में तुम लोग नहीं देखते रोज पानी देखते हो एच टू ओ गैस में वॉटर पेपर यह सारी सारी क्या है भाई ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है ना

अब ऐसे कोवेलेंटली बॉन्डेड आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे सॉलिड स्टेट की बात करूं तो आयोडीन होता है आई टू लिक्विड स्टेट की बात करूं तो ब्रोमीन होता है बी आर टू और गैस की बात करूं तो नाइट्रोजन होता है एन टू ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड कोवेलेंटली बॉन्डेडली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है समझ रहे हो अरे क्लास नाइन्थ के बेसिक हैं जिनको नहीं आते मेरी बेसिक्स की वीडियो देख लेना वो भी अवेलेबल है कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट सेम एटम्स एलिमेंट है कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की तरह सो दीज आर नोन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर नोन एस कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे ही अगर आपके कंपाउंड की बात करें तो आयोनिक होते हैं वो आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं

ग्लूकोज और एल्कोल केस में नहीं जलेगा मजे की बात पता है क्या है <laughs> वो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है सारे लेकिन एक्सेप्शन है देखो कैसे सो so ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों क्योंकि दे डोंट डिसोसिएट आयंस समझ रहे हो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं और आय ही बेसिकली अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं बिजली कंडक्शन होता है है ना जैसे कटायन जाएगा कैथोड पे जाएगा एनोड पे एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन कैथोड पे होगा रिडक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है सेकंड में भी पढ़ा होगा क्लोर एल के लिए प्रोसेस में बट एक्सेप्शन है ना इसका एक्सेप्शन आपको बताऊं ये देखो एक बहुत ही बेहतरीन सा एसिड एच सी एल एक्वस कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है कोवेलेंटली बॉन्डेड है ये बिजली कंडक्ट करता है बिजली कंडक्ट करता है आयंस पे टूट जाता है बिजली कंडक्ट करता है तो हर चीज का एक्सेप्शन भी है ऐसा नहीं कि लेके चल गए हो गया एनालाइज करना है ठीक समझ में आ गया ये देखो ये एक बेटा आए नंबर दे दो अपना हमारा नंबर ले लो बाबू आते तुम्हारे घर पे एक बार बात करें घर वालों से करें अपना नंबर हमको दो तुम्हारे पिताजी से बात कर दे दो अपने पिताजी का नंबर दो नंबर चाहिए इनको बहुत बढ़िया बेटा फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे बेटा उसका नंबर दस डिजिट का होगा तुम्हारे नंबर कितने में आएंगे टू डिजिट में लापा पाओगे या सिंगल डिजिट में जैसे आराम हो जाएगा हैं ये देखो ये देखो ठीक <laughs> है तो मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स फिजिकल स्टेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिल पर मत लेना यार यार, पढ़ाई कर लो फिर बाद में देख लेना यार मस्ती नहीं करनी चाहिए सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं भाई कहां कहां सोल्यूबल होते हैं तो जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स एंड इनसोल्यूबल इन वॉटर मतलब ऐसा एक मानते हम कि भाई ये पानी में इनसोल्यूबल होता है लेकिन फिर एक्सेप्शन है चीनी आपका कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है पानी के अंदर सोल्यूबल है कैसे जैसे चीनी की बात करें तो ये हो जाएगा सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड दोनों ये क्या है इसके अंदर सोल्यूबल है सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट फॉर एग्जाम्पल आयोडीन इन इथेनॉल है ना सी टू एच फाइव ओ एच जिसको आप टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं क्या कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं तो ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी भी है आपको आती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं यानी जो कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक C2H5OH में डिसॉल्व हो जाएंगे और पानी में इनसॉल्युबल होंगे जनरल केसेस में लेकिन एक्सेप्शन आपके पास एग्जिस्ट करेंगे ऐसे पानी में ये भी सॉल्युबल है इथेनॉल भी पानी में सॉल्युबल है भी सॉल्युबल है ठीक है पोलर नॉन पोलर क्या होता है अभी दो मिनट में अपन समझेंगे इस चीज को ठीक है पोलर नॉन पोलर क्या होता है अभी अगली स्लाइड पे समझेंगे आ जाओ अब देखो ध्यान से देखना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इसी स्लाइड पे पोलर नॉन पोलर समझाऊंगा ध्यान से देखना अब क्या बोलते हैं बच्चे कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है ऐसे को मत पालिए इज द कोवेलेंट बॉन्ड अ वीकर बॉन्ड क्या ऐसा लगता है आपको क्या ऐसा लगता है आपको क्या ऐसा लगता है आपको डू यू थिंक दिस इज ट्रू क्या आपको लगता है कोवेलेंट बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है डू यू थिंक कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड क्या आपको लगता है कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड इज अ वीकर नहीं है आइए आपके मिसकनसेप्शन को क्लियर करते हैं आ जाइए एक बार में सारे क्लियर करेंगे कंसेप्ट नंबर पहला दो कंसेप्ट दूंगा कंसेप्ट एकदम क्लियर कंसेप्ट एकदम भयंकर क्लैरिटी पे आएगा गारंटी है अपनी बस तुम्हारा दिमाग इधर होना चाहिए इधर है हाइड्रोजन ठीक है और इधर है हमारे पास क्लोरीन ठीक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है कितना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छ सात सात इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन बोलता है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो हमारे पास दो हो जाएंगे डुप्लेट हम खुश ये कह रही तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो हमारे पास आठ हो जाएंगे हम भी खुश क्या दोनों दोस्त बनते हैं चलो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मारते हैं ठीक है बहुत बढ़िया अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए दो इसके पास और दोस्तों इसके पास कितने हो गए इसके पास हो गए ये इतने सारे आठ हो गए ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बहुत बढ़िया अब यहां पे यहां पे ये यह जो है ये बेसिकली क्या है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ध्यान से सुनना ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ठीक है और इस कोवेलेंट बॉन्ड को ध्यान से सुनिए बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होता है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे इंट्रा का मतलब क्या होता है ध्यान से बस सुनना अभी सुनना इंट्रा का मतलब क्या होता है एक मॉलिक्यूल के बीच में विद इन यानी विद इन द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इन दोनों के बीच में मतलब कौन सा फोर्स है कोवलेंट बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है कोवलेंट बॉन्ड है ठीक समझ में आया इन दोनों के बीच में क्या है कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा बहुत बढ़िया अब कंसेप्ट टू की शुरुआत यहां से करते हैं ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट टू की शुरुआत करते हैं आखिरी में आपको पोलर नॉन पोलर भी समझाएंगे ध्यान से सुनिएगा इस चीज को अच्छा मेरे पास मान लीजिए चार टॉवल्स है ऐसे सुनना ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है एक दो तीन और चार ठीक यहां पे इस टॉवल पे लिखा हुआ है H इस पे लिखा है Cl इस पे लिखा है H इस पे लिखा है Cl समझ हो

ये आपका हो गया एच और यह आपका हो गया सीएल यह हो गया एच और यह हो गया सी तो यह आपको किसके रिप्रेजेंट करता है बेटा यह आपका जो वाइट चीज है यह रिप्रेजेंट करती है कोवेलेंट बॉन्ड को किसको रिप्रेजेंट करती है कोवेलेंट बॉन्ड को यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अब दूसरे स्टेप पे अगर आप ध्यान से फोकस करें तो मैं दूसरे स्टेप पे क्या कर रहा हूं इन दोनों को जोड़ने के लिए इन चार टॉवल्स को जोड़ा है इन दोनों को जोड़ने के लिए वेलक्रो का इस्तेमाल करता हूं किसका वेलक्रो का जो मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं कुछ इस प्रकार का होता है वेलक्रो आप लोग देखिए इसको ध्यान से आई होप इसको रिलेट कर पाएंगे यह वेलक्रो होता है स्क्रीन पर दिख रहा है क्या यह वेलक्रो है दिख रहा है यह वेलक्रो है समझ मारी के बात समझ मारी के बात समझ है तो जैसे ही आप वेलक्रो पे लगाएंगे ध्यान से सुनना बेटा मजा आने वाला है ये आपके पास एच ये आपके पास Cl ये आपके पास एच और ये आपके पास Cl ठीक है ध्यान से फोकस करना एच सीएल एच सीएल और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बेसिकली आपके पास आएगा ये वेलक्रो क्या आ जाएगा ये वेलक्रो आ जाएगा अब ये जो वेलक्रो है ये बेसिकली क्या है ये है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका नाम अभी हमारे कोर्स में नहीं है इसीलिए नाम नहीं लिख रहा हूं तो ये जो आपका है वेलक्रो ये एक्ट करेगा एज इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए समझिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स है कोवोलेंट बॉन्ड है यानी यहां पर अगर इन दो टावेल्स को स्टिच कर दिया मैंने तो ये तो कोवोलेंट बॉन्ड है और इस मॉलिक्यूल इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है इन दो मोलिक्यूल्स के बीच में इंटर मोलिक्युलर यानी इंटर यानी बेसिकली बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मॉलिक्यूल के अंदर दैट इज इंट्रा दो के बीच में इंटर समझ रहे तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या है अगर आपको मैं बोलता हूं आप इसको फोर्स लगाइए आप इस पर फोर्स लगाइए जोर से फोर्स लगाइए फोर्स लगाइए इसको खींचिए खींचिए तो आप क्या देखेंगे कहां से टूटेगा यह आप यह देखेंगे कि यह एच और Cl साथ में रहेगा यह एच और यह Cl साथ में रहेगा ऐसा ही तो होता है जब आप हीट करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं सेपरेट होते हैं ना पर एंटिटी तो वही रहती है अगर आप पानी को इवेपोरेट करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन रहेगा एच टू टू ऐसे अगर HCl को आप इवेपोरेट करें मान लीजिए तो एच सी एल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है क्यों क्योंकि ये फोर्स क्या है ये बेसिकली आपका जो है ये जो है दैट इज वीक और इसी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड आपका बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लीजिएगा NCRT ने एक छोटी सी लाइन में इसको डिफाइन तो करा है अब आपको एक अच्छा मिल चुका होगा कि आप बॉन्ड की बेजती नहीं करेंगे लेकिन यह दोनों अलग हो रहे ना? ये दोनों ऐसे, HCL, HCL, ये अलग हो रहे समझ रहे समझ रहे इंटर मोलिक्यूलर अरे भाई इतनी बार समझा दिया एक ही चीज को कितनी बार इंट्रा इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में इंट्रा और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर इस मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रा इसके बीच में इंट्रा एच और सीएल एच और सीएल के बीच में इंट्रा ठीक है और ये जब आपस में जुड़ गए तो इंटर ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है वीक नहीं होता स्ट्रॉग होता है गलत फहमी दूर कर लेना इसीलिए कंसेप्ट आपको दिया ठीक समझ में आ गया अरे भाई समझ में आया क्या है ये ऊपर से मार के चला गया नो मार्स पे जाएंगे हो ऐसे तो नहीं आ दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रे लोग, रे लोग, रे लोग, रे, लोग, रे लोग। अरे मजा वज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है खाने पीने का सामान रखे नहीं रखा है जल्दी जल्दी बताओ फटाफट फटाफट खाने पीने का सामान रखा ही नहीं रखा है दोस्तों लंबी चलेगी दोस्ती अपनी आज चलो चले चले क्या दोस्तों आगे चले आगे चले एक मिनट हमारी टीवी को क्या हो गया ये <coughs> चलिए बढ़िया आगे चले चलो एलोट्रोप्स की कहानी को स्टार्ट करते हैं नाउ व्हाट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ठीक है तो ध्यान से इस चीज को सुनेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपके क्या होते हैं ठीक है पढ़ के कौन समझ रहा है एक बार इसको पढ़ के समझना हम जब तक टीवी के साथ थोड़ा खेल लें यहां पर चलो भैया चालू हो जाओ बताओ पढ़ के कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात कितने बच्चों को बात पढ़ के समझ में आ रही है चैट बॉक्स में टूटे हुए दिल आ रहे हैं अपने पास ऐसे क्यों हो रहे भैया हैं ऐसे क्यों हो रहा है जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे चलो मैं बताता हूं तो जब आपका सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट ध्यान से फोकस करना सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स ध्यान से सुनना सेम एलिमेंट के जब आपके डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वाइल बींग इन द सेम फिजिकल स्टेट यानी सेम एलिमेंट है मान लीजिए कार्बन है और सॉलिड स्टेट में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेके आता है तो इस फिन को एलोट्रोप्स मतलब इनको एलोट्रोप्स कहते हैं और इस फिन को एलोट्रोपी या एलोट्रोपिज्म कहते हैं कार्बन के केस में होगा ये भाई कार्बन की अगर मैं बात करूं कार्बन की मैं बात करूं तो सेम फिजिकल स्टेट में सॉलिड स्टेट में डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे और ये डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे इनको हम एलोट्रोप कहते हैं को एलोट्रोपी एलोट्रोपिज्म कहते हैं सरल सी बात है स्टार्ट करते हैं यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायमंड के साथ अब देखिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं ये चीज बहुत डेप्थ वाला कंसेप्ट है शॉर्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बहुत सारी दुनिया में लोगों को होगा ओ हो हो मेटल्स बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते गलत डायमंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है नॉन मेटल तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आ रही होगी क्या इलेक्ट्रॉन्स का वो योगदान नहीं है क्या हीट ट्रांसफर में कुछ नहीं है 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 तुमको तो सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग कौन सा है बेटा ये है आपका डायमंड अब इसमें बहुत सारा डिटेल में हम जा सकते हैं डायमंड में भी कौन सा ब्लैक डायमंड है कार्बोन आडो कहते हैं ये सब है ना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एंड ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है क्योंकि यहां पे जो हीट ट्रांसफर होता है दैट टेक्स प्लेस जिसको हम बोलते हैं आप यहां पर जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है वाइब्रेशन vibration. वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है वाइब्रेशन ऑफ कार्बन एटम्स उसके थ्रू होता है इसको बेसिकली फोनोनिक हीट ट्रांसफर कहते हैं फोनोनिक, फोनोनिक हीट ट्रांसफर कहते हैं क्या कहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज है कोई जल्दीबाजी नहीं आप ले सकते हैं फोनोनिक हीट ट्रांसफर ठीक है ठीक है तो होता क्या है कि कार्बन जो है यहां पे डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है और हीट ट्रांसफर जो होता है वो कैसे होता है आपने एक चीज को गर्म करना स्टार्ट किया कार्बन के एटम्स के बीच में वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी ऐसे वेव्स के फॉर्मेट में इसको फोनॉन्स कहते हैं और ये बहुत फास्ट होगी अगर सिल्वर की बात करें तो ये ऐसे होता है और अगर डायमंड कहते रहे इतना फास्ट होगा ठीक है तो डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आई होप आपको यह बात यहां पर समझ में आ गई है दूसरी बात अच्छा डायमंड शब्दकाल से है थोड़ा एक्स्ट्रा और बता दो इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडमास किससे ग्रीक वर्ड एडमास से आया है जिसका मतलब होता है इनवेंसिबल ठीक है समझ में आ रही है तो डायमंड आपका हार्डेस्ट नेचुरल है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है अब डायमंड के स्ट्रक्चर को ध्यान से यहां पर एक बार हम लोग समझ लेते हैं इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको मजा आएगा ठीक है तो यहां पर आपने क्यूब देखा है ध्यान से देखिए क्यूब आपको दिख रहा है उसके हर वर्टाइस पे हर कॉर्नर पे आपको एक एटम मिल रहा है तो एट कार्बन एटम्स एट कार्बन एटम्स एट कॉर्नर एट एवरी कॉर्नर देर इज अ कार्बन एटम सिक्स कार्बन एटम्स जो होंगे एट फेसिस एट ईच फेस देर इज अ कार्बन एटम एंड बेसिकली फोर कार्बन एटम्स होंगे जो होंगे इन बिटवीन ठीक है समझ रहे हो आप समझ रहे हो आप ये चार कार्बन जो आपको पे दिख रहे हैं ना हरे कलर से जो का, चार कार्बन आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली आपके इन बिटवीन से से ध्यान फोकस करना पे भाई लोग अब देखो भैया थोड़ा हर कॉर्नर पे एक, एक पे एक एटम है, फेस दिख रहे हैं रैंडमली अरेंज्ड है समझना बहुत आसान पड़ जाएगा स्ट्रक्चर को ठीक है अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां से इसको ड्रॉ करता हूं तो इस पर आप फोकस करिएगा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा फोकस करिएगा ये आपका ग्रीन वाला जो एटम है मैं उसको बना रहा हूं देखिए ग्रीन वाला एटम जो है उसको बना रहा रहा हूं ये रहा। और फिर इसके ऊपर एक नीला वाला एटम है इधर ठीक है फिर उसके इधर एक एटम है नीला वाला इधर ठीक है उसके इधर एक एटम है नीला वाला इधर बहुत बढ़िया और एक इस तरफ है नीला वाला एटम ये रहा इधर अब देखिए ये ऐसे बर्निंग बॉन्ड्स और ये बेसिकली कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है अब ये क्या है जिन्होंने गणित पढ़ी हमारे ऋतिक भैया से संयम सर से या मोहित पुनिया सर से है ना या कमल भाई से किसी से भी पढ़ी है तो आपको उन्होंने बताया होगा एक शेप होता है गणित के अंदर जिसको बोलते हैं टेट्रा क्या होता है एक शेप होता है जिसे बोला जाता है टेट्रा उसमें क्या होता है ऐसे ट्राइंगुलर बेस होता है है ना एक ट्राइंगुलर बेस होता है और एक ऊपर वर्टाइज होती है इससे तीनों तीनों कनेक्टेड होते हैं होता ही नहीं होते होता है हाँ अब मान लीजिए आपके हर कॉर्नर पे ये एक कॉर्नर ये दूसरा कॉर्नर ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर एक दो तीन चार कॉर्नर और बीच में आपका एटम हो जो इनसे लिंक कर रहा हो तो एक तरीके से यही स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा तो टेट्राहीड्रन में यानी ट्राइंगुलर बेस हो और ऊपर एक पॉइंट हो जिस पे तीनों कनेक्टेड हैं इसके जो चार कॉर्नर उस पे एक एटम हो और बीच में एक एटम जो इनसे कनेक्टेड हो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहीड्रल यूनिट क्या बोलते हैं टेट्राहीड्रल यूनिट इसका मतलब होता है कि एक एटम आपका सेंटर में है और बाकी टेट्राहीड्रन के कॉर्नर पे जो एटम हैं उनसे कनेक्टेड है ये टेट्राहीड्रन के जो कॉर्नर से उससे एटम पे ये कनेक्टेड है इसको टेट्राहीड्रल यूनिट बोलते हैं तो ऐसी बहुत सारी टेट्राहीड्रल यूनिट्स कंबाइन करती हैं कंबाइन टू फॉर्म थ्री स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डायमंड का जो थ्री डी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली बनाती है ये ठीक है बहुत सारी टेट्राहेड्रल यूनिट्स और यहां पे फोकस कीजिएगा कि हर डायमंड एटम में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स लिविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड टेट्राइडल चार कार्बन एटम से अटैच होगा और जिससे ये यूनिट जो कंबाइन करके थ्री डी रिजिट स्ट्रक्चर बनाएगी जो एनसीआरटी में दे रखा है समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रही के यहां पे जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में सभी को समझ में आ रहा है इज एवरी वन एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट मैं आता हूं आप लोगों के चैट में आके देखता हूं क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है जल्दी से बता देंगे फटाफट से इतनी बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों क्या ये बात समझ में आ रही है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने कोई डिफिकल्ट बात नहीं बोली है ठीक है तो डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग संस्थान है सभी को समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इनके बीच का एंगल हो जाएगा बिल्कुल सही बात है या डिग्री इनके बीच का एंगल होता है एक्स्ट्रा हो जाएगा अभी उस पर फोकस नहीं करना है इतना समझ में आ गया ठीक है अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में अब ग्रेफाइट जो है ये ग्रीक टर्म से आया है यह ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफीन क्या बोलते हैं ग्रेफीन जिसका मतलब होता है ग्रेफीन का मतलब होता है टू राइट क्या मतलब होता है ग्रेफीन का मतलब होता है टू राइट तो ये शब्द है ग्रेफीन इससे आया है क्या ये काला है? तो इसका नाम इसीलिए प्लम्बागो रख दिया गया था क्या रख दिया गया था प्लम्बागो है ना क्योंकि लोगों को लगा लेड बाद में पता चला कि ये तो कार्बन है तो आज भी उस नाम का एंड्योरेंस आप देखिए पेंसिल के अंदर होता है लोग बोलते हैं लेड लेड नाम का एंड्योरेंस है आज भी ठीक है ना तो लेड नाम का एंड्योरेंस क्यों है क्योंकि जब ये डिस्कवर हुआ था डिस्कवर्ड तो इसका नाम क्या रखा था इट वॉज नेम्ड ब्लैक लेड यानी कि प्लंबागो ठीक है स्टिल एंड्योरेंस ऑफ दिस नेम स्टिल एंड्योरेंस ऑफ दिस नेम एग्जिस्ट जबकि एक्चुअल में पेंसिल के अंदर क्या होता है जबकि एक्चुअल के अंदर पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट ठीक है अब कैसा होता है ये ये होता है आपका ओपेक ग्रेस ब्लैक ब्रिटल एंड लस्ट्रस फॉर्म ऑफ कार्बन सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिएगा ओपेक ओपेक जैसे कि जिससे लाइट पास ना हो पाए ओपेक होता है वो दूसरा ग्रेस ब्लैक ग्रेस ब्लैक।, ब्लैक कलर होता है उसका है ना ब्रिटल मतलब अगर फोर्स लगाओगे तो चटक जाएगा फोर्स लगाते ही टूट जाता है हां लेस्ट्रस फॉर्म ऑफ कार्बन है लाइट रिफ्लेक्ट करता है इसलिए चमकता है जाके पेंसिल का लाइट देख लीजिएगा चमकता है बिल्कुल सही बात है अब देखिए इसके अंदर क्या है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसे लेयर होती है जैसे मान लीजिए ए लेयर है ठीक है फिर मान लीजिए ये आपके पास बी लेयर है फिर मान लीजिए आपके पास ये ए लेयर है ठीक है तो हर इंडिविजुअल लेयर का नाम क्या होता है एवरी इंडिविजुअल लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन क्या बोलते हैं इसको ये ग्रेफीन ये ग्रेफीन ये ग्रेफीन ये सारे के सारे क्या है ये ग्रेफीन कहलाते हैं है ना एंड आप देखिए ऑल्टरनेट लेयर्स आपकी सेम होगी ये ए है फिर बी है फिर ए हो जाएगी ठीक है सो एटम्स आर अरेंज्ड इन दी लेयर्स ऑफ हेग्जागोनल एरे ये जो आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है टू डी स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग बट एरे यानी हेग्जागोन की शेप में आपका तीर है हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर का नाम याद रखिए हेक्सागोनल एरे ये स्ट्रक्चर कैसा है हेक्सागोनल एरे ये एक एक शीट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है समझ रहे हैं ठीक है क्लियर है बात अब देखिए ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स लिविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन हेंस ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या है हर एटम जो है वो तीन से बॉन्डेड है लिविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन तो यानी यहां पे ये यह बिजली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होता है हीट कंडक्शन में नेग्लिजिबल योगदान है फिर से बोल रहा हूं हीट कंडक्शन में नेग्लिजिबल योगदान है अगर रिस्पॉसिबल होते इलेक्ट्रॉन्स तो हीट uh, uh, होता कंडक्टर ऑफ हीट आपका डायमंड है इलेक्ट्रॉन्स का योगदान कार्बन इज बॉन्डेड टू बेटा कितने कार्बन एटम्स तीन कार्बन एटम्स लिविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इसका इलेक्ट्रॉन इसी लेयर में कूदेगा ठीक है तो मैंने क्या बताया

ठीक बहुत सिंपल सी बात अब एक और एक्स्ट्रा ज्ञान आपके लिए देखिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है है ना दैट इज आपका कौन सा होता है ये आपके पास होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवेलेंट बॉन्ड है ठीक है ना यहां पे दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड जो इन कार्बन एटम्स के बीच में है लेकिन इन लेयर्स के बीच में ये जो फोर्स है ये वाला जो फोर्स है ये ये इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन लेयर्स के बीच में इसको वेंडर वॉल वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बेसिकली क्या होता है ये आपका वीक फोर्स होता है और इसी वजह से क्या होता है ये जो लेयर्स है आपस में एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती है क्यों क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है क्या है वीक है दैट्स वाई लेयर्स स्लाइड ओवर इच अदर इसी वजह से लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती है स्लाइड कर पाती है इसी वजह से आप आपका जो पेंसिल है उसको शार्प कर पाते हैं आपकी पेंसिल के कोर को आप शार्प कर पाते हैं क्योंकि जो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं और आप इसको तीखा कर पाते हैं समझ में आ रही है बात यह बात समझ में आ रही है यह बात समझ में आ रही है समझ में आ रही है बात तो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है लेकिन जो तो लेयर्स तो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक है इसलिए लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड कर जाती है ठीक है चलो अब लास्ट पढ़ लेते हैं यहां पे तीसरा इलेक्ट्रोप ये बेसिकली क्या है फ्यूलिन ठीक है अच्छा ये बेसिकली आपका कैसा था नेचुरल था यह आपका कैसा था डायमंड यह भी आपका नेचुरल था अच्छा एक बच्चे कहते हैं सर सिंथेटिक डायमंड बनाना भी सिखा दो सिंथेटिक डायमंड कैसे बनता है वो भी सिखा दो ठीक है तो सिंथेटिक डायमंड कैसे बनता है आप ग्रेफाइट लीजिए ठीक है इसको 3000 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट कर दीजिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और आपको डायमंड मिल जाएगा इसको कहते हैं सिंथेटिक डायमंड ठीक है diamond, ये भी याद कर लीजिए आपके ऑरेंज कलर के डब्बे में दे रखा है तो दिस इज नोन एज सिंथेटिक डायमंड जो हम बना रहे ग्रेफाइट को तीन डिग्री सेल्सियस हीट करो एपसेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपको डायमंड मिल जाएगा आ जाओ अब आ जाओ इसके बारे में चर्चा करते हैं फ्यूलरीन के बारे में यह बेसिकली सिंथेटिक है इंसानों के द्वारा बनाया गया है आइए इसके अंदर क्या होता है इसको समझते हैं समझ में आ रही है यहां तक बात यार जल्दी जल्दी बता दो यहां तक बात समझ में आ रही है क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही है क्या सभी को सारी बातें क्लियर हो रही है फटाफट से बता दो फटाफट से बता दो एक सेकेंड देना ये टीवी को अपन थोड़ा सा स्टार्ट करवा लें एक सेकेंड देना चलो दोस्तों आ जाओ टीवी हमारा थोड़ा बंद हो गया था तो उसको चालू करवा देते हैं आ जाइए इस पे फोकस करते हैं आप तो आपका जो फर्स्ट फ्यूलरीन फर्स्ट फ्यूलरीन यानी जो सी सिक्सटी था वो डिस्कवर किया गया था किसने किया था अब बच्चे कहते हैं तो बकमिस्टर फ्यूलर ने डिस्कवर किया है गलत बात नहीं करनी गलत बात नहीं करनी इट वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन एटी फाइव बाई एच डब्ल्यू क्रोटो एंड वॉज नेम्ड आफ्टर आर्किटेक्ट बक मिनिस्टर फ्यूलर एज द स्ट्रक्चर ऑफ सी सिमिलर टू द डोम डिजाइन बाय हिम तो एक तरीके से इन ऑर्डर टू पे अब मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है ठीक है तो हमारे एक आर्किटेक्ट यूएस आर्किटेक्ट जिनका नाम था बक मिनिस्टर फ्यूलर क्या नाम था उनका नाम था बक मिनिस्टर फ्यूलर ठीक है तो बक मिनिस्टर फ्यूलर ने एक जियोडॉजिक डोम डिजाइन किया था ठीक आर्किटेक्ट थे एक डोम डिजाइन किया था बढ़िया अब इन तीन महाराजों ने एच डब्ल्यू क्रोटो आर एफ कर्ल ने जो डिस्कवर की सी में उसका स्ट्रक्चर उसके जैसा था तो उनको इज्जत देने के लिए इज्जत देने के लिए कि भैया आपका जो डोम है इसका स्ट्रक्चर हमने जो डिफाइन किया है कि दोनों सेम है तो नाम रख दिया क्या बक मिनिस्टर फ्यूलर नाम रख दिया ठीक है क्या नाम रख दिया बक मिनिस्टर फ्यूलर इसका नाम रख दिया ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इट कंटेन्स 26 सिक्स मेंबर रिंग्स, यानी हेक्सागोनल रिंग्स जो होंगी वो 20 होंगी और 12 फाइव मेंबर रिंग्स होंगी ठीक है पांच मेंबर वाली जो रिंग्स है एक दो तीन चार पांच मेंबर वाली रिंग्स कितनी होंगी आपके पास ये होंगी आपके पास बारह और ये होंगी आपके पास बीस ट्वेंटी सिक्स मेंबर रिंग्स ट्वेल्व फाइव मेंबर रिंग्स इंपॉर्टेंट फैक्ट द सिक्स मेंबर रिंग्स मेक बॉन्ड्स विद फाइव एंड सिक्स मेंबर रिंग्स, वाइल्ड का मतलब वाली जो है छह दोनों से अटैच है लेकिन पांच वाली कैरेक्टर से वो चारों तरफ से छह वाली घिरी भी होगी देखो इधर भी छह बीच में पांच वाली है तो फाइव मेंबर रिंग हमेशा सिक्स मेंबर रिंग से ही कनेक्टेड होगी और ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखता है ये कैसे दिखता है ये आपकी फुटबॉल जैसा है तो सॉकर बॉल लाइक like, या फिर आप कहेंगे बकी बॉल स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है सॉकर बॉल लाइक या बेसिकली बकी बॉल स्ट्रक्चर कैसा बकी बॉल स्ट्रक्चर या सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर साठ कार्बन के आइटम्स कुछ इस तरीके से अलाइंट होंगे आई होप आप समझ पा रहे हैं ठीक है समझ पा रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं क्या ठीक है बहुत बढ़िया

जल्दी 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 नोटी बॉय मत बनो रे डोंट बी नोटी बॉयज कुछ नोटी बॉयज कह रहे हैं सर बीरेक दे दो पोलर पोलर नॉन आपको आगे भी समझाऊंगा अभी मैं सोप पे आऊंगा भाई मैं पोलर नॉन पोलर वहां पे भी समझाऊंगा इसीलिए यहां पे छोड़ के आगे ले लिया क्या आगे ले लेंगे पोलर नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर मतलब पोल्स रहे ना पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा अभी पानी बताऊंगा तो पानी पोलर कोवेलेंट है ठीक है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा टेंशन मतलब भाई, एक एक चीज आप समझ के जाओगे यहां से आप देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इसको पढ़ने के बाद अपन एक ब्रेक ले लेंगे ले ठीक है एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक ले लेंगे वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड ये जिसको आप बोलते हैं क्या जिसको आप बोलते हैं योग्य तो कार्बन मल्टी टैलेंटेड है बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है ये वो है जो कीलास के टॉपर होते हैं वो वाले टॉपर वो वाले अपने जैसे वाले पढ़ाई में भी आगे स्पोर्ट्स में भी आगे डांस में भी आगे जैसे तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे अपन थे पीछे बैठते थे खूब मस्ती करते थे परेशान करते थे घर जाके पढ़ाई भी कर लेते थे फिर खेल भी लेते थे तो इससे क्या हुआ नंबर अच्छा आ गए क्योंकि अपन ट्यूशन पढ़ाते थे वहां जाके समझ रहे हो ट्यूशन पढ़ाने लग गए घर पे ही मम्मी के बैचेस पढ़ाने लग गए अपन मम्मी ट्यूशन लेती थी वो बैचेस लेने लग गए तो रिवीजन हो जाता था और फिर खेलने जाते थे तो खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब हो जा रही है समझ रहे हो तुमको भी करना है टेक्निक आ जाओ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन अब इतना तो पता है कि हर कार्बन एटम चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा टू तो अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी गैस के जैसा नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा इट विल अटेन द कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ नियॉन बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शोस टेट्रावेलेंसी एंड कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट मतलब हर कार्बन एटम चार इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना लूज ना गेन क्लियर अगला ये पहली प्रॉपर्टी ठीक है टेट्रावेलेंसी क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को टेट्रावेलेंसी दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन क्या है भैया मस्त आदमी है हमको बहुत पसंद है पता है क्यों हाँ यह सब तरीके के बॉन्ड बना लेता है कह रहा सिंगल बना लेंगे डबल बना लेंगे ट्रिपल बना लेंगे सबके साथ बना लेता है कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है देखो कार्बन बोले कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन के साथ बोले तेरे साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लूंगा तेरे साथ डबल बॉन्ड भी बना लूंगा तेरे साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना लूंगा अच्छा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसके साथ बोले भैया सिंगल बॉन्ड बना लूंगा तेरे साथ बोल डबल बॉन्ड बना लूंगा तेरे साथ बोल ट्रिपल बॉन्ड बना लूंगा कुछ भी कर सकता है तो ये क्या करता है इट हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक सिंगल भी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सकता, सकता है बहुत ही खतरनाक आदमी है भयंकर खतरनाक है बहुत ज्यादा फ्रेंडली दोस्तों ये। बहुत ज्यादा फ्रेंडली समझ रहे हो हाँ जी भी तीसरी चीज भाई देखते हैं आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन क्या है कैटेनेशन इसको मैं बोलता हूं कौन सी प्रॉपर्टी इसको बोलता हूं भाई 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 भाई, भाई, भाई मोरी रामा तारी रामा मोरी रामा भाई 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 भाई, भाई। ये भाई भाई प्रॉपर्टी क्या होता है भाई भाई प्रॉपर्टी में कार्बन बोला कार्बन अटीन आइयो अटीन आइयो कार्बन कार्बन अटीना कार्बन एटम एटम लिंक्स विद अनादर कार्बन फॉर्मिंग लॉन्ग ब्रांच एंड क्लोज कार्बन रिंग्स दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन कार्बन कार्बन के साथ ही दोस्ती कर रहा है तो लंबी चेन बनाएंगे ब्रांच बनाएंगे रिंग बनाएंगे अपने साथ दोस्ती कर रहा है कौन सा गाना आ रहा है चलो बाय 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 भाई मोरी रामा ये लंबी लंबी चेन ने कभी ब्रांचेस कभी रिंग्स मजे चल रहे मजे जीवन के समझ रहे हो अभी पढ़ाएंगे इनके बारे में भी अभी ये समझ में आया कि नहीं आया सुनील भैया ओपी इन द चैट बॉक्स आ गया तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या कैटे और कार्बन इसको सबसे मैक्सिमम लेवल पे शो करता है क्यों करता है वो भी बताऊंगा ठीक है सो so ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है कार्बन की कार्बन से दोस्ती करने की इसको बोलते हैं कैटेनेशन है ना एक अपने राजस्थान में कटे का मतलब होता है कहां ठीक है जो एक अपने क्या है अपने स्टूडेंट थे राजस्थान में तो अपन ने पहले भी बताया बच्चों को वो बोलते थे कटे नेशन <laughs> भैया अटे है नेशन था इको नाम है कैटे नेशन वो कह रहा भैया मैं वही तो बोल रहा हूं कटे नेशन अरे कटे नेशन थोड़ी रहे कटे नेशन नेशन तो अटे ही है कैटे नेशन समझ रहे हो <laughs> चलो अब सवाल ये है कि कार्बन कैटेनेशन मैक्सिमम एक्सटेंट पे क्यों शो करता है तुम्हारे दिमाग में आया होगा ऐसे क्यों सबसे ज्यादा दोस्ती है ये क्यों करता है मैं करूंगा मैं सबसे ज्यादा दोस्ती करूंगा मेरा काम है दोस्ती करने का ये कैसे कर लेगा ही इज नॉट द नोट बॉय समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो हाँ बहुत सही दोस्तों सो कार्बन शोसनेशन टू द मैक्सिम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इसका साइज इसको बचाता है साइज छोटा है तो न्यूक्लियस जो बीच में बैठा है वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है जाने नहीं देंगे तुमको इधर से ये न्यूक्लियस बोलता है जाने नहीं देंगे तुमको तो ये जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है सेंटर में न्यूक्लियस होगा मान लीजिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर किया है ठीक है तो ये न्यूक्लियस का इस पे पुल और न्यूक्लियस का इस पे पुल बना रहेगा ठीक है सो दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली ठीक है सो द बॉन्ड्स फॉर्म बाई एलिमेंट है बिगर एटम्स आर मच वीकर यह कहना चाह रहा है कार्बन का साइज छोटा है छोटा है तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहेगा अब मान लीजिए कोई एटम है जिसका साइज जो है वो बड़ा है ठीक है मान लेते हैं कोई बिगर एटम है ये मान लीजिए कोई बिगर एटम है।, है और इनकी यहां पे कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई अब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट रहेगा कार्बन का साइज मान लीजिए छोटा है ठीक है तो इसका साइज छोटा है ठीक थोड़ा सा इधर इधर जा भैया क्या कर रहे हो ठीक तो यहां पे साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज्यादा रहेगा साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नहीं रहेगा बॉन्ड इजीली टूट जाएगा समझ रहे हो यहां पे न्यूक्लियस का पुल बना रहेगा जाने नहीं देंगे इधर वो जाओ कोई दिक्कत नहीं तोड़ने का बॉन्ड आराम से तोड़ देगा समझ रहे हो और मैंने पहली बार भी बताया था यह तो बच्चे बार बार पूछ रहे सी टू पॉसिबल क्यों नहीं है भाई कार्बन कार्बन के साथ ही चार बॉन्ड बना लेगा ये मैं बता चुका हूं बहुत बार तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसका व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल क्यों ऐसा क्यों है है ना व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल भाई स्टेबल होने के लिए कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है पर ये सिलेबस के बाहर हो जाता है इसलिए फिर मैं बोलता हूं कि हटाओ इसको मैंने बताया इसका रीजन बहुत बार बच्चों को है ना बट फिर वही वाली बात आ जाती है डी ऑर्बिटल वाला केस आ जाता है तो अपन बोलते हैं वह ने दो तो। फिर कंफ्यूज हो गए क्या मतलब है वरना अपन ने बताया बच्चों को पेड़ में भी बताया बहुत बार चलो अब सल्फर का स्ट्रक्चर देख लेते भैया ये भी कैटेनेशन शो करता है सल्फर का स्ट्रक्चर कर लेते हैं भैया फटाफट कॉपी पेन ले लो बना लो इस सवाल पूछा जाता है है ना सल्फर भी कैटेनेशन शो करता है अब कैसे बनाना है कलर क्या है पहले तो येलो कलर का होता है बनाना कैसे है देखिए एक बनाइए ऐसे डब्ल्यू एक डब्ल्यू बनाइए और उसके ओवरलैप कर दीजिए जल्दी से इसको डब्ल्यू को ओवरलैप कर दीजिए ठीक कर दिया यह डब्ल्यू बनाया डब्ल्यू को ओवरलैप कर दिया कर दिया अब हर वर्टाइसिस पे एक सल्फर को रख दीजिए 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 ठीक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ क्या हो जाएगा एसेट हो जाएगा ये बेसिकली एसेट का स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर राजा के मुकुट जैसा नहीं लग रहा है तो ये हो जाएगा किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर कैसा है किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर है कैसा राजा के मुकुट जैसा स्ट्रक्चर है है ना ऐसे ताज जैसा स्ट्रक्चर है ना किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर है ना सिर्फ क्राउन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं मैं ऐसे नहीं कर रहा मैं गोले में लेके बना रहा हूं ज्यादा आसानी से बनता है ऐसे भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पर मैं बोल रहा हूं कि अगर इसी को गोले में लेके बनाएंगे तो ज्यादा आसान पड़ता है है अपन को ठीक है? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इस तरीके से बनाएंगे अब सल्फर के पास कॉन्फिगरेशन क्या है देखिए सल्फर की कॉन्फिगरेशन क्या है सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है दो, आठ और 6 16 एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 16 सोडियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर है ना सोडियम मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर या ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा तो सल्फर आउटर मोस्ट में कितना है छह इलेक्ट्रॉन्स है बनाओ छह देखो 1 2 3 4 5 और 6 एक दो तीन चार पाँच छ 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 ठीक है ऐसा हो जाएगा हाँ जी भैया अब इसको ध्यान से देखिएगा हर सल्फर को दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए जी भैया यहां से एक इलेक्ट्रॉन इससे करा इसने और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इससे किया ये इलेक्ट्रॉन इससे किया इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे किया एक इलेक्ट्रॉन इससे किया एक इलेक्ट्रॉन इससे किया और उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन इससे किया एक इलेक्ट्रॉन इससे किया सबने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है बहुत बढ़िया अब देखिए आठ होने चाहिए गिनते हैं एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छह सात आठ ये पीडब्ल्यू है आपके साथ ठीक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक हो गया बहुत बढ़िया अब देखो एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक सिमिलरली एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक सिमिलरली इधर चलते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक उसके बाद व्हाइट से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और यहां पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ठीक ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाएगा एसेट का समझ में आ गया अरे दोस्तों समझ में आया क्या स्ट्रक्चर ऑफ एसेट समझ में आ गया क्या ये इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट या बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर कहलाता है तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूजिंग डॉट या यूजिंग क्रॉस बना सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट या बेसिकली क्रॉस स्ट्रक्चर डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर कहलाता है यह ठीक है समझ में आ रही क्या बात क्लियर हो रही है क्या बात सभी को अच्छा लग रहा है क्या हाजी हा जी हा जी चलिए आगे चलते थोड़ा सा फटाफट से अब थोड़ी सी अर्ली थ्योरी ले लेते हैं ये ऑरेंज कलर के डब्बे में दे रखी है इसीलिए चाहता हूं कि वो भी कवर हो जाए और आपको ये सारी चीजें आपकी कवर होती भी मिले है ना और इसके बाद अपन ब्रेक लेने का ट्राई करेंगे है ना देखेंगे ट्राई करेंगे एक ब्रेक ले लेंगे छोटा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अर्ली थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थी लोग क्या सोचते थे क्या मान्यता थी क्या मानते थे बहुत इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं तो देखिए क्या बोला जाता था कंपाउंड सच एस यूरिया शुगर एटसेट्रा दट आर ओबीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसी चीजें जो आपको या तो डायरेक्टली मिले या आपको इनडायरेक्टली मिले लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको प्लांट या एनिमल से मिल रही है लिविंग सोर्सेज से मिल रही है चाहे डायरेक्टली मिल रही है चाहे इनडायरेक्टली मिल रही है यह ऑर्गेनिक है यह पहले की थ्योरी है और कंपाउंड सॉल्ट मार्बल अलम विच आर ऑप्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी आपको रॉक से मिल रहे हैं मिनरल से मिल रहे हैं नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहे हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एक बेसिक थॉट प्रोसेस था लोगों का अब इसको एनालाइज करते हुए एक बर्जीलियस महाराज थे हमारे है ना उन्होंने एक थ्योरी डाली और थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी ये बर्जीलियस ने दी किसने बर्जील स्वीडिश केमिस्ट थे महाराज ने बोला कि ऑर्गेनिक बर्जीलियनिक्स जो है आर प्रोड्यूस ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स एक्सिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज मिस्टीरियस आर वाइटल फोर्स कहने का मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है प्लांट और एनिमल से तो जो प्लांट और एनिमल है उनके अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस फोर्स है एक खुफिया फोर्स है एक खुफिया ताकत है वो खुफिया ताकत है वाइटल फोर्स की जिस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाते हैं लोग बोले ठीक है हो सकता है भाई इनऑर्गेनिक मिल रहे हैं नॉन लिविंग चीजों से ऑर्गेनिक मिल रहे हैं लिविंग चीजों से उन्होंने कहा लिविंग चीजों में कुछ ताकत है कुछ फोर्स है तो मान लिया लोगों ने हाँ ठीक है भाई ने बोला वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी कि बोला कोई फोर्स है इस फोर्स की वजह से होता है जो फोर्स नॉन लिविंग चीजों में नहीं है इस वजह से उनसे वो नहीं मिलता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सही बोल रहे होंगे ठीक है सही बोल रहे होंगे अब आए वोहलर महाराज इन्होंने क्या करा गलती से गलती कर दी गलती से गलत प्रूव कर दिया अब देखो कभी कभी लोग तुमको गलती से गलत प्रूव करते हैं समझ रहे हो तुमको गलती से गलत प्रूव कर देते हैं और वो फिर खुश होते हैं समझ रहे हो तुमको कुछ लोग गलती से गलत प्रूफ करते हैं लेकिन कुछ हैं मैंने किया था अरे इन्होंने क्या। गलती से हो गया क्या क्या महाराज ने देखिए अब ये थे आपके फ्रेडरिक वॉलर ठीक है क्या थे ये फ्रेडरिक वॉलर फ्रेडरिक वॉलर जो है एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी कर डाली इन्होंने क्या किया इन्होंने यूरिया बना डाला क्या बना डाला यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम ऑफ यूरिन होता है लोग इसको रिलेट करते थे कि अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा, लिविंग सोर्सेज एनिमल्स है ना हम एनिमल किंगडम में आते हैं हमसे मिल रहा है हमसे मिल रहा है ना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अब भाई ने ये तो लेबोरेटरी में बना दिया अब ये कैसे बनाया ये तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्सेस ही बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया कैसे देखो महाराज ने क्या किया रिएक्शन करा रहे होंगे अमोनियम क्लोराइड के इन पोटेशियम साइनेट की ठीक है अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट महाराज इनकी रिएक्शन करा रहे होंगे दोनों इन कंपाउंड है ध्यान से देखना कोई लिविंग सोर्स यहां पे इन्वॉल्व नहीं है दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ध्यान से देखिए दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों के दोनों नॉन लिविंग सोर्सेस से आपको मिलते हैं ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अब देखिए ये कटायन या नायन ये कटायन या नायन अब ध्यान से देखिए ये मालिक इसको ले जाएंगे ये मालिक इसको ले जाएंगे ठीक है अगर आपको चार्जेस नहीं समझ में आ रहे तो आप कटायन अनायन लिख दो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको कटायन अनायन के फॉर्मेट में याद करा देता हूं यह आपका कटायन है यह आपका अनायन है यह आपका कटायन है यह आपका अनायन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कटायन अनायन का एक्सचेंज करो यह मालिक किसको ले जाएंगे यह मालिक ले जाएंगे आपने हीट किया इसको यह बनाएंगे एनएच फोर सी प्लस केसीएल और फर्दर यहां क्या हुआ फर्दर यहां पे क्या होता है ये फर्दर आपका हीट के देने पे ये रीअरेंज करता है खुद को होता है आप इसको हीट देते जाएंगे रीअरेंज करेगा ये बनाता है एनएच एन एच टू ठीक है क्या बनाता है जैसे दो नाइट्रोजन देखिए दो नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ये बनाता है बेसिकली आपका यूरिया ठीक है क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या आपको बात समझ में आ रही है इसको कहते हैं वॉलर्स सिंथेसिस ठीक है ठीक है बिल्कुल जरूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके भी जरूरी है बिल्कुल जरूरी है भाई बिल्कुल जरूरी है ध्यान से देखिए इसके ऊपर तो फ्रेडलिक फ्रेडरिक वॉलर जो जर्मन केमिस्ट थे उन्होंने गलती से गलती कर दी गलती से वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया जो कह रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्सेस यानी कि प्लांट्स और एनिमल से ही मिलेंगे लेबोरेटरी में बना दिया भाई ने गलती से और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जिनके अंदर जो बेसिकली आपके प्लांट्स एंड एनिमल से मेजरली मिलते हो दूसरा कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एंड एटलीस्ट वन बॉन्ड इज देयर अब ये जरूरी नहीं कि हर बार हो बट मेजरली कंडीशन में होता है ठीक है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि आपकी लिविंग सोर्सेस से मिले और दूसरा आपको उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो हो वो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एटलीस्ट एक बॉन्ड हो जरूरी नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बट कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे समझ में आ गया समझ में आ गया क्लियर है बात क्लियर है ठीक है अब यहां पर एक ब्रेक ले लें क्या दस मिनट का एक दस मिनट का ब्रेक ले लें क्या भाई एक दस मिनट का ब्रेक ले लें ताकि आप लोग इतनी बातों को एक बार याद करके आ पाओ समझ में आ रही है बात यहां पे एक मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं बढ़िया से फटाफट से एक टेन मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं ठीक है उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ठीक है उसके बाद वो पांच मिनट का एक ब्रेक जो है वो कैंसिल कर देंगे बीच में जा लगेगा वहां पर ब्रेक दे देंगे ठीक है ठीक है चलो फटाफट यहां तक आप लोग रिवाइज कर लो जल्दी से कॉपी पे निकाल के रखना और अब अपने सारे दोस्तों को भी बुला के लेके कि फटाफट से जाओ अब सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद तो वहां से हमारी कहानी होगी स्टार्ट तब तक के लिए बच्चा लोग जल्दी से चालू कर देते हैं इसको फटाफट से हमारे टाइमर को हम स्टार्ट कर देते हैं कुछ खा पी क्या जाइए आवाज आ रही है भाई लोग चालू करें चलो <laughs> लेट <टो> ओपी <laughs> लेट ओपी है क्या बन चलो कोई दिक्कत नहीं आ जाओ <coughs> तो अब स्टार्ट करते हैं यहां पे इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड एंड अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है यहां पे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि सैचुरेटेड का मतलब क्या और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है ठीक है ये वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको जानेंगे पहले एक छोटी सी टेबल ले लेते हैं फिर आगे सारी चीजों को डिकोड करेंगे तो यहां पे आप तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसेचुरटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन हो ठीक है हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं सो वे टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड उनके बारे में चर्चा हो रही है सबसे पहले है एलकेन कैटेगरी कौन सी कैटेगरी सबसे पहले है एलकेन कैटेगरी दूसरी है हमारे पास एल्किन कैटेगरी और तीसरी हमारे पास है एल्काइन कैटेगरी ठीक है बहुत बढ़िया अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बहुत ध्यान से और गौर से सुनना सबसे पहले एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन यानी अगर आप फोकस करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज ट्वाइस टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ठीक है यानी आपके जितने हाइड्रोजन एटम है वो ट्वाइस है जितने कार्बन एटम है सी एन एच टू एन अगर ये एन ना तो ये टू एन है अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिफाइंड है बच्चे कहते हैं सुनील भैया एक लंबी चेन में तीन डबल बॉन्ड डाल दिए लेकिन फॉर्मूला सी एन एस टू आ रहा था बेटा नहीं आएगा एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिफाइंड है एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए ही डिफाइंड है समझ लीजिए पहले से अब इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू और इसका होता है सी एन एच टू एन माइनस टू दो हाइड्रोजन कम कर दीजिए यहां पे दो हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए अब ये दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे जब है ना कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स यहां पर बेसिकली होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स यहां पर होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ठीक है डबल बॉन्ड लेकिन इस पूरी चेन में जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे कोर्स में जो है ओनली वन वाला है अगर ये फॉर्मूला है तो ओनली वन होगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ये भी बेसिकली आपका ओनली वन होगा यानी एक ही होगा पूरी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर ये फॉर्मूला है तो फॉर्मुला चेंज नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीपल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसा है ये ये सैचुरेटेड है अब इसका क्या मतलब है अगली स्लाइड में जानेंगे सैचुरेटेड का और ये दोनों क्या है बेसिकली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कैसे हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सफिक्स यानी नाम के आखिरी में आने वाला सफिक्स का मतलब होता है फ्रेज आफ्टर यानी किसी चीज के बाद में आने वाला तो यहां पे क्या होगा एन इन आइन तो ये हो जाएगा एलकेन यह हो जाएगा एलकीन और ये हो जाएगा एलकाइन ठीक है समझ रहे हैं बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एल्केन एलकीन एलकाइन ठीक है समझ रहे हैं क्या क्लियर हो रही है बात क्लियर हो रही है बात आगे चले देखिए अब यहां पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सैचुरेटेड सैचुरटेड का मतलब क्या है कौन बताएगा मेरे को सैचुरेटेड का मतलब क्या है आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है सैचुरेटेड सोल्यूशन हाँ भैया सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था उसमें क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्ड इन अवेंट एट ए गिवन टेम्परेचर यानी इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते ये मैक्सिमम है जो डिजोल्व किया गया है इससे ज्यादा नहीं होगा वो सैचुरेट हो चुका है तो यहां पे हाइड्रोकार्बन सैचुरेट हो गया इसका क्या मतलब है यानी यहां पे मतलब ये है दट कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और इस वजह से देयर शुड बी नो मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स यानी कार्बन जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है उतने मैक्सिमम अटैच है सिलियम कहते हैं कि कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोजन से इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड्स है ही नहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बाकी सारे बॉन्ड जो बनाएगा हाइड्रोजन से बना लेगा और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है ध्यान से सुनिए अनसेचुरेटेड का मतलब है कार्बन एटम्स आर नॉट सेचुरेटेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू विच मल्टीपल बॉन्ड्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन दी कार्बन एटम्स यानी यहां पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं ठीक है ना वहां पे मैक्म नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटमस नहीं है वहां पे मल्टीपल है डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो कार्बन तो चार ही बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन चार ही बॉन्ड बना सकता है ना अब अगर वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन घट गए यानी यहां एट तो वो सेचुरेटेड है यहां नहीं है समझ में आया बेसिक मतलब समझो पहले रट लेते अपन यार ये यारे्युरेटेड है भैया सेचेड भैया क्या मतलब है ये मतलब है भाई समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो सैचुरेटेड अनसेच्युरेटेड के बीच का डिफरेंस ये है कि यहां पे कार्बन एटम्स जो चार बॉन्ड बना रहे हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बाकी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन आ रहे हैं ठीक है और यहां पे अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम घट जाएंगे कार्बन अगर कोने में तो तीन बॉन्ड बनाएगा बीच में तो अगर मैं सेचुरेटेड की बात करूं तो दो बॉन्ड बनाएगा दो हाइड्रोजन अटैच होंगे अभी आपको बॉन्ड बना के दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और अनसेचुरटेड में मल्टीपल बॉन्ड है इस वजह से इस वजह से हाइड्रोजन आइटम घट जाते हैं ठीक है थीके? अब थोड़ा इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं ध्यान से इसको देखिएगा यहां पे तो यहां पे एक चीज लिखी है रूट वर्ड देखिये नाम लिखना सिखा रहा हूं आप लोगों को ध्यान से देखिएगा रूट वर्ड क्या लिखा मैंने रूट वर्ड ये रूट वर्ड क्या बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है जैसे कि यहां पे ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो n इक्वल टू अगर वन n इक्वल टू टू एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू फोर एन इक्वल टू फाइव एन इक्वल टू सिक्स एन इक्वल टू सेवन एन इक्वल टू एट एन इक्वल टू नाइन और एन इक्वल टू टेन

ये बेसिकली होता है रूट वर्ड यानी कितने कार्बन एटम है अब यहां पर अगर एल्केन से हम स्टार्ट करें दोस्तों तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला होता है सी एन एस टू एन प्लस टू इसका जनरल फॉर्मूला अगर एक डबल बॉन्ड है सीएनएस टू एन और इसका होता है दोस्तों सी एन एस टू एन माइनस टू ठीक है एन की डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं करके देखते हैं ज्यादा मजा आएगा एन की वैल्यू टू प्लेस कीजिए उधर तो ये हो जाएगा सी टू एच टू क्रॉस टू प्लस टू ये हो जाएगा सी टू यह कितना एच सिक्स यहां पर सी थ्री एच टू क्रॉस थ्री करते हैं तो ये हो जाएगा सी थ्री एच सिक्स यहां पर सी फोर एच टू क्रॉस फोर माइनस टू ये कितना हो जाएगा सी फोर एच सिक्स अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन अगर ट्वाइस होगा हाइड्रोजन यानी एल्किन कैटेगरी है नंबर ऑफ कार्बन दो कम है हाइड्रोजन चार का दो गुना होता है आठ आठ में से दो में के छह तो ये बेसिकली हो गया एल्काइन कैटेगरी और ये ट्वाइस से दो ज्यादा है तो ये हो गया एल्किन कैटेगरी इतनी बात समझ में आई हां जी भैया अब इसका नाम लिखते हैं नाम लिखना है अगर आपको एल्किन का भी बेसिक आयुपेक्स सिखा रहा हूं रूटवर्ड प्लस सफिक्स लगाइए रूटवर्ड क्या है भैया और सफिक्स क्या है भैया देखिए इस केस में दो कार्बन है दो कार्बन पे क्या लगाएंगे एथ दो कार्बन पे क्या लगाएंगे सफिक्स क्या लगेगा एलकेन में लगेगा, ई नाम बन जाएगा इथेन बहुत बढ़िया दूसरे पे आते हैं। तीन कार्बन है तीन कार्बन का मतलब हो गया बेसिकली आपके पास ही हो गया प्रॉप हाइड्रोजन जस्ट ट्वाइस है तो सफिक्स हो गया इन नाम हो गया प्रोपीन उसके बाद चार देखो चार कार्बन है छह हाइड्रोजन यानी ट्वाइस से दो कम है तो ये देखिए चार कार्बन पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूट प्लस ये हो जाएगा बेसिकली वायनी ये हो जाएगा आपका बुटाइन ठीक है तो ये इथेन ये प्रोपीन ये ब्यूटाइन समझ में आ गया क्लियर है बात क्लियर है मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा अभी सारे के सारे अभी बेसिक बातें कर रहा हूं बहुत बेसिक एक कार्बन हो तो मैथ दो कार्बन है तो एत, तीन है तो 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 चार है 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 ब्यूट पांच पेंट छह हेक्स सात आठ ऑक्ट नौ है तो है तो डेक अब देखिए अगर एलकेन के में N का वैल्यू टू डालू यहां पर एन का वैल्यू थ्री डालू यहां पर एन का वैल्यू फोर डालू मैंने रैंडम कुछ भी डाला है तो ये सी टू एच सिक्स यानी कार्बन जो है उसका ट्वाइस का दो एड कर दो तो इतने हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा है ना ठीक है और यहां पे जस्ट ट्वाइस हो जाएंगे और यहां पे ट्वाइस से दो कम हो जाएंगे तो रूटवर्ड दो कार्बन एथ तीन कार्बन प्रॉप चार कार्बन ब्यूट अब देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड्स होंगे हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन ट्वाइस से दो ज्यादा एन एन यहां पर बुटाइन नाम हो जाएगा ठीक यह तो हो गया कंसेप्ट नंबर पहला इस 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 क्लास क्लास का का स्लाइड का कंसेप्ट फर्स्ट हो गया खत्म टू पे चलते हैं चलतेप्ट फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया कंसेप्ट टू पढ़ाऊंगा आप कंसेप्ट टू ये है ध्यान से देखिए बच्चे पूछते हैं और यह सवाल पूछा भी गया है कि एल्किन और एल्काइन फैमिली का एल्किन और एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर कौन है ठीक है तो याद रखिए द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किन एंड एल्काइन फैमिली इज इथीन नोट करिए इथीन एंड इथाइन अब आप बोलेंगे मिथिन और मिथाइन क्यों नहीं होता है ना बोलेंगे ना हाँ क्योंकि यहां पे कंडीशन है उस कंडीशन को देखिएगा मिनिमम टू कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करनी है तो दो दो कार्बन चाहिए मिनिमम दो कार्बन चाहिए तब उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे ना तो मिथिन और मिथाइन होगा कैसे पहला दूसरा अच्छा मिथिन के दिखाना एक बार बच्चे ने बोला मेरे को एक बार मैं मिथिन बनाऊंगा मैंने कर ले बना बेटा बोले मैं मिथाइन भी बनाऊंगा मैंने कहा लिख ले और बना के दिखा एक बार फटाफट से मिथिन और मिथाइन बना तो भाई ने क्या किया बोले एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया सी एच टू हो गया कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है क्या फिर उसने बोला मिथाइन बनाऊंगा मतलब कार्बन से ट्वाइस हाइड्रोजन में दो माइनस करना है ट्वाइस हाइड्रोजन होंगे एक कार्बन ट्वाइस हाइड्रोजन मतलब दो उसमें से दो माइनस कर दो तो सी एच जीरो क्या यह पॉसिबल है क्या यह पॉसिबल है यह दोनों ही पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैलेंसी जो है कार्बन की नॉट सेटिस्फाइड है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट सेटिस्फाइड समझ में आ गई क्या बात क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है बेटा वो यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं एम आई एबल टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट क्या मैं आपको ये क्लियर करवा पा रहा हूं क्या मैं आपको ये क्लियर करवा पा रहा हूं क्या मैं आपको ये क्लियर करवा पा रहा हूं तो अगर आपको अच्छा मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनना लोग पूछते हैं एल्कीन और एल्किन और एल्काइन का पहला मेंबर कौन सा है तो बच्चे क्या बोलेंगे देखो बच्चे बोलेंगे मैथ और इन जोड़ के मिथिन और मिथाइन बना देंगे आप कहोगे बोले हाँ. अब देखो सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला देखो तो मिथिन और मिथाइन क्या होता है अगर एक कार्बन होगा एल्किन में तो ट्वाइस हाइड्रोजन होंगे तो क्या यहां पे कार्बन के चार बॉन्ड बन रहे हैं क्या नहीं पॉसिबल ही नहीं है और यहां पे क्या होना चाहिए एल्काइन में क्या होता है ट्वाइस से दो कम यानी एक कार्बन है तो ट्वाइस होगा दो हाइड्रोजन उसमें दो कम तो टू माइनस टू सी एच जीरो मतलब जीरो हाइड्रोजन कैसे पॉसिबल है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट सेटिस्फाइड पॉसिबल ही नहीं बनना और मिनिमम दो कार्बन एटम चाहिए कंडीशन होता है अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है तो हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा वो मिनिमम दो कार्बन चाहिए तो तुम बोलोगे कि फिर मीथेन कैसे बन रहा है मीथेन में भी तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए एक ही कार्बन है अच्छा क्वेश्चन है समझाता हूं तुम्हारे दिमाग में फिर आना चाहिए कि अगर आप यह कह रहे हो कि एल्कीन और एल्काइन में मिनिमम दो कार्बन चाहिए तभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हम करेंगे तो फिर एल्केन में भी यही करो ना कि कार्बन कार्बन होने चाहिए दो मिनिमम उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा तो यही था यहां पे लिखा तो यही था कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स सिंगल कार्बन एटम्स के बीच में तो यहां पर तो एक ही कार्बन एटम है यानी मिनिमम दो होने चाहिए ना लेकिन यहां पर तो एक ही है तो फिर आपका मीथेन कैसे पॉसिबल है सवाल अच्छा है दिमाग में आना चाहिए क्योंकि रटना तो नहीं है अब देखिए आपका सवाल अगर ये आ रहा है कि मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे है क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने के लिए भी दो कार्बन चाहिए ना फिर जब आप एल्किन एल्काइन में बोल रहे हो मिनिमम दो चाहिए तो यहां भी दो चाहिए ना बाबू अब कैसे होगा ये क्यों सुनील भैया ये कैसे होगा दिमाग को मत घुमाओ ऐसे बोलोगे ना आप बोलोगे ना मेरे को दिमाग मत घुमाओ भैया यार नहीं घुमा रहा प्यारे बच्चों नहीं घुमाऊंगा मैं अपने प्यारे बच्चों को नहीं घुमाऊंगा मैं उनको बताऊंगा मीथेन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है इसके तीन कारण हैं। पहला कारण कार्बन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से इसीलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी एच फोर में क्या होता है चारों तरफ से हाइड्रोजन अटैच है तो सैचुरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ओ वाह भाई क्या बात है दूसरी कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है क्या कहीं पे भी? कहीं पे पे भी भी डबल ट्रिपल है नहीं है तीसरी बात क्या ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है के जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है क्या क्या ये जनरल फॉर्मूला ऑफ को फॉलो करता है देखो सी एन एच टू एन प्लस टू तो अगर तुम यहां पे एन का वैल्यू वन प्लेस करो टू क्रॉस वन प्लस टू तो सी एच फोर हा भाई ये आपका के जनरल फॉर्मूला को भी फॉलो करता है इसी वजह से ये यह यहां पे है आपका क्वेश्चन लॉजिकल है कि जब एल्किन में मिथिन नहीं नहीं बन सकता, नहीं बन सकता सकता क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए मिनिमम दो कार्बन चाहिए एक कार्बन से काम क्यों हो रहा है फिर यहां पे यहां पे भी ये होना चाहिए ना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपने गलत चीज क्यों बोली इसका रीजन यह है कि कार्बन यहां पे सेचुरेटेड है जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन हो सकता है अटैच्ड है दूसरा मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है तीसरा यह बेसिकली जनरल फॉर्मूला गया मजा आ रहा है मजे दिलवा पा रहा हूं मजे दिलवा पा रहा हूं यह आंतर नहीं है किताब में लेकिन तुमको पता होना चाहिए आगे आ जाओ अब कॉपी पेन निकालेंगे और मेरे साथ ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर फटाफट से कॉपी पेन निकालो मेरे साथ ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर कॉपी पेन निकालो फटाफट से कोई वेट नहीं करेंगे अपन कॉपी पैन निकालेंगे सारे बच्चे कॉपी पैन कॉपी पैन कॉपी पैन कॉपी पेन कॉपी पैन पे कॉपी पैन ठीक है अरे भाई आगे आगे मत जाओ कीटोन वीटोन में मत जाओ अभी वहां मत जाओ ठीक है वहां मत जाओ अभी अभी ये खत्म करते हैं फिर कीटोन की दुनिया में भी दौड़ेंगे ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है यहां तक समझा पा रहा हूं चलो अब देखो एलकेन का पहले फॉर्मूला लिखो सी एन एच टू एन प्लस टू समझना मैं एक एक चीज पे बहुत फोकस करूंगा यहां पे ये तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर करेगी ये सी एन एच टू एन मतलब दो हाइड्रोजन कम हो गए हैं फर्दर दो हाइड्रोजन कम कर दो दो कम हुए और दो कम हो गए एलकेन एल्कीन एलकाइन ठीक है भैया बहुत बढ़िया अब मैं क्या करता हूं एन की वैल्यू को थ्री प्लेस करता हूं इसमें तो क्या हो जाएगा C3 H2 एच टू क्रॉस थ्री प्लस टू सी थ्री सिक्स प्लस टू एट सी थ्री एच एट कितना हो गया C3 H8 ठीक है भैया अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को कार्बन 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 सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन ट्वाइस से दो ज्यादा है मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो कार्बन क्या बनाएगा एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बाकी के जो बॉन्ड्स बनेंगे वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा ठीक है एक दो तीन चार बॉन्ड एक दो तीन चार बॉन्ड बहुत बढ़िया इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ में आ गई बात यह सबसे पहली चीज आपने यहां पे ड्रॉ कर ली स्ट्रक्चरल फॉर्मुला ये स्ट्रक्चरल फॉर्मुला यानी आपने स्ट्रक्चर को खोल के एकदम दिखा दिया ऐसा बनता है अब इसी को अगर कंडेंस करके लिख दू तो मान लीजिए लिख दू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री या फिर डायरेक्टली सी थ्री एच एट तो इसको भी एक नाम दिया जाता है इसको बोला जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला यानी जिस चीज को हमने बहुत छोटा करके लिख दिया है ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया समझ में आ रही होगी बात समझ में आ रही है बात ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया तीसरी बात करेंगे यहां पे तीसरी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्लैश क्रॉस स्ट्रक्चर ठीक ध्यान से देखिएगा कार्बन 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 चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार, चार UH! कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैंने आपके से इनको बना दिया है अब ये देखिए आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं ध्यान से देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं आपस में ठीक है पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और यहां पर हमारे पास क्या है यहां पर हमारे पास है हाइड्रोजन जिसके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया अब देखिए कार्बन सारे कैसे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है दो ये देखिए 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 दो और ये देखिए दो ये ठीक है जल्दी से बता दो आप लोगों का भी बन गया क्या मेरे साथ साथ बना रहे हो मेरे साथ साथ बना रहे हो देखो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हाजी भैया अब देखो कार्बन भी सेटिस्फाई हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये देखो अब देखो इस कार्बन का ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड ये देखो ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड काम खत्म तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्लेस क्रॉस स्ट्रक्चर है यह बेसिकली कंडेंस फॉर्मूला यह बेसिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला ऑफ एल्किन दैट इज इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन समझ में हो गया समझ में हो गया समझ में हो गया अरे आ गया क्या भाई देखो इधर ध्यान से देखो अब यहां पे चलते हैं एल्किन की तरफ अगर यही मैं एन का वैल्यू थ्री प्लेस करता हूं तो यह हो जाएगा सी थ्री एच टू क्रॉस थ्री ये हो जाएगा सी थ्री और हो जाएगा एच सिक्स तो यहां पे एक कार्बन 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 अब एहलिन है तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहां पर अगर तुम फोकस करोगे यहां पर अगर तुम फोकस करो ये अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हट जा जाए तो ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो ध्यान से देखना ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरी बात को ध्यान से फोकस करना ये हाइड्रोजन हट जाए ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं पर अगर आपस में बॉन्ड बना ले तो ठीक है ये एक बॉन्ड तो पहले ही बन रहा था अब ये हाइड्रोजन हट जाए ध्यान से समझ रहे हो ये दो हाइड्रोजन हट जाए और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन electron... एक मिनट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखिए ये और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बना ले यानी डबल बॉन्ड बन गया हाँ जी भैया ठीक है तो दो हाइड्रोजन कम होने चाहिए दो हाइड्रोजन कम है यानी एक बॉन्ड अगर बढ़ता है तो दो हाइड्रोजन आइटम बाहर हो जाते हैं समझ में आ रही है बात ठीक तो इस कार्बन के तो चार ही बॉन्ड बनेंगे देखिए कितने हो रहे हैं चार बन रहे हैं क्या एक दो तीन चार इसका एक दो तीन हो रहा है तो एक हाइड्रोजन ऐड कीजिए एक दो तो यहां पे दो हाइड्रोजन ऐड कीजिए देखिए एक दो तीन चार पांच छे बहुत बढ़िया अब ये बेसिकली आपका क्या हो गया ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया ये आपका हो गया स्ट्रक्चुरूला एक दो तीन चार पांच छ्री एट सिक्स ठीक है बहुत बढ़िया अब इसको एक बार लिख लेते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और सी थ्री एच सिक्स इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास इसका नाम हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला ठीक ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है तीसरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा आ जाओ इसी को बना के देखते हैं यहां पे है ना आ जाओ एक कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ध्यान से फोकस करो स्क्रीन के ऊपर भाई बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि तुम्हारा एक ही बार में चैप्टर बाय बाय टाटा हो जाए ठीक है एक ही बार में तुम इसको उड़ा दो उसके बाद हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर इनके बीच में ये आपके पास डबल बॉन्ड ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये शेयर अब देखिए हाइड्रोजन आपका बेसिकली क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा बैलेंस ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस देखिए हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से बना रहा हूं कार्बन वालों को क्रॉस से बना रहा हूं सिंपल सी बात है आपने ऑब्जर्व किया होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये देखिए सिमिलरली एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छ अच्छा एक और हाइड्रोजन लगेगा यहां पे लगा देते हैं बहुत बढ़िया ठीक है बहुत सही ये देखिए लगा दिया ध्यान से देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ठीक है तो सीएस थ्री सी एच सी एस टू हो गया हो गया हो गया तो इस तरीके से आप याद रखिए कि एल्कीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मेजर आपका आइडेंटिफिकेशन का तरीका है ये इसका सर्कल बनाने हैं अगर आप सर्कल बनाते हैं तो डिस्टिंग्विश कर देंगे आप उसको अच्छा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है यह आप एक तरीके से दिखा रहे कार्बन सेटिस्फाइड हो गया है और हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया है अब आगे चलते हैं भाई एन का वैल्यू यहां पे तीन प्लेस कीजिए ठीक है तो ये हो जाएगा सी थ्री एच टू क्रॉस थ्री माइनस टू यानी दो गुना से दो कम सी थ्री कितना हो जाएगा एच फोर हो जाएगा अब एक चीज पे बहुत अच्छे से इंफेसिस मारना ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका ये वाला और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन आपका यहां से दो हाइड्रोजन हट जाए तो ये आपस में इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे मतलब ये कुछ इस प्रकार से ये आपको लाल बॉन्ड नजर आएगा और यहां तो ने समझने के लिए बनाया ना और फिर उसके बाद से आपस में कर ट्रिपल बन गया। बहुत बढ़िया भैया है ना अब देखिए यहां पर क्या करेगा एक बॉन्ड इधर बाकी के तीन हाइड्रोजन से एक दो तीन चार तो इसके हो गए इसका एक हाइड्रोजन सी काम खत्म ये बेसिकली क्या हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया मेरे साथ साथ आए हो बना पा रहे हैं आप मुझसे भी तेज बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया क्योंकि मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूं और आपके पास यानी अब कंसेप्ट का ग्रिप आ चुका है ठीक है कंसेप्ट फॉर्मूला आपके पास कंसेप्ट का ग्रिप आ चुका है ई आपके प्लूरल के लिए हो रहा है ठीक आ जाओ अब देखो सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और सी थ्री एच कितना हो जाएगा एच फोर हो जाएगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा ये बेसिकली हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसा कंडेंड फॉर्मूला है अरे समझ में आ रही है क्या बात क्या मैं समझा पा रहा हूं भाई लोग ये कंडेंस्ड फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है हां जी भैया बॉन्ड लाइन नोटेशन पे नहीं जा रहा हूं अभी बेसिक बेसिक बातें खत्म करेंगे पहले तीसरी चीज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ठीक आ जाओ फटाउट फटाउट बनाते हैं। जल्दी जल्दी बनाते हैं। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं आ जाओ ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ठीक बहुत बढ़िया सुनील भैया अब देखो इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म काम बढ़िया से बॉन्ड बनाओ इनके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पे तीन की शेयरिंग या आया हाइड्रोजन या आया हाइड्रोजन या आया हाइड्रोजन ठीक ये आया हाइड्रोजन एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं ठीक बहुत बढ़िया ये आया आपका हाइड्रोजन है ना अब बढ़िया से आप इसको दिखा दीजिए ये हाइड्रोजन स्टेबल हाइड्रोजन स्टेबल हाइड्रोजन स्टेबल, स्टेबल और हाइड्रोजन स्टेबल और उसके बाद कार्बन का दिखा दीजिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये देखिए और यहां पे एक दो तीन चार पांच छह और उसके बाद इसका भी दिखा दीजिए काम खत्म हो गया बढ़िया से समझ में आ गया समझ में आ गई क्या बात तो ये एल्केन्स एल्किन्स और यह के स्ट्रक्चर्स आपको इस प्रकार बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों छोटी सी बात अगर आपने कंक्लूजन में ऑब्जर्व करी होगी तो जैसे ही दो हाइड्रोजन अट्टे एक बॉन्ड आता है फिर दो हाइड्रोजन अट्टे एक बॉन्ड आता है मतलब कि एक बॉन्ड इज इक्वल टू टू हाइड्रोजन एटम वन कोवेलेंट बॉन्ड प्लीज नोट यहां पर वन कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा वन कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू टू हाइड्रोजन एटम्स अगर आपके दो हाइड्रोजन आइटम घटेंगे तो एक बॉन्ड बढ़ेगा ठीक है यहां पे दो हाइड्रोजन आइटम घटते हैं तो क्या होता है सुनील भैया यहां पर आपका एक बॉन्ड बढ़ जाता है जैसे यहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाता है फिर दो हाइड्रोजन घटते बॉन्ड बढ़ जाता है तो एक बॉन्ड इज इक्वल टू टू हाइड्रोजन आइटम्स क्या मैं समझा पा रहा हूं एक ये देखिए दो हाइड्रोजन हटाइए तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे फिर ये दो हाइड्रोजन हटाइए ये इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू टू हाइड्रोजन एटम्स समझा पा रहा हूं क्लियर करा पा रहा हूं क्लियर करा पा रहा हूं क्लियर करवा पा रहा हूं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं भाई ये तो रिवीजन का समय है इसमें बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको रिवीजन में नहीं पढ़ाते लोग रिवीजन के अंदर नहीं पढ़ाते लोग समझ रहे हैं आप आइए फटाफट से ट्रिक से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ कोवेल बॉन्ड्स ट्रिक टू कैलकुलेट कोवेल बॉन्ड्स ठीक है बहुत बढ़िया के ट्रिक आपको दे रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस वन आप करेंगे ठीक है आप मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे आप सुनील भैया के स्टूडेंट है फिजिक्स वाला पे आप ऐसे नहीं करेंगे ए, ए, कार्बन में बॉन्ड ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना करना तुम लोग को क्या करना है फॉर्मुला लगाना है नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस वन ठीक है

अगर एल्किन में कैलकुलेट करना है तो जितने कार्बन हाइड्रोजन है एड करके माइनस वन कर दीजिए में नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर 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 ऑफ 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कार्बन प्लस प्लस वन कर दीजिए एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल में उड़ा देंगे इसको देखिए सबसे पहले लेते हैं बूटेन अब बूटेन लिखते ही दिमाग में आना चाहिए बूट मतलब चार 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 हाइड्रोजन ट्वाइस से दो ज्यादा होंगे क्योंकि बूटेन में आठ हाइड्रोजन होंगे सी फोर एच एट होगा तो दो ज्यादा कर दो सी फोर ट्वाइस से दो ज्यादा दस क्या करना है देखो, है चार नंबर ऑफ हाइड्रोजन है दस माइनस किया एक चौदह माइनस एक तेरा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे कितने बॉन्ड्स होंगे तेरा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे कैलकुलेट करके भी देख लो अगर तुमको लगता है मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो तुम्हारे लिए हेक्टिक होगा क्योंकि एनटीएससी जैसी परीक्षा में तो के नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे थे बैठ के कैलकुलेट क्या अब देखो गिनो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह यह ट्रिक से एक मिनट में काम खत्म ठीक बहुत बढ़िया दूसरा आ जाओ इधर दूसरे पे अप्लाई करते हैं ब्यूटीन पे अप्लाई करते हैं भाई ब्यूटीन पे क्या होता है सीफोर एचिड कार्बन जो है उसके जस्ट वाइस हाइड्रोजन तो क्या करना है आपको सिर्फ ऐड कर देना है नंबर ऑफ कार्बन चार नंबर ऑफ हाइड्रोजन आठ चार और आठ ये हो गया बेसिकली बारह काम खत्म बारह कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे अब देखिए बुटाइन पे चलते हैं बुटाइन पे चलते हैं C4 फोर ट्वाइस होता है आठ दो माइनस कर दिया बेसिकली तो प्लस प्लस समझ में आया क्या तेरा, अगर देखोगे तो क्या हो रहा है दो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं बॉन्ड दो हाइड्रोजन कम एक बॉन्ड वही सिंपल सा गेम चल रहा है देखो करके दिखाता हूं ये देखो ये देखो कार्बन 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 एक दो तीन चार ठीक है कार्बन के चार चार बॉन्ड बन रहे हैं हाँ जी भैया अब देखो गिनते हैं कि एक दो तीन चार पांच सा सात आठ नौ दस ग्यारह और एक और हो जाएगा बारह ठीक इसका गिनके देखते हैं सी फोर एच सिक्स का एक दो तीन चार ठीक ये बेसिकली हो जाएगा चार बोण्ड ये चार 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 अब देखो कितना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह काम खत्म ग्यारह तुम तो मैनुअली कैलकुलेट करोगे तुमको ज्यादा लंबा पड़ेगा सिंपल ट्रिक याद कर दो नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस वन नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, प्लस वन। काम खत्म इतने में ओवर अरे भैया इसमें समझ में क्या आना है फॉर्मूला दिया है लगाओ ट्रिक काम खत्म समझ में आ रही बात ये तो बेसिक सी बात है यार अगर साल के आखिरी में भी आके ये चीज नहीं समझ में आ रही तो अपन ने मस्ती तो बहुत ज्यादा करी है है ना करी है ना कोई बात नहीं लेक्चर को फिर से स्टार्टिंग से देखना सब समझ में आएगा क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ा है और फिर चुपचाप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना मेहनत करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा तो मेहनत करे बिना चाहते हो कि दिमाग में सारी चीजें ऐसे बस करूं मैं दिमाग में चली जाए ऐसे नहीं होता भैया ऐसे नहीं होता तुमको क्या लगता है तुम किताब देख के समझ जाओगे बढ़िया होता फिर तो ऐसे लोग वेद पढ़ लेते सारे के सारे जितने वेद पढ़े ऐसे खत्म खत्म पढ़ना पड़ता है भैया मेहनत करनी पड़ती है घिसना पड़ता है खुद को बिना घिसे तो कुछ नहीं चमकता मेहनत करनी पड़ेगी अपन को बोला गया था रिवीजन कराना अपन तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहे रिविजन करा रहे हैं क्या कोई कह देवे सुनील भैया रिवीजन करा रहे हैं अपन पढ़ा रहे हैं पूरा बेसिक से इसको रिवीजन नहीं कहते इसको पढ़ाना कहते हैं आइए अब आपको सिखाते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना बेटा आ जाओ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं अब स्ट्रेट चेन आप बेसिक तरीके से समझो तो लोग बोलते linear, सीधी स्ट्रेट चेन ऐसा ऐसा मतलब नहीं है केमिस्ट्री में इसको कुछ और मतलब है इसका मतलब है कि कार्बन या तो आपका एक कार्बन से अटैच है या दो कार्बन से अटैच है कार्बन वन कार्बन या कार्बन इज अटैच टू टू कार्बन एटम्स बस इतना मतलब है। या तो एक कार्बन से अटैच होगा या दो कार्बन से अटैच होगा बात खत्म इससे में दिया जाता है ठीक है समझ में आगे बात क्लियर है दूसरे कंपैरिजन में अगर दूसरे एलिमेंट्स एटरवेट उसमें क्यों भैया भयंकर है भाई छोटा साइज है ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है कैटेनेशन है ना ज्यादा स्ट्रॉगर बॉन्ड्स बनाएगा दूसरों के बॉन्ड्स जो जल्दी टूट जाते हैं जैसे सिलिकेन की बात करो सात से आठ तक जुड़ेगा सिलेंस बनाएगा टूट जाते हैं क्योंकि बड़ा है ना साइज इफेक्ट नहीं है पड़ाया अपन ने थोड़ी देर पहले ठीक है तो यहां पे कार्बन जो है या तो एक कार्बन से अटैच है या बेसिकली दो कार्बन से अटैच है चीज़? इसको समझते हैं एक बार देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है चीज़? एक कार्बन से ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है एक से ये कार्बन कितने कार्बन से से अटैच है ध्यान देखो एक और दो इससे ज्यादा है क्या नहीं इसका नाम क्या होगा ध्यान से देखिए तीन कार्बन है मतलब रूट वर्ड हो जाएगा प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तीनों के बीच में नाम हो जाएगा एन तो नाम क्या बन गया इसका प्रॉप ठीक अच्छा अब इसकी बात करते हैं एक बार यह एक कार्बन से अटैच है हाँ कार्बन से अटैच है हाँ। कितनों से अटैच है दोनों देखो इधर इधर एक और इधर एक और ये ये दो से, ये दो कार्बन कार्बन से से तो मैंने बोला या तो एक कार्बन से अटैच हो या बेसिकली दो कार्बन से अटैच हो दैट इज नोन एज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन तो यहां पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूट प्लस ये बेसिकली हो जाएगा एन नाम हो जाएगा ब्यूट ठीक है समझ में आ गई बात तो ये आपके स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है स्ट्रेट चेन से आप इसका क्या लॉजिक है एक या दो कार्बन से मैक्सिमम अटैच होगा कार्बन लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा अपन घुमाए इसी को थोड़ा सा अगर अपन घुमाएं यहां पर तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या होगा क्या होगा रे गया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या होगा रे बाबू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या होगा नियो आइसो अभी पढ़ेंगे इसके अंदर ये अपन नॉमिंग्लेचर पढ़ेंगे ना अपन पढ़ाएंगे आइसो क्या होता है नियो क्या होता है एन नियो आइसो तीनों बताऊंगा टेंशन मत लो अभी पढ़ेंगे वहां पे वहां तक पहुंचे तो सही तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में या तो कार्बन एक कार्बन से अटैच है या कार्बन दो से अटैच है या दो से ज्यादा से अटैच है तो इसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं अगर इसकी इसकी बात करूं मैं तुमसे और इसकी बात करूं करूं मैं मैं तुमसे तुमसे और कंपेयर करना अब इसको यहां पे कार्बन एक कार्बन से अटैच है यहां पे भी कार्बन एक कार्बन से अटैच है लेकिन लेकिन यहां पे जो कार्बन है वो दो से अटैच है यहां पे दो से अटैच है हां तो ये तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो गया ऐसा आइडेंटिफाई करना है तुमको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को लेकिन अगर यहां पे तुम ऑब्जर्व करो यहां पे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा रीड्रा कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ठीक है ना ये जो डॉट है यहां पे इसका मतलब क्या है यहां पे है सी एच या एक दो तीन और चौथा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ अब ध्यान से समझना ये कितने कार्बन से अटैच है एक से ये कितने से अटैच है एक से ये कितने से अटैच है एक से बीच वाला कार्बन एक दो तीन कार्बन से अटैच है यहां पे ये ब्रांच बन भी तो रही है तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा ये कहलाएगा कहला ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बात समझ में आई जैसे अपनी ब्रांचेस निकलती है ना ट्रीज के अंदर ब्रांचेस होती है रूट्स में ब्रांचेस होती है वैसा ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होगा ठीक है भैया एनसीआरटी के क्वेश्चन बच्चे डाल रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन सर सेकेंड डायग्राम सी एच थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री कुछ गलत नहीं है भाई कार्बन के एक और चार तीन तीन आ, चार बॉन्ड्स है भाई एक दो तीन और चौथा बॉन्ड केमिस्ट्री नहीं पढ़ी फिर अपन ने ध्यान से पढ़ो इधर चार बॉन्ड बन चाहिए चार ही हैं बिल्कुल सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है सीएच होगा सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री बिल्कुल सही है टू मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा बिल्कुल सत्य है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आई होप आपको ये समझ में आ गए हैं किसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है अब यह आईसोमर क्या होता है क्या होता है ये सब पढ़ेंगे भाई अभी आगे चलने तो दो मेरे को आगे आ जाओ अब साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन है जिनको मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर सवाल घुमा के आया तो आप लोग पक्का एग्जाम में घूम जाओगे इसकी मेरी गारंटी है एक किताब के अंदर बेसिकली बेंजीन साइक्लो एक्स ऊपर किताब गई नहीं है पर स्टिल अपन रिस्क क्यों लें रिस्क लेंगे तो जो पेपर का लेवल आया था आपको घुमा देगा ठीक है अब देखो सैचुरेटेड साइक्लिक चेन कार्बन कंपाउंड्स यानी अब यहां पे अभी तक तो खुली खुली चेनें थी अगर इन चेन को बंद कर दे चेन को बंद कर दे रिंग लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी सैचुरेटेड और अनसेच्युरेटेड हो सकता है सैचुरेटेड अनसेच्युरेटेड का बेसिकली क्या मतलब हो गया सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड का बेसिकली मतलब हो गया कि ये बोल रहा है कि साइक्लो एल्केन्स यानी साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन सिंगल बॉन्डेड है कार्बन के बीच में साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन डबल बॉन्डेड है और साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड है ठीक है अच्छा यहां पे जो हम बात करेंगे अभी तो इनके अंदर कितने बॉन्ड्स की बात करेंगे वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे वन डबल एंड वन ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे अभी इस स्लाइड पे समझ रहे हो इस स्लाइड पे जो हम बात करेंगे वो वन ट्रिपल बॉन्ड वन डबल बॉन्ड होगा उस चेन के अंदर हाइड्रोकार्बन में उसकी चर्चा करेंगे आइए इसको थोड़ा समझते हैं तो मैं ले, ले लेता हूं यहां पे मैं ले लेता ले 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 हूं एक चीज यहां पे प्रोपेन मेरी बात को गौर से सुनिएगा इसको मैं ले, ले लेता हूं प्रोपेन को बहुत गौर से सुनना इसका फॉर्मुला कैसे आया वरना रटना पड़ेगा और मैं रटवाना नहीं चाहता हूं तो बिल्कुल गौर से सुनना प्रोपेन में क्या होता है प्रोपेन होता है C3 हाइड्रोजन ट्वाइस से दो ऐड करो कितना हो गया H8 प्रोपीन कितना होगा C3H6 दो ऐड कर दिया तो कितना हो गया 8 हो गया हाँ भैया C3H8 सही है बहुत गौर से सुनना कार्बन 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 ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना कितने बॉन्ड बनेंगे चार बॉन्ड एक दो तीन 4 1 2 3 ठीक है बन रहा है ये तो सही है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे ध्यान से देखना है इस चीज को ध्यान से देखना अगर ये वाला हाइड्रोजन हट जाए तो इस वाले हाइड्रोजन को हटा दू मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा दू और ये दोनों कार्बन जो है आपस में बॉन्डिंग कर ले मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना इस हाइड्रोजन को हटा दूं और इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपस में अगर बॉन्डिंग कर ले मतलब मैं कहना ये चाहता हूं मैं दोस्तों यह कहना चाहता हूं कि अगर ये कार्बन यूं हो यह कार्बन इधर आ जाए और यह कार्बन इधर आ जाए ये वाला कार्बन इधर ये वाला कार्बन इधर अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स तो है ही सिंगल बॉन्ड्स तो है ही है ना ये वाला जो बॉन्ड है यह कैसे आया ये और ये आपस में जुड़ गए ठीक है थीके? इसके और इसके बीच में तो सिंगल बॉन्ड था ही ना ये चेन यू ले आया मैं अब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है बात समझ पा रहे हो क्या देखो

यानी इसका फॉर्मूला एलकीन जैसा हो गया है है तो साइक्लिक कंपाउंड लेकिन फॉर्मूला एल्किन जैसा है याद करो एल्किन का फॉर्मुला नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू द नंबर ऑफ कार्बन था अगर ये ओपन चेन क्लोज्ड बन जाए ऐसे क्लोज कर दे इस चेन को तो यहां पर हमें यह बात समझ में आती है कि इसका फॉर्मूला जो है एल्किन के जैसा है तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूलाता है सी एन एच टू एन यानी सिमिलर टू एल्किन ये क्या है ये बेसिकली है साइक्लो एल्किन समझ में आया तो साइक्लो का जो जनरल फॉर्मूला है वो बेसिकली एलकीन जैसा है हा भैया दिमाग में घुस रहा है जा 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 रहे जा रहे समझ में आया रटवाया नहीं मैंने इमेजिन करके दिखाया समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है चलो बहुत बढ़िया अब ध्यान से अगर अपन देखें इस चीज को यहां पे इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें ध्यान से देखना अब यहां पे क्या हो रहा है अगर यहां पे आपका अब एक बॉन्ड बढ़ेगा ना भाई आपको पता है कि अगर एक बॉन्ड बढ़ेगा साइक्लो में क्या होता डबल बॉन्ड हो जाता है एक बॉन्ड यानी दो हाइड्रोजन एटम दो हाइड्रोजन एटम कम कर दो अगर तुम बात कर रहे हो यहां पर साइक्लो एलकीन की बात कर रहे हो तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस टू क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो फॉर्मूला है ये किसके जैसा है सिमिलर टू एल्काइन है किसके जैसा है सिमिलर टू एल्काइन सिमिलर टू एल्काइन हो जाएगा अब आगे अगर साइक्लो एल्काइन में जाना है तो समझ पा रहे हो क्या एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा ना एक बॉन्ड और बन जाएगा ना आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा तो, तो हाइड्रोजन क्या होंगे दो और कम हो जाएंगे हो जाएगा तो जैसे जैसे एक एक बॉन्ड दो हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है यहां पे एक बॉन्ड बढ़ेगा हाइड्रोजन एटम दो यहां से कम कर दो फिर एक और बॉन्ड बढ़ेगा हाइड्रोजन एटम और कम कर दो ये आपका जनरल फॉर्मुला होता है साइक्लो साइक्लो एल्केन साइक्न साइक्लो एल्केन का एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा ज्ञान लेकिन आपके लिए जरूरी है आपको पता मैंने क्यों बताया आइसोमर्स बनाने के लिए बोला था बुटाइन के प्रैक्टिस पेपर में आप साइक्लो एन उसका एक आइसोमर बना सकते थे सी फोर एच सिक्स का स्ट्रक्चर आप बना सकते थे साइक्लो न बना सकते थे साइक्लो बुटीन बन जाता तो ये कब आएगा जब कंसेप्ट आते होंगे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा ओरल बातें नहीं करूंगा आपके सामने आइए इसको बना के देखते हैं क्या होगा बेटा एल्किन जैसा मतलब सी एन एच टू एन होगा साइक्लोप्रोपिन जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस टू साइक्लोप्रोपाइन क्या हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस फोर समझ रहे अब देखिए प्रॉप का मतलब क्या होता है खुद बताइए प्रोप का मतलब क्या हो गया यानी कि तीन कार्बन एटम्स की बात हो रही है तो C3 और H सिक्स हो जाएगा अब इसको बना के देख लेते हैं एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन ये बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड है अब देखिए इसका दो बॉन्ड बन रहा है तो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे इसका दो बॉन्ड बन रहा है तो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे इसके दो बंड बन रहा है तो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे तो सी थ्री एच सिक्स साइक्लोप्रोपेन अगर आप यहां पे वैल्यू डालें तो C3 H2 एच टू क्रॉस थ्री माइनस टू तो कितना हो जाएगा C3 H4 हो जाएगा ठीक आइए इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं कार्बन 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 यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है अब देखिए चार बॉन्ड्स ये एक दो तीन चार एक दो तीन चार सी थ्री एच फोर एक दो तीन चार क्लियर है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे क्या हो जाएगा C3 H2 एच टू क्रॉस थ्री माइनस फोर यह हो जाएगा C3 H6 एच सिक्स माइनस यानी C3 H2 अब ये कैसे होगा देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये बोल रहा है कि एल्काइन यानी एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा ये एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो इस कार्बन के एक दो तीन चार बॉन्ड इस कार्बन के एक दो तीन चार बॉन्ड अब इसको सेटिस्फाई होना है तो ये दो हाइड्रोजन चुपका लेगा काम खत्म एच टू इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है साइक्लिक कंपाउंड का समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या क्लियर हो रही है क्या बात समझ में आ रहा है मजा आ रहा है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्ट ट्रिक दे शॉर्ट्रिक देखो शॉर्ट ट्रिक देता हूं इसको बोलते हैं पॉलीगन फॉर्मूला ट्रिक क्या बोलते हैं पॉलीगन फॉर्मूला ट्रिक अब देखिए जितना आपको कार्बन का नंबर दिया जाए प्रॉप तो ट्राइंगल बना दो ब्यूट तो स्क्वायर बना दो समझ रहे हो अभी बोला ट्राइंगल साइक्लोप्रोपेन प्रॉप मतलब तीन तो ट्राइंगल बना दिया ठीक इससे बोला साइक्लोप्रोपेन चुपचाप एक ट्राइंगल बना दो चुपचाप एक ट्राइंगल बना दो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ क्योंकि एलकेन बोला है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा कुछ नहीं करना होता जब भी आपको पता लगे कि ये वर्टाइसिस है और दोनों तरफ सिंगल बाउंड बन रहा है चुपचाप वहां पे सीएस टू घुसेड़ दो कुछ नहीं करना चुपचाप उसने बोला साइक्लो प्रोपेन साइक्लोस आना चाहिए क्लोज कितने का तीन कार्बन का यानी ट्राइंगल बनाऊंगा एन मतलब सबके बीच में सिंगल बाउंड है काम खत्म जब सिंगल बाउंड है सब पे सीएसटू सी एस टू सी एस टू एड कर दो कितना हो जाएगा थ्री एच सिक्स काम खत्म दूसरा उसने बोला साइक्लोप्रोपीन प्रोप इन तो साइक्लोस आना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है कोई एक पॉलीगन चूज करना है अच्छा प्रॉप यानी तीन तीन वाला तीन वाला साइड चुपचाप ले लिया ट्राइंगल उसने बोला इन मतलब एक डबल बॉन्ड लगाना है एक डबल बॉन्ड लगा दिया अब इस वर्टाइस को अगर ऑब्जर्व करोगे तो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है यहां पे लगा दोगे सी टू जब भी डबल बॉन्ड वाली वर्टाइस मिल जाए डबल बॉन्ड वाली चुपचाप लगा देना सीएच एच काम खत्म क्या फॉर्मूला हो जाएगा सी थ्री एच फोर तीसरा भाई ने बोला साइक्लो प्रोपाइन आपके दिमाग में आना चाहिए साइक्लिक मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होगा प्रॉप मतलब ट्राइंगल बनाऊंगा आइन मतलब एक ट्रिपल बाउंड लगाऊंगा एक ट्रिपल बाउंड कहीं भी लगा दो बीच में लगा दिया इस वर्टाइस पे क्या आएगा सिंगल बाउंड दोनों तरफ चुपचाप सी टू लगा दो

भाई तुम क्या शहीद हो गए क्या एक देखो इसको करके दिखाते हैं आप लोगों को ध्यान से देखिए एक करके दिखाते हैं मान लो एग्जामिनर ने बोला आपको साइक्लो ध्यान से सुनना फिर आपको उसने बोला साइक्लो अब आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाने है? वो ध्यान से देखना और उसने आपको बोला साइक्लो अब देखो मेरा दिमाग कैसे चलेगा और आपको भी वैसे ही इसको दौड़ाना है ठीक है देखो उसने बोला साइक्लो इससे मेरे को समझ में आया कि रिंग स्ट्रक्चर है यहां पे बोला साइक्लो रिंग स्ट्रक्चर है यहां पे बोला साइक्लो रिंग स्ट्रक्चर है मतलब ओपन स्ट्रक्चर नहीं रिंग स्ट्रक्चर है क्लोज स्ट्रक्चर है भाई ने बोला ब्यूट 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 इससे मेरे दिमाग की खिड़की खुल गई कि यहां पर आएगा आपका स्क्वायर यहां पर भी बोला ब्यूट मतलब मेरे दिमाग की खिड़की खुली कि यहां पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा यहां पे बोला ब्यूट मतलब कि चार कार्बन हर वाइस पे कार्बन प्लेस करना है चार कार्बन के लिए ब्यूट फिर भाई ने क्या बोला देखो भाई ने बोला उसके बाद एन इन आईन इन मतलब एक डबल बॉन्ड आईन मतलब कि एक ट्रिपल बॉन्ड ये एन ठीक समझ पा रहे हो जब भी वर्टाइज पे जाओ दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड देखो इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल चुपचाप सीएस टू लिख दो यहां चुपचाप सीएस टू लिख दो यहां चुपचाप सीएस टू लिख दो यहां चुपचाप सीएस टू लिख दो देखो फॉर्मूला बनेगा सी फोर एच एड बन रहा है क्या हां बन रहा है सीएनएस टू एनी फॉर्मूला था ना इनका सी एन एच टू एन ही फॉर्मूला था ना ये देखो सी एन एच टू एन ही बन गया चार कार्बन आठ हाइड्रोजन खत्म काम अब देखो यहां पे क्या लगाओगे सी एच टू लगाओगे सी एच लिखोगे याद करो बताया था नहीं तो बॉन्ड गिन लिया करो कार्बन लगाया एक दो तीन तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए इधर कार्बन लगाया एक दो तीन एक दो तीन तो एक हाइड्रोजन चाहिए काम खत्म फॉर्मूला क्या है सी फोर एच दो चार पांच छह काम खत्म सी फोर एच सिक्स सेटिस्फाई होगा हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस टू का फॉर्मूला ये हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस फोर का फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड है यहां तो भैया सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहां तो लगा दोगे सी एच टू यहां लगा दोगे सी एस टू एक दो तीन चार एक दो तीन चार यहां पर चुपचाप लगा दो सी सी तो क्या हो जाएगा इसका नाम सी फोर एच सी फोर एच फोर है ना सी एन एस टू एन माइनस फोर में वैल्यू डाल के भी देख लेते हैं सी फोर एच टू क्रॉस फोर माइनस फोर तो सी फोर एच फोर हो जाएगा ठीक क्लियर है बात हाँ जी भैया भाई क्लियर है क्या मैं आपको एक्स्ट्रा भी बढ़ा के जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो अब ये देखो ये सवाल आया था आपका सी फोर एच सिक्स का आईसुमर बनाना आईसुमर बन गया इसका सी फोर एच सिक्स का आईसुमर बनाने के लिए बोला था पेपर में ये लो बना दिया हमने एक और आईसुमर तुमको दे दिया मैंने

अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है साइक्लिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो एक हमारे महाराज थे जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था ऑगस्ट केक्यूल कौन थे ये ये एक जर्मन केमिस्ट थे ऑगस्ट केक्यूल ठीक है इन्होंने क्या क्लेम किया कि एक बार ये आग के सामने से बैठे इनको नींद आ गई हल्की सी और वो नींद में इन्होंने इमेजिन किया कि एक नाग जो है सांप जो है वो अपने ही मुंडे में अपनी ही पूछ को लेके बैठा है क्या बोला इन्होंने सुनना इसके बाद उन्होंने इस रिसर्च रिसर्च पेपर पेपर में भी पेपर में भी और के इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया भाई ने क्या बोला मैंने सपने में यह देखा एक तो सपने में सांप को देख रहा है कि सांप अपनी मुंडे के अंदर अपनी पूछ ले रहा है इसके सपने अजीब है भाई एकदम हाई है भाई के सपने अजीब है यहां सपने आते हैं कि कुछ बड़ा करना है इनको सपने आते हैं सांप मुंह में अपनी पूछ ले रहा है वाह कुछ लोग कहते हैं यह कहानी है झूठी कहानी है सच्ची कहानी नहीं है है ना मुंडा में सांप जा रही है वाह वाह ये या तो सांप बांडो है सांप में भेजो ही कौनी भेजो ही कौनी सांप में सांप अपनी पूछा ने मुंडा में ले लिया कही रही है यह तो यह बात होगी मैं अपने पेर को अपने मुंह में ले रहा हूं ऐसे लूंगा क्या मैं इतना बेवकूफ हूं क्या लेकिन सांप है सांप ने ले लिया अपने मुंडे में अपनी पूछ को क्या भूख ज्यादा लग रही है इसी को और ये ऐसे घटकती जाएगी अंदर ये ये तो तो हो हो गया गया है ना फिर हाँ। तो अपनी पूज को अपने मुंह के अंदर उसी को डाइजेस्ट करेंगे फिर उसी को एक्सक्रीट करेंगे फिर वाह मजे पर ठीक है भाई ने बोला हमने मान लिया कोई दिक्कत नहीं हम थे ही नहीं तो भाई ने बोला कि जो रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का इन्होंने ड्रीम किया कि भैया स्नेक अपनी पूछ को खा रहा है ये कुछ ऐसा ये देखो ये नाग महाराज है एक तो बहुत डने सोरी हमको मत काटना अपनी पुच्छी को अपनी मुंडी में ले ली समझ रहे हो ये अपना ही हेड लिया है और सांप ने अपनी ही पूछ को अपनी ही मुंडी के अंदर घुसेड़ लिया है तो भाई कह रहे हैं कि ऐसा है और इससे इंफ्लुएंस होकर इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया है अच्छा फॉर्मूला भी है इसका इसका फॉर्मूला है सी सिक्स क्या है सी सिक्स एच सिक्स करके एक फॉर्मूला दिया है ऐसा होता है होता है तो देखो क्या कार्बन है, है यहां ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कार्बन और कार्बन अब हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बन जाएगा ये एक एक बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ है ना उनके बीच में जो होगा वो कैसा होगा वो बेसिकली होगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो अगर आप देखते तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं एक दो तीन बनता इसीलिए यहां पे एक डबल बॉन्ड आता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए किसको ये ये चौथ डबल बॉन्ड आता है चौथा बॉन्ड बनता है अब यहां पे डबल बॉन्ड लगाना वरना इस कार्बन के पांच हो जाएंगे एक दो तीन चार और एक और पांचवा हो जाएगा इसलिए एक छोड़ के एक बॉन्ड आता है फिर एक छोड़ के एक बॉन्ड आता है कैसे है ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इसका ऐसे स्ट्रक्चर भी बन सकता है ऐसा नहीं कि यही बनेगा इसका ऐसे स्ट्रक्चर भी बन सकता है मान लो कार्बन 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 ठीक है एक एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा छह कार्बन छह हाइड्रोजन है है ना इनके बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन गया तो अब हर कार्बन के तीन बॉन्ड बन रहे हैं ठीक है ठीके? अब मान लो यहां एक डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन कितने एक दो तीन चार इस कार्बन कितने एक दो तीन चार सेटिस्फाइड है एक छोड़ के अब तो यहां एक डबल बॉन्ड आएगा क्यों यहां अगर लगा दोगे तो इस कार्बन के कितने हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच नहीं बनते चार ही बनते हैं अब एक छोड़ के इधर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा सारे कार्बन सेटिस्फाइड इनको केक्यूल स्ट्रक्चर कहा जाता है क्या कहा जाता है केक्यूल स्ट्रक्चर्स ठीक है स्ट्रक्चर की खास बात क्या है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है इसके अंदर कैसे हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स क्या है बेटा यहां पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है यहां पर इस पर्टिकुलर चेन के अंदर देंगे 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 देंगे, देंगे। बिल्कुल पांच मिनट में आपको देंगे अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेना होमवर्क है है ना इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर बेसिकली क्रॉस स्ट्रक्चर आप बेसिकली उसका घर पे बना लेंगे है ना क्लियर है आगे चलते हैं, अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछू कि मौसम यह मौसम यह मौसम है सुहाना इसमें सुनील भैया के बच्चों का घूम के आना हो मैं तेरा दीवाना मैं तेरा दीवाना मैं तेरा दीवाना सुनील भैया मजा तो आ रहा है यार तो मैं क्या बोल रहा हूं आप ऐसे जा रहे हो एक लड़की के साथ तो मान लो ऐसी कहानी हो जावे और कहानी कितनी खतरनाक हो अपन जा रहे ऐसे सुनील भैया के स्टूडेंट ऐसे टाइले देखे वो कहे ओ बेनजीन और आपके साथ एक लड़की है जो साइंस को समझती नहीं है तो वो कहेगी यू इडियट मैं बेहन जी रही हूं तुमको सुनो कितनी मस्त कहानी है अपन एक लड़की के साथ है जिसको साइंस नहीं आती अपन चल रहे अपन ने ऐसे टाइल दी कि अपन कहेंगे इसमें बेंजीन है कैसे बताते हैं अपन कहेंगे बेंजीन देखो बेंजीन वो कहेगी उसको क्या सुनाई देगा देखो बहन जी वो थप्पड़ मार के चली जाएगी अब उसको क्या पता अपन सुनील भैया के स्टूडेंट है तो सुनील भैया के बालक क्या करेंगे कहेंगे ये देखो ये बे बनेगा कैसे बे बनेगा कि अभी बना के दिखाते हैं ओपी इन द चैट बॉक्स गाइज ओपी और मैडम को पिनाएंगे टॉप पे और बोलेंगे बाय बिकॉज आपको साइंस नहीं आती तो ये अरे दिखी नहीं रही तो गंदा कलर है ये एक बॉन्ड ये दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड तो आप जब की बार भी तुमको टाइल नजर आए तो टाइल पे ऐसे बना देना के देना ये भेन जी है दोस्तों समझ में आया कि नहीं अरे समझ में आया कि नहीं आ रहा है बहुत बढ़िया समझ लो मैडम को बोलेंगे बाय बाय बेंजीन को बोलेंगे हाय हाय इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों ये बेंजीन है ओ और तेज बच्चे होंगे जो कहेंगे ओ सुनील भी आ, इस पे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे कौन सर बहुत सारे बनेंगे इस पे तो तुम कौन कौन से बना पा रहे हो बताओ मेरे को कहेगा देखो पी सुनील भैया मेरे को अब जाके ऐसे करने मत बैठ जाना कि टाइल लेके बैठे हो ये कहीं बॉन्ड लगे तो सिर्फ एक ही बॉन्ड लगे तो ये आपका साइक्लो बन जाएगा ना और क्या दोस्तों सुनील साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड लगा दिया इसका फॉर्मुला क्या होना चाहिए सी सिक्स एच ट्वेल्व साइक्लो एक्सिन होता है दो माइनस कर दो सी सिक्स एच टेन हो जाएगा तो अगर एक कार्बन कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन देखो बना के दिखाते हैं तुमको साइक्लो एक्सिन ट्रिक से साइक्लो रिंग स्ट्रक्चर हेक्स मतलब हेक्सागन बना देते हैं चुपचाप हेक्सागन बना दो बना दिया इन मतलब एक डबल बॉन्ड लगा दिया बहुत बढ़िया अब देखो इधर इधर सिंगल बॉन्ड चुपचाप लगा दो सीएस टू इधर इधर सिंगल बॉन्ड चुपचाप लगा दो सीएस टू इधर इधर सिंगल बॉन्ड चुपचाप लगा दो सीएस टू इधर इधर सिंगल बॉन्ड चुपचाप लगा दो सीएस टू इधर इधर क्या होगा इधर डबल बॉन्ड है चुपचाप लगा दो सीएच इधर लगा दो सीएच काम ही ओवर भैया देखो एक दो तीन चार पांच छह कार्बन हाइड्रोजन कितने है? दो चार छ आठ नौ दस सी ये सिक्स ये 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 इनके बीच में डिफरेंस होता है समझ में आ गया क्या ठीक है समझ में आ गया ये देखो नैफेलिन पे भग रहे हैं नेफेलिन बनाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा दो बेन्दिन चुपक जा रही है <coughs>

अब यहां पे छोटा सा ब्रेक लेंगे पांच मिनट का इससे ज्यादा का ब्रेक नहीं लेंगे ठीक है तो आप लोग पांच मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए उसके बाद वापस मिलते हैं अब स्टार्ट करेंगे थोड़ी और भारी चीज अब स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप उसके बाद स्टार्ट स्टार्ट करेंगे फिर करेंगे फिर आईसोमर्स ये क्लास अपनी जाएगी उसके बाद दो घंटे की उसके बाद फिर आएंगे इंपॉर्टेंट कार्बन एंड कंपाउंडेशन एपोनिफिकेशन मतलब हमारी कथा जो है वो चलने वाली है अप्रोक्सीमेटली नौ से दस बजे तक साढ़े बजे तक चलेगी ठीक है तो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आप लोग रेस्ट कर लीजिए फटाफट से कुछ खा पी लीजिए पांच मिनट के बाद सुनील भैया और आप मिलेंगे साथ में दोस्तों ठीक है तो हम भी रेस्ट ले लेते हैं आप भी रेस्ट ले लीजिए फटाफट से आगे बच्चा लोग चालू करें चालू करें आ जाओ चालू करें आगे सारे बच्चा लोग चैट नहीं दिख रही क्या बन को आ जाओ 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 सबको बुला लो भाई लोग सबको बुला लो भाई लोग जल्दी आ जाओ सारे के सारे बालक बच्चा लोग जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से जल्दी 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 चलो अब चालू करेंगे फंक्शनल ग्रुप ठीक है आयोपैक नॉमिक्लेचर एंड होमोलोगस सीरीज ठीक है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं यहां से तो आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी से समझनी पड़ेगी ये और इसके बाद एक और टॉपिक एक है isomers. है आइसोमर्स ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जाते हैं तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है सारे बच्चे आ जाए फटाफट से जल्दी से आ जाए हम लोग स्टार्ट करें सो वी आर स्टार्टिंग दिस नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस जल्दी से आ जाए सारे सारे बच्चे वी आर स्टार्टिंग दिस जल्दी से आ जाओ तो हम लोग चालू करते हैं यहां पर हमारे इस चीज को दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स आयोपैक नॉमिक्लेचर एंड होमोलोग ठीक है तो यहां पर एक टर्म लिखी है जिसका नाम लिखा है हेट्रो एटम या लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप ठीक है तो हेट्रो एटम का बेसिकली मतलब क्या होता है हेट्रो का मतलब होता है हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट तो डिफरेंट एटम किससे डिफरेंट डिफरेंट एटम देन हाइड्रोजन डिफरेंट एटम देन हाइड्रोजन इन अ हाइड्रोकार्बन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पर यह बोलना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एटम हाइड्रोजन को डिसप्लेस करता है या हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम यहां पर हाइड्रोकार्बन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उसको हाइड्रो एटम कहते हैं और वो हेट्रो एटम जैसे क्लोरीन हो गया नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया सल्फर हो गया तो ये हेट्रो एटम इसको इसका फंक्शन प्रोवाइड करता है क्या करता है इट प्रोवाइड फंक्शन क्या करता है इट प्रोवाइड फंक्शन फंक्शन प्रोवाइड करता है कैसा फंक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा ठीक है समझ रहे तो ये क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है बेटा समझ रहे तो हेट्रो आइटम यानी अदर देन हाइड्रोजन एक हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन है ठीक है अब हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन की जगह अगर आपका दूसरा कोई आइटम आ जाए हाइड्रोकार्बन के अंदर जैसे क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एंड ये क्या करता है फंक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि डिफरेंट एटम आ गया तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई ये इसको फंक्शन प्रोवाइड करता है जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज तो इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप ठीक है सो हाइड्रोजन आइटम कैन बी अदर एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसको बेसिकली कहते हैं हेट्रो या फंक्शनल ग्रुप अब इसको थोड़ा सा समझेंगे आगे चल के ये क्या है अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि ये कौन सा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप एलकेन पता होता है एल्कीन पता होता है एल्काइन पता होता है दिक्कत आती है एलकाइल ग्रुप के ऊपर कि ये ये एक्चुअल में क्या है होता है ये होता है जैसे होता होता अब एक हाइड्रोजन कम इसलिए क्योंकि कार्बन जो है एक बॉन्ड किसी से बना रहा होगा कहीं मेन चेन पे अटैच होगा या कहीं पे भी अटैच है तो इसको बोलते हैं क्या इसको बेसिकली बोलते हैं एल्काइल ग्रुप क्या बोलते हैं बेसिकली इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे n का वैल्यू वन प्लेस करता हूं तो ये क्या बनता है ये बनता है सी एच थ्री एन का वैल्यू टू प्लेस करता हूं तो बेसिकली क्या बनता है सी टू एच सिक्स में से एक माइनस किया फाइव क्योंकि एक बॉन्ड तो बन ही रहा है ऐसे ही एन का वैल्यू थ्री पुट करता हूं तो सी थ्री एच एट होना चाहिए ये सेवन होता है तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होता है मिथाइल ग्रुप क्या नाम होता है मिथाइल इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है इथाइल ग्रुप और इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है प्रोपाइल ग्रुप है ना अब इनको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दिस इज रिप्रेजेंटेड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेड थ्रू किससे? आर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको ठीक है आर से आपको अभी अपने कोर्स में अगर अपन आर से कहीं पे भी कुछ भी बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट एलकाइल ग्रुप हमारे कोर्स में हम इसी चीज की चर्चा यहां पर कर रहे हैं रिप्रेजेंटेड थ्रू आर दैट मीन एलकाइल ग्रुप तो सी एन एच टू एन प्लस वन फॉर्मूला होगा प्लस टू होता है एलकेन का अब ये एक बॉन्ड यहां पे बन रहा है दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन तो जैसे कार्बन के तीन बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बन रहे हैं एक बॉन्ड कहीं और बन रहा है समझ रहे हैं तो ये बन जाएगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ठीक समझ में आ गई? समझ में आ गई बात क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात समझ में आ रहा है ठीक है आगे आ जाओ अब हेट्रो इन फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं भैया तुम्हारी किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूं वरना बहुत एक्स्ट्रा इस पे जा सकते हैं अपन यहां पे हेट्रो मैंने लिखा है यानी हेट्रोएटम हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है एटम यानी अदर देन हाइड्रोजन एटम क्या हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या बेसिकली हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन एटम आपकी चेन के अंदर प्रेजेंट हो ठीक है ना वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है तो इनको क्या बोला जाता है इसको केमिकल क्लास ध्यान से देखना मैंने फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा है मैंने लिखा है केमिकल क्लास इस केमिकल क्लास का नाम क्या है और किताब भी यही बोलती है क्लास ऑफ कंपाउंड तो इनको बोला जाता है हेलो एल्केन्स या बोला जाता है एल्काइल हेलाइड जब आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर आपके आपके हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है हेलो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये चार चीज बनाएगा एल्कोहल एलडीटोन जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे हमारे कोर्स में जो है ये पांचवा बनाएगा ईस्टर पहला बनाएगा, बनाएगा एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर ये केमिकल क्लासेस है केमिकल क्लासेस है ये अब केमिकल क्लास है इनका फॉर्मूला क्या होगा आइए समझते हैं ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला फॉर्मूला पूछा गया था प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी और मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को जहां जहां पे भी पढ़ाया पेड़ में भी पढ़ाया जहां भी पढ़ाया यहां भी पढ़ा रहा हूं तो बताऊंगा फॉर्मुला क्योंकि पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना तो इनका जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाता है आर रिप्रेजेंट एलकाइल चेन है ना अब इसका एक बॉन्ड किससे बन रहा होगा एक्स से बन रहा होगा और ये एक्स तुम्हारा रिलेशनशिप वाला एक्स नहीं है यहां पे ये एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर इनमें से कोई भी एक आयोडीन इसको रिप्रेजेंट करता है तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स इस तरीके से आप इसके जनरल फॉर्मूला को हेलो एल्केन्स के जनरल फॉर्मूला को आप लिखेंगे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तो अच्छे से समझ में भी आएगा एल्कोहल अरे भैया क्या होता है ये जल्दी से बताएंगे ये होता है आर ओ एच या जिसको बोलते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच है ना ये बेसिकली होता है एल्कोहल अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है फंक्शनल ग्रुप है ओ एच जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ये क्या है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है केमिकल क्लास का नाम है एल्कोहॉल समझ रहे हैं इसको यहां पे आप बोले तो मैं इधर लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अब बात करते हैं एल्डिहाइड की एल्डिहाइड क्या होता है आर सी एच ओ सी एन एच टू एन प्लस वन सी एच ओ ठीक ध्यान से देखिए इस फंक्शनल ग्रुप का क्या कोई नाम है क्या नहीं इसके लिए हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ही बोलते हैं क्या बोलते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप केमिकल क्लास एल ग्रुप का नाम एल फंक्शनल फंक्शन ग्रुप आखिरी में सीएचओ आ जाएगा यहां पर आप लिख सकते हैं +1, CHO. ठीक है तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों तीसरी बात कंप्लीट करोगे तो बातें भी करेंगे अपन अगर कंप्लीट नहीं करोगे सुनोगे नहीं तो बात नहीं करेंगे फिर अपन बातें करनी है ना हाँ तो आ जाओ कीटोन कीटोन में क्या होता है बेटा आर सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो आर डैश इधर भी अल्काइल अल्काइल चेन चेन इधर भी chain, और ये डिफरेंट लेंथ की है इसलिए आर डैश लगाया है यानी आप ये कह रहे हैं सी एन एच टू एन प्लस वन सी डबल बॉन्डो सी एम एच टू एम प्लस वन ये डिफरेंट लेंथ की हो सकती है इधर इथाइल हो गया इधर मिथाइल हो गया एल् कोई भी लंबी चेन हो सकती है यहां कोई दिक्कत नहीं है अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम क्या है इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप केमिकल क्लास का नाम है कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है आर सी ओ एच या फिर आप लिखते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ एच जहां पर आपका ये जो होता है ये बेसिकली कहलाता है कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप केमिकल क्लास का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिल या कार्बोनिल या एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सिल यहां पर आपके फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स हैं क्या है ये हेलोजन आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं ठीक है क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये बेसिकली आपके फंक्शनल ग्रुप्स होंगे अब यहां पे इनके लिए प्रिफिक्स यूज, कर यूज करना है सफिक्स यूज करना है प्रिफिक्स क्या होता है किसी चीज के पहले जिसको लिखा जाए फ्रेज बिफोर और इसको किसी चीज के बाद में लिखा जाए फ्रेज आफ्टर जैसे नाम और सरनेम उस तरीके से फ्रेज बिफोर फ्रेज आफ्टर तो भाई लोग हेलो एल्केन्स के लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे सुनील भैया प्रीफिक्स यूज करेंगे फ्लोरो, ध्यान से देखना बेटा क्लोरो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो ये प्रीफिक्स यूज करेंगे समझ में आ रहा है 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 इसको बार बार देखो याद हो जाएगा बार बार देखो रिपीट करो याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको अभी रिपीट भी करवाऊंगा मेरे साथ साथ आपको बोलना है अब सफिक्स वाली कैटेगरी में हम एंटर कर गए इन बाकी सबके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अब जैसे एल्कोहॉल की अगर बात की जाए तो आखिरी में आएगा ऑल एल की बात की जाए तो चेन की आखिरी में आएगा अल उसके बाद कीटोन की बात की जाए ओन यानी आखिरी में आएगा ओन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो आखिरी में आएगा ओइक एसिड इनके लिए सफिक्स यूज होगा ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आ रही है बात क्लियर हो रही है बात मजा आ रहा है हाँ जी भैया तो फिर से देखते देखिए हेट्रो एटम ट्रो आइटम क्या हो सकता है यानी अदर देन हाइड्रोजन इन एन हाइड्रोकार्बन इन हाइड्रोकार्बन चेन इज नॉन हेट्रो आइटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन भी हो सकता है अगर ये आ रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो ये बेसिकली क्या है ये आपके क्या है हेड्रो आइटम साहब और ये जब आपके हाइड्रोकार्बन चेन में होंगे एल्केन्स अटैच होंगे तो उनको बोलेंगे हेलो आर एक्स जहां पे एक्स फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है

Prefix, आप यूज करेंगे के लिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरोक्लोरोहल में हो जाएगा नाम के आखिरी में आने वाला ऑल अल ऑन ओइक एसिड ठीक है मैं शॉर्ट में जितना बता सकता हूं उतना बता रहा हूं कम कम से कम भी डेढ़ घंटे की दो दो घंटे की हमने तीन से चार क्लासेस ली थी पेट में लेकिन वो तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन इससे अपना काम बन जाएगा इसकी गारंटी है हंड्रेड हर सवाल बन जाएगा गारंटी है चलो अब देखो बेटा इसके बारे में बात करते हैं अब अगर कोई आपसे पूछे

ठीक है पहले चेन को आइडेंटिफाई करते हैं थोड़ा सा सात सात हाइड्रोजन और बॉन्ड बन रहा है, एक, है ना तो ये क्या है प्रोपाइल चेन है ना यानी एल्काइल लिख सकता हूं इसको हाँ और ओ एच एड हो रहा है यानी एल्कोहल कैटेगरी के अंदर बात हो रही है ठीक है अब देखिए आपको कैसे लिखना है प्रीफिक्स आगे आने वाला प्लस रूटवर्ड प्लस ध्यान से नोट करिए प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स अब जो बच्चे पढ़ के आए अपन से वो कहेंगे क्या मस्ती मजाक कर रहे हो इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद ऐसे लेकिन ये डिटेल में ही है ये भी अभी डिटेल ऐसा नहीं कम पढ़ा रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं आ जाओ प्रीफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है प्रीफिक्स आप जब आपकी साइड चेन होगी है ना या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में बात करें तो उसको ब्रांच भी कह सकते हैं साइड चेन को आप ब्रांच भी कह सकते हैं या बेसिकली आप आप उसको भी कह सकते हैं या बेसिकली के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इन सब के लिए आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे रूट वर्ड डिफाइन करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को किसको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्राइमरी सफिक्स डिफाइन करता है एन ईन और आइन को मतलब कि

तो आइए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसका नाम लिख लेते हैं एक बार तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो यहां पे कोई साइड चेन ब्रांच या तो मुझे नहीं नजर आ रहा यहां पर मुझे चुपचाप एक सरल सी स्ट्रेट सी चेन नजर आ रही है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ये एक कार्बन है एक कार्बन है ये दो कार्बन है चे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो प्रिफिक्स तो यहां पर कुछ नहीं होगा ठीक है नंबर ऑफ कार्बन एटम है तीन तो लगा दूंगा मैं यहां पर प्रॉप प्लस सिंगल बॉन्ड है एन एनी नाइन में से लगाएंगे एन प्लस ऑल ये लगेगा इसके लिए सफिक्स लगेगा ऑल ओ एच के लिए सफिक्स था ऑल 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 एल्कोहल बहुत बढ़िया इससे एक और रूल अपने पास यहां पे आता है अगर आफ्टर ई एफ ए आई ओ यू एंड वाई कम्स देन एलिमिनेट अगर आपके ई के बाद ए आई ओ यू वाई आता है ई को बाय कर दो यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि ई को आप यहां से ऐसे काट दीजिए ई के बाद ओ आ रहा है ए आई ओ यू वाई आ रहा है ई को बाय कर दो काम खत्म ई का तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका बेसिक क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे था फंक्शनल ग्रुप जो है पहले कार्बन पे तो आप पोजिशन भी बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉप एन वन ऑल फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन बता दी आपने वन पे है अब इससे दूसरा रूल भी आपको समझ में आएगा कौन सा ये पहला एक और रूल जब भी आप नंबर लिखते हैं और लेटर लिखते हैं तो इनके बीच में हाइफन लगाना क्या लगाना हाइफन लगाना ये देखो हाइफन लगाना अच्छा भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या वन प्रोपेनॉल हंड्रेड परसेंट लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये तीनों ही सही है ये भी सही है वन वाला बेसिकली हम दिखाते नहीं है इसलिए आप प्रोपेनॉल प्रोपेमोल या वन प्रोपेनॉल बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है दूसरे वाले को ट्राई करना एक बार दूसरे वाले को ट्राई करना एक बार दूसरे वाले को ट्राई करना एक बार अब देखो यही सारी स्कीमें लगा रहा हूं मैं साइड चेन, ब्रांच, कुछ है क्या यहां पे? नहीं है नंबर ऑफ कार्बन ऑफ कार्बन है -E के कार्बन के बीच में, में, में सिंगल बॉन्ड है हां तो चुपचाप लगा देना यह डबल बॉन्ड देख के लोग इन लगाते नहीं एन प्लस यह कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्या यह कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या अच्छा यहां पे कहेंगे बच्चे की इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल मिथा, ऐसा हो सकता है कि यहां पे इथाइल भी हो इस केस में सेम है दैट मीन कि दोनों तरफ सेम होगा इधर मिथाइल इधर मिथाइल इधर मिथा, इथाइल हो सकता था बुटेन ऑन की बात कर लो या टू बूटेन ऑन की बात कर लो है ना तो ऑन हो गया अब देखो फिर से ई के बाद ए ओ यू बाय इसको बोलो बाय बाय ठीक और इसमें आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी तो आप कैसे बताएंगे प्रोपेन टू ऑन या बेसिकली टू प्रॉप और इसका कॉमन नेम क्या होता है इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन कॉमन नेम यानी जो आम जनता यूज करती है अब दुकान आप दुकानदार के पास जाए बोले भैया प्रोप एन टू ऑन देना वगैरह भाग जाए यहां से आप कहोगे एसीटोन देना ले ले कॉमन नेम आम जनता को समझ में आने वाला नाम समझा पा रहा हूं क्लियर करवा पा रहा हूं मजा आ रहा है मजा आ रहा है क्या अगला सवाल करोगे अगला सवाल करोगे अरे भाई टू ये बताता है कि सेकंड कार्बन पे है दादा सेकंड कार्बन पे है फंक्शनल ग्रुप इसीलिए बताते हैं ठीक है इसको ट्राई करो भाई इसको ट्राई करो इसको ट्राई करना एक बार जल्दी जल्दी इसको ट्राई करना जल्दी जल्दी भाई अभी तो बहुत देर चलेगा लेक्चर बहुत ज्यादा देर चलेगा टेंशन मत लो लेक्चर बहुत देर चलेगा टेंशन बिल्कुल मत लो अभी इससे सिखाते तुमको जिसको वहां पे नहीं समझ में आया उसको यहां समझ में आएगा ध्यान से देखो एक बार प्रिफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स अब जिसको नहीं समझ में आया ना भाई यहां पे एक बार फिर से समझना ध्यान से देखो अब यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अगर तुम देखो तो यहां पे है आर सी एच ओ ये देखो ना सी एच ओ और ये आर ये क्या है बेसिकली ये है सी टू एच फाइव यानी इथाइल चेन है ना ये वाली इथाइल चेन है हाँ आर सी एच ओ अब यहां पे कोई प्रिफिक्स दिख रहा है क्या कोई सब्सटीटूं कोई ब्रांच कोई है क्या नहीं कोई हेलोजन नहीं रूटवर्ड कितने कार्बन है तीन कार्बन है इसको आप कंसीडर करोगे इसके अंदर का रखोगे हमारे में है ये। ये तो क्या बोलोगे? बोलोगे आप प्रॉप अच्छा प्राइमरी सफिक्स एन नाइन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स है हां देखो ध्यान से देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इधर भी सिंगल बॉन्ड है हाँ, तो क्या हो जाएगा एन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा अल तो क्या हो जाएगा भाई ई के बाद ओ आ रहा है ई के बाद ए आ रहा है तो नाम हो जाएगा प्रोपे रहे हो क्या हाँ जी भैया प्रोपेन वन अल भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बता दिया था मैंने अब यहां पर क्या होगा देखो यहां पर कौन सा है यहां पर बेसिकली है आर सी ओ एच कैसे लिखोगे देखो तीन कार्बन है तो हो जाएगा प्रॉप सिंगल है कार्बन के बीच में हो जाएगा एन यहां पर आपके पास ये ओइक एसिड यहां लगा दो ओइक एसिड अब देखो ई के बाद आ रहा है ओ इसको बोलो बाय बाय इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड क्या नाम हो जाएगा प्रॉपे नोइक एसेड ठीक है या आप बोल सकते हो प्रोपेन ओइक एसिड या वन प्रोपे एसिड कोई गलत नहीं है दोनों ही सही है तीनों ही सही है ठीक है चलो इन दोनों सवालों को सॉल्व करना एनसीआर इंटेक्स के सवाल दिए हैं दो जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट से जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं आप लोगों के आंसर्स को फटाफट फोकस कर रहा हूं जल्दी जल्दी मुझे बताओ जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे हम और सवाल भी सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना अभी हम और भी सवाल बीच में सॉल्व करेंगे आई के अंदर आप लोग जल्दी से सवाल का मुझे आंसर बताएंगे जल्दी मैं चैट बॉक्स को ऑब्जर्व हूं जल्दी मेरे को बताओ फटाफट से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही ओपी 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 सुजल शहीश हिमांशु गिरधर, सोनिया बहुत बढ़िया कनिष्क जितेंद्र अंशिका भाई ने एक ने नाम रखा एनोट बहुत बढ़िया यार एक और मिसकनसेप्शन क्लियर करेंगे इसके साथ साथ आप लोगों का आइए अब देखिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है बी आर है कुछ इस तरीके से लग रहा है ये आर एक्स के फॉर्मेट में लग रहा है ये आपकी इथाइल चेन हो गई है ना आर और फिर ये बेसिकली आपका बी आर ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही क्या कर रहे हैं आर एक्स अब इनका कैसे लिखना होता है मैंने आपको बताया था नाम पहले लिखना है इनके केस में प्रिफिक्स फिर लिखना है रूटवर्ड फिर लिखना है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स तो इस केस में है ही नहीं ना भाई ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स यूज नहीं होता है का आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिफिक्स यूज होता है इसका सफिक्स है ही नहीं सफिक्स नहीं है तो चुपचाप इसको बोलो बाय बाय क्लियर सफिक्स अब देखो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है एड कितने कार्बन है दो कार्बन है एथ प्रिफिक्स क्या हो जाएगा BR, बी आर तो इसके लिए हो जाएगा ब्रोमो 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 क्या हो जाएगा ब्रोमो क्या हो जाएगा इसके लिए ये हो जाएगा ब्रोमो आप चाहो तो लिख सकते हो वन ब्रोमो इथेन मतलब पहले कार्बन के ऊपर है या ब्रोमो है ना वन ब्रोमो इथेन आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कि पहले कार्बन के ऊपर है इसको जोड़ दो है ना तो क्या हो जाएगा वन ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन लिख रहा हूं मैं स्पेस मत डालना कभी भी इसके बीच में आप लोग क्या करते हो स्पेस डाल देते हो जब भी आप लिखोगे देर शुड बी नो स्पेस नो स्पेस याद रखिए इस रूल को स्पेस नहीं रहता है नो स्पेस बिटवीन लेटर्स कितने भी कैसे भी आप लेटर्स लिख रहे हैं लेटर्स के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता है आयो पैक के अंदर गलत बताते हैं जहां पर भी आपकी स्पेस लगता है गलत होता है वो पहले का आंसर हो गया हां जी भैया आप चाहें तो इसको वन ब्रो लिख सकते हैं कोई गलत नहीं है दूसरे को देखते हैं हो जाएगा रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ध्यान से देखिए रूटवर्ड क्या है रूटवर्ड है मेरे पास छह कार्बन एक दो तीन चार पांच छह हेक्स अच्छा यहां पे प्रीफिक्स होगा क्या कोई कह रहा होगा यहां पे प्रीफिक्स लगा दो सुनील भैया क्या यहां पे आपको कोई साइड चेन या सब्सिटूट नजर आ रहा है एक स्ट्रेट चेन नजर आ रही है मेरे को कोई साइड चेन ब्रांच ब्रांसेंट कुछ नजर नहीं आ रहा ना ही कोई हेलोजन नजर आ रहा है तो नहीं होगा कुछ भी ये तो खाली है हेक्स कार्बन के लिए अब यहां पे प्राइमरी सफिक्स एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो मतलब आ जाएगा आइन सेकेंडरी सफिक्स तो है ही नहीं यहां पे तो क्या हो जाएगा इसका नाम इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन होना चाहिए सी सिक्स एच ट्वाइस से दो कम तो होते हैं अगर बारह होगा तो एल्कीन हो जाएगा दस हो जाएगा तो हेक्साइन हो जाएगा सी सिक्स एस टाइम समझ में आया ठीक है क्लियर हो गया क्लियर हो गया अरे बाबू क्लियर हो गया आ जाओ होमोलोग सीरीज के बारे में चलेंगे अब अब तुम्हारा आयुपैक नॉमेक्लेचर फंक्शनल ग्रुप बाय बाय इस टॉपिक की तीसरी और आखिरी चीज होमो सीरीज जिससे सवाल उठता है और बनता है बहुत बढ़िया मस्त वाला इसके बाद पढ़ाएंगे आई सुमर फिर से लेंगे एक ब्रेक ठीक फिर दस मिनट का ब्रेक लेंगे ठीक है जल्दी जल्दी देखेंगे आप लोग मैं सारे कराऊंगा आप टेंशन बिल्कुल मत लो आप यहां से जब लेक्चर खत्म करके जाओगे तो आप मेरे को यह कमेंट सेक्शन में लिख पाओगे कि यह चीज आपने नहीं कराई है ये मैं आपको गारंटी अभी बोल दे रहा हूं ठीक है आपको दस चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएगी लेकिन आपको कम नहीं मिलेगा ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं आपकी सारी एक्टिविटीज कवर्ड है आप देख लेना एक एक एक्टिविटी का जब जाके आप सैंपल देखेंगे तो आप कहेंगे कि भैया ने सब करा रखा है ठीक सब कुछ कराऊंगा मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा साबुन डिटर्जेंट फलाना ढिमकाना साफ करना सब कुछ सिखाएंगे आ जाओ अब मेरा सवाल यहां पर यह है इज देर एनी कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली सेम फैमिली सेम फैमिली का मतलब हो गया सेम फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हैं सेम फंक्शनल ग्रुप को बेसिकली क्या कहा जाता है सेम फैमिली कहा जाता है तो जैसे कि एलकीन मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप है एलकीन फंक्शनल ग्रुप है इस फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं इनके अंदर कुछ कॉमन डिफरेंस है क्या कुछ देख पा रहे हैं आप लोग कुछ कॉमन डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हैं क्या ध्यान से देखिए बहुत बढ़िया सी एस टू का डिफरेंस है बहुत बढ़िया एक महाशय हमारे पास आए बोले इन दोनों के बीच में क्यों नहीं है और मैंने कहा भैया इसके ऊपर डिफेंड है क्या मैं तो इस पर देख रहा हूं ना और मैंने कहा भैया तुम चांद पे जाके देखोगे थोड़ी दिखेगा तुमको मैं चांद पे टीवी देखूं तो चांद पे टीवी देख पाओगे क्या नहीं कुछ भी बोलना है क्या मैं सूरज पे जाके बर्निंग ऑब्जर्व करूंगा कर लो सूरज पे पहली बार बर्निंग होती ही नहीं है है ना एक बार एक बच्चा आया अपने पास तो वो ऐसे सवाल करता था तो अपन ने उसको पता है क्या बोला मैंने कहा तू ऐसी बातें करते जैसे तूने सोचा गुस्से में सूरज को थूक मारी लेकिन थूक जाती है क्या सूरज पे नहीं जाती क्योंकि अपन सोचते हैं सूरज थूक पे थूक फू अपने मुंह पे आती है वो ऐसे सवाल करता था मतलब उसके सवालों में कोई लॉजिक ही नहीं होता था एक बार भाई ने एक सवाल पूछा अपन को मजा ही आ गया अपने एक मित्र है वो भी ऐसे सवाल करते हैं भाई ने सवाल क्या किया सुनना भाई ने बोला अपन अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे थे भाई ने सवाल क्या किया देखना ऐसे जाने की जाने और आने की सीढ़ी होती है बोले हाँ भाई ऐसे खड़ा है भाई कह रहा है एक इलेक्ट्रिक सीढ़ी ऊपर जा रही है मैं कहा क्या एक नीचे आ रही है मैंने कहा तो जो पैदल चलने वाली है वो दो क्यों नहीं है हम क्या बस सारी ट्रेनें वहीं रुक गई भैया सब लोग रुक गए कह रहे इस पागल को बुलाओ इधर अरे जो सीढ़ी रुकी हुई है उससे तो आ जा सकते ही है ना इलेक्ट्रिक सीढ़ी ऊपर जाती है और नीचे आती है ये भाई कह रहा है कि जो नॉर्मल सीढ़ी है ये जाने की भी होनी चाहिए और आने की भी होनी चाहिए क्यों क्यों नॉर्मल अगर रुकी हुई सीढ़ी होती है घर में होती है तो जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं ना उससे अब ये कौन सा रूल है कि वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी की तरह एक जाने की और एक आने की रखो तो हमने क्या किया ना सोचा था कि भाई को ट्रेन के आगे फेंक देंगे फिर सोचा माताजी पिताजी के बारे में भी सोच लेते हैं तो फिर रोक दिया तो कुछ कुछ बच्चे जब आते हैं ना वो ऐसे सवाल होते हैं सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं तो कहता हूँ अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो आप गलत कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं मर्जी है जो सवाल एक बच्चा आता था अपनी मर्जी से कंपाउंड बनाता था वो एक चेन के अंदर तीन तीन डबल बाउंड डालना है और कह रहा फॉर्मूला नहीं बनना <laughs> मैंने कहा तुम एक काम करो एक चेन में सारे डबल बाउंड डाल लो भैया खुश <laughs> नहीं नहीं हम अजमेर से नहीं हम राजस्थान से ही अजमेर के पास में एक शहर है छोटा सा भिलवाड़ा वहां से है पर बताने वाली बात है कि यार बच्चे कैसे हो गए रे यार आजकल के कुछ भी मतलब बच्चे तो ठीक वो भाई अपना अभी वो देख रहा होगा सेशन तो हंस रहा होगा भैया तुम्हारी बातें कर रहे हैं हम समझ रहे हो लाइक कर देना <laughs> वैसा अपने से बोलते नहीं है जरूरीत नहीं तुम्हारी वाली बात <laughs> चलो ईस्टर ईस्टर समझा दूंगा टेंशन मतलब भाई ईस्टर बहुत आगे है अभी ईस्टर में जब जाएंगे तो ईस्टर की दुनिया को उखाड़ेंगे अब यहां देखो क्या डिफरेंस है इधर से इधर पे आते हैं भैया क्या है देखो एक कार्बन और कितने का हाइड्रोजन का डिफरेंस है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है अच्छा बहुत बढ़िया यहां पे देखो तीन और एक चार तो एक कार्बन हो गया दो हाइड्रोजन हो गया तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है उसके बाद यहां पे कितने का डिफरेंस है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है और यहां पर भी आपका एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है समझ पा रहे हैं हाँ जी भैया अब इसको अगर हम देखें ध्यान से तो सेम मेंबर्स जो है इनका डिफरेंस या तो सी एस टू यूनिट का है और अगर ध्यान से देखे तो फोर्टीन मोलिकुलर मास का भी है देखो कैसे सी टू एच सिक्स यानी हो जाएगा टू क्रॉस बारह प्लस 6 क्रॉस एक यानी हो जाएगा छ प्लस चौबीस हो जाएगा तीस यू अब दूसरे को देखें तो ये हो जाएगा तीन क्रॉस बारह प्लस आठ क्रॉस एक ट्वेल्थ रीजा थर्टी सिक्स और एट फोर्टी फोर यू अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है प्लस 14 यू ये जस्टिफाइड भी है कैसे इनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है हां CH2 यूनिट का मास कितना होता है CH2 यूनिट का मास अगर निकालें तो एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम इसका मास हो जाएगा 14 काम खत्म तो इनके बीच में जो यूनिट्स का डिफरेंस है वो बेसिकली CH2 यूनिट का डिफरेंस है या जिसको अपन बोल सकते हैं 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है कितने का 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस है सी एस यूनिट का डिफरेंस है या बेसिकली 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस है 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस है समझ में आ रही क्या बात क्लियर हो रही है ठीक है भैया अब देखो जैसे सीबीएसई ने क्या पूछा अगर आपका ये पहला हो और अगर आपका ये दूसरा हो और अगर आपका ये तीसरा हो

सेम फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनमें सी एस टू यूनिट का डिफरेंस होगा या फोर्टीन मोलिकुलर मास का डिफरेंस होगा ये दो चीजें हमें समझ में आ गई है ना तो पहली प्रॉपर्टी एनी टू एनी टू एडजेसेंट कंपाउंड डिफर बाय सी एस टू यूनिट और दूसरा डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास बिटवीन टू मेंबर्स इज फोर्टीन यू सक्सेसिव मेंबर्स मतलब पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरा और चौथा ऐसा सक्सेसिव एक के बाद एक ठीक है ये होगा तीसरा क्या है तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड में पूछा गया था प्रैक्टिस पेपर में ऑल कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सेम फंक्शनल ग्रुप होता है इसीलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम फंक्शनल ग्रुप होता है इसीलिए आपको सेम केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है बहुत बढ़िया और चौथे की बात करें तो भैया जी ये चौथा क्या है

सी एच थ्री एल्काइल ग्रुप फिर ओ एच सी एच टू एड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी एच टू ओ एच सी एस टू और एड कर दीजिए तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच देखिए ये कहलाएगा मीथेनॉल ये कहलाएगा इथेनॉल क्यों दो कार्बन है एथ सिंगल बॉन्ड है -E, उसके आखिरी में एच है तो ऑल ई हट जाएगा इथेनॉल सिमिलरली ये बनेगा क्या ये बनेगा प्रोपेनॉल तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है इनके बीच में सीएस टू यूनिट का डिफरेंस है ये देखिए सीएस टू यूनिट का यानी 14 मॉलिकुलर मास का डिफरेंस है इनके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सीएस थ्री सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू यानी सी एस टू यूनिट का डिफरेंस है ठीक है समझ में आगे बात इसका डिफरेंस है तो मिथेनॉ इथेनॉल प्रोपेनॉल इनके बीच में बेसिकली सी एस टू यूनिट का यानी फोर्टीन मॉलिकुलर मास का डिफरेंस है ठीक है भैया बहुत बढ़िया अब यहां पे जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इसके लिए टर्म यूज की जाती है जिसपे आप कंफ्यूज होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए एक टर्म है इंडिविजुअल मेंबर जो होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स ध्यान से देखिएगा ये जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज के इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे टेक्निकल टर्म क्या है उसके लिए नोट करिए टेक्निकल टर्म मेरे प्यारे बच्चों होमोलोग एंड दिस फिनोमिनन ये जो फिनोमिना है कि सी एस यूनिट का डिफरेंस होगा फोर्टीन मॉलिकुलर मास का डिफरेंस होगा इज नोन एज होमोलॉजी क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं होमोलॉजी ठीक है बेटा तो होमोलॉजी इसको कहते हैं और इस फिनोमिना को

है ना बेटा यू यू आपका रिप्रेजेंट करता है आप कक्षा नवी में आपने पढ़ा होगा यू रिप्रेजेंट करता है यूनिफाइड मास जिसको रिप्लेस करवाया गया था ना ये आया था ना एएमयू को रिप्लेस करके यू दिया था आयु पैक ने यूनिफाइड मास वो है यूनिट है यू क्यों आप इससे भी डिस्प्लेस कर सकते हो डेल्टन एक यूनिट होती है उससे भी डिस्प्लेस कर सकते हो ठीक है चलो अब एक बार बॉक्स में आए भैया के साथ दिल लगाना यार जल्दी जल्दी जो बच्चे ये चैप्टर पढ़ने आए हैं जल्दी जल्दी आए भैया के साथ दिल लगा दें जिनको समझ में आ रहा है लगा दें जिनको नहीं समझ में आ रहा ना भैया स्टार्टिंग से आना चाहिए था आपको बहुत बेसिक्स अपन ने पढ़ाया है आप लोग स्टार्टिंग में नहीं आए हैं इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जल्दी 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 आए भैया लगा दें जल्दी जल्दी आए भैया लगा दें फटाफट से आए भैया लगा दें आईसोटॉप ये कक्षा नौवी की बातें क्यों पूछ रहे भैया अपन अभी अपन कक्षा नौवीं की बातें क्यों पूछ रहे बेटा वेजिटेबल ऑयल सेटेड है कि अनसेचुरेटेड है वेजिटेबल ऑयल आपका है उसको में कन्वर्ट करेंगे अभी आगे चल के पढ़ेंगे भैया कोरोनरी हार्ट डिजीज इन सबसे चीजों के बारे में पढ़ेंगे टेंशन मत लो रे यार मैंने फिर क्या बोला जब तक आखिरी में कक्षा ओवर ना हो जाए उसके बाद कमेंट में लिखना भैया ये छूट गया कोशिश कर रहा हूं सब खत्म करा दू मैं आइसोमर ठीक है ना बेटा आइसोमर्स इसके बारे में आप चर्चा करते हैं आइसोमर्स क्या होता है फिर उसके बाद दस मिनट का गैप लेंगे मैं भी कुछ खा लूंगा आप भी कुछ खा लीजिएगा फिर अपन इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे नहीं तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है चलो देखते हैं गैप लेना है कि नहीं लेना है आ जाओ बढ़िया सो so, फिनोमिना ऑफ हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं द फिनोमिना ऑफ हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमैरिजम देखो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है डिफरेंट स्ट्रक्चर तो डिफरेंट प्रॉपर्टी इसको बेसिकली क्या बोलेंगे इसको बेसिकली बोलेंगे अरेंजमेंट डिफरेंट है, है जैसे ही आपका डिफरेंट अरेन्जमेंट ऑफ एटम्स होता है इस वजह से क्या होता है डिफरेंट अरेन्जमेंट ऑफ एटम्स होता है इस वजह से आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं ठीक डिफरेंट अरेजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से आपका डिफरेंट डिफरेंट अरेजमेंट ऑफ एटम होता है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मुला सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है एटम जो उसके अंदर है ना उनके अरेजमेंट डिफरेंट है स्ट्रक्चर डिफरेंट तो प्रॉपर्टी डिफरेंट इसको आइसोमेरिजम कहते हैं और जो इस चीज को शो करते हैं वन दैट शोज दिस यानी जो इस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं उनको बोलते हैं अपन क्या उनको बोलते हैं आइसोमर्स अब ये दो प्रकार के होंगे आपके पास है ना ये होंगे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड होंगे आपके पास स्टीरियो यानी स्पेशल आइसोमर्स अभी नॉट इन सिलेबस ठीक दिस इज नॉट इन सिलेबस एज ऑफ नाउ हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर्स एंड हम डिस्कस करेंगे पोजिशन आइसोमर्स के ऊपर तो जो बच्चा डाउट पूछ रहा था आई आइसो फलाना है ना एन, ये ऐसा कुछ पूछ रहे थे तीनों तीनों कवर कर देंगे ठीक आ जाओ अब देखिए चे। ध्यान ध्यान से से चेन आइसोमर्स ऑब्जर्व करना इस चीज को एक बार में क्लियर हो जाएगा ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करोगे नहीं क्लियर होगा सबसे पहले लिखो यहां पे, ए। यहां पे लिखो आप लोग बी ठीक अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं मैं बना रहा हूं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री ठीक अब पहले तो एक किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये एक कार्बन से अटैच है और यहां पे देखेंगे तो एक कार्बन से अटैच है अगर आप यहां पे देखेंगे इस चीज को देखेंगे तो ये बेसिकली दो कार्बन से अटैच है और ये बेसिकली दो कार्बन से अटैच है तो ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है ये आपका स्ट्रेट ये आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है कैसा हाइड्रोकार्बन है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ठीक यह आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है अच्छा अगर आप यहां पे बात करेंगे ये कितने कार्बन से अटैच है एक ये कितने कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है एक और अगर आप इसकी बात करें यहां पे अगर आप इसकी बात करें तो ये कितने से अटैच है ये तीन कार्बन से अटैच है ये कैसा है ये कैसा है याद करिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर एक या दो से अटैच है तो स्ट्रेट अगर दो से ज्यादा से अटैच है तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा ये बेसिकली आपका ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा ठीक, क्लियर है क्लियर है अभी मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको इसका क्या नाम है इसको क्या नाम है अब ये तो हमने बना लिया पहले मोलिकुलर फॉर्मूला को देख लेते हैं देखिए ये A के बारे में लिखते हैं पे, देखिए एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार तीन दो पांच सात आठ नौ दस तीन छ मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है क्या सी फोर एस्टेन सी फोर एस्टेन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हा फंक्शनल ग्रुप दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है दोनों एल्केन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये भी एल्केन है ये भी एल्केन है ये भी एल्केन है ये भी एल्केन है सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, 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 है? हा अब ध्यान से ऑब्जर्व करना मेन चेन कार्बन एटम्स मेन चेन यहां पे क्या होगी अगर आप देखें तो यहां पे तो मेन चेन यही हो जाएगी एक ही चेन है कोई ब्रांच नहीं है लेकिन अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो यहां पे आपको एक ब्रांच देखने के लिए मिल रही है तो आप एक दो तीन कार्बन ले लीजिए या एक दो तीन कार्बन या एक दो तीन एक ब्रांच जरूर आएगी तो यहां पर यह मेन चेन आपके पास ये हो जाएगी तो यानी कि हमने यहां पर क्या बोला यहां पर मेन चेन में कितने कार्बन आइटम्स है चार और यहां पे मेन चेन में कितने कार्बन आइटम्स हैं तीन यही डिफरेंस क्रिएट करता है मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन मेन कार्बन एटम्स चार और तीन है अगर ये आपका डिफरेंट है अगर मेन चेन में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं सिंपल सी सरल सी भाषा में इसको हम कहते हैं चेन आइसोमर्स यानी मेन चेन जो है आपकी कार्बन की वो जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसको आप बोलते हैं या प्रिंसिपल कार्बन चेन आप कहते हैं उसमें कार्बन एटम्स डिफरेंट है यहां पे है चार यहां पे कितने एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, एक, दो, तीन या आप ऐसे नहीं ले सकते यू करके नहीं ले सकते ये यू ही लेनी पड़ेगी यू लेनी पड़ेगी यू लेनी पड़ेगी, यू लेनी पड़ेगी तीन मैक्सिमम आएंगे चार नहीं आएंगे समझ में आगे बात मिथाइल और प्रोपेन के बीच में स्पेस मत लगाओ जो भी बच्चा लिख रहा है पहली मना कर रहा हूं मत करो ये ठीक तो अब देखो इनके नामकरण कर लेते हैं इसको हम क्या बोलते हैं ये तो बेसिकली आपका बूटेन है एन बूटेन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं एन बूटेन बोलते हैं एन किसको जस्टिफाई करता है या स्पेसिफाई करता है एन रिप्रेजेंट नॉर्मल ठीक है और ये आप एन किसके लिए लिखते हैं फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आप एन का इस्तेमाल करते हैं यानी आपका जो कार्बन है वो एक कार्बन या मैक्सिमम दो कार्बन से अटैच है तो उसके लिए आप एन लगा देते हैं चेन में दिखाने के लिए कि एन बुटेन है यहां पे आइए इस पे आइए यहां पे आप लगाएंगे आई बुटेन जहां पे आई स्टैंड करता है आइसो के लिए और आइसो का मतलब क्या होता है कि आपके सेकंड कार्बन के एटम के ऊपर सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर ये देखिए सेकंड कार्बन कौन सा होगा ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड इधर से भी करेंगे तो भी आएगा कौन सा सेकंड कार्बन आएगा तो सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच है तो आप यूज करेंगे आईसो क्या होगा ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन जब भी सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच आएगी मेरे दोस्तों आप उसका नाम आईसो लिखेंगे ये उसका नाम हो गया आई बुटेन इसका नाम हो गया एनबूटेन इसका आई नेम भी आपको बता देते हैं आई यूपेक में भी आप इसका नाम बता देते हैं आई नेम बता देते हैं इसका आईयूपैक नेम बता देते हैं इसका सा आ जाइए जल्दी से आ जाइए इसका नाम बता देते हैं आपको देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रेफिक्स फिर लिखेंगे रूटवर्ड फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स इसका नाम लिखना है अब मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले अब यहां पे आप नोटिस करिए सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी होगी एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तीन कार्बन एटम की ही होगी ठीक चुन ली अब यहां एक प्रिफिक्स आ गया एक ब्रांच आ गई ये देखो मिथाइल ये क्या है ये बेसिकली मिथाइल है तो प्रिफिक्स आ गया अपने पास रूटवर्ड क्या है लिखते हैं इसके बारे में रूटवर्ड है तीन कार्बन का प्रॉप प्राइमरी सफिक्स इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ए एन ई सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है प्रीफिक्स लिखो प्रीफिक्स सेकेंड कार्बन पे है मिथाइल तो लिख दीजिए टू हाइफ़न मिथाइल ऐड करना इसको इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल स्पेस मत डालना प्रोपेन काम खत्म ठीक इस प्रकार आप नाम लिखते हैं प्रिफिक्स होता है आपकी साइड चेन ब्रांच या सबस्टूडेंट के लिए ये बेसिकली साइड चेन ब्रांच ऑफ सब्सटूडेंट थी सेकंड कार्बन पे थी इसको लोएस्ट नंबर देना है इसको लोएस्ट नंबर देना है इसको लोएस्ट नंबर देना है ठीक है यहां पर रूल्स भी लिख देता हूं यहां पे रूल्स भी लिख देता हूं मैं आपके कोर्स के हिसाब से लिख रहा हूं सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है गिव सब्स्टिटुएंट ोएस्ट नंबर पॉसिबल ठीक इसको बोलते हैं फर्स्ट लोकेंट रूल अगर इसी में आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देंगे लेकिन अभी उतना अपने पास है नहीं है ना गिव सबसे लोवेस्ट नंबर ग्रुप इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट विल बी टी उसको आप प्रियोरिटी पे लोएस्ट नंबर देंगे ठीक है ये छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए अब जो हमने डिटेल में नॉमिकलेचर पढ़ा था तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अफ दे आर मल्टीपल लॉन्ग कार्बन सेलेक्ट द वन दैट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देर्ट लोकेंट रूल वो सेम हो गया तो आपके असम रूल वो सेम हो गया तो अल्फाबेटिकल रूल आर लॉट ऑफ रूल्स अभी वो है क्या कोर्स में नहीं है तो इतनी बेसिक बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए दो इसलिए हो गया भाई आप इसको नंबरिंग तो दोगे ना कौन से कार्बन पे वो ब्रांच है आप वो नहीं बताओगे कौन से कार्बन पे ब्रांच है आप वो बताओगे कि भैया ये ये सेकंड सेकंड यानी यानी मिथाइल मिथाइल कार्बन पे चेन है और जो मेन चेन है वो तीन कार्बन की है और इसका सफिक्स है एन. तो अब संसार में जिसको रूल्स पता है वो इसका स्ट्रक्चर फटाफट बना लेगा आपने नाम लिखा वो स्ट्रक्चर बना लेगा मतलब यूनिफॉर्म करने के लिए आयोपैक नॉमिन क्लेचर था क्लियर समझ में आ गई बात अब देखिए यहां पर चेन आइसोमर्स के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस चीज के बारे में आप देखिए एंड से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है कैसा है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ठीक है ये कैसा हाइड्रोकार्बन है ये बेसिकली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है भैया रेस्ट लेना पड़ेगा यार थक गया बंदो दिन का खाना ही नहीं खाया ना अपन ने गलती कर दी तुम लोगों ने तो गलती नहीं करी आज दिन का नाश्ता खाना खाना भूल गए अपन ये दोनों ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से अब ध्यान से समझना ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन क्यों बोल रहा हूं ध्यान से देखो भाई यहां पे कार्बन एक कार्बन से अटैच है चा, यहां पे कार्बन एक कार्बन से अटैच है यहां पे कार्बन दो कार्बन से अटैच है इस पे भी दो से अटैच है इस पे भी दो से अटैच है तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो गया इसको एनालाइज करना एक बार यहां पे कार्बन एक से अटैच है ये वाला कार्बन दो से अटैच है ये वाला कार्बन कितने से अटैच है एक दो तीन से अटैच है ये एक से अटैच है और ये फिर से एक से अटैच है तो ये देखो तीन से अटैच है ना तो ये ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन हो गया ये वाला तो मालिक हमारा खतरनाक है, है चार कार्बन से अटैच है देखो एक दो तीन चार तो ये ब्रांच एन हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे यानी अगर एक या दो से अटैच है तो स्ट्रेट है अगर दो से ज्यादा है तो बेसिकली ब्रांच एन हाइड्रोकार्बन है तो ये स्ट्रेट और ये दोनों ब्रांच अब देखिए अगर इसका नाम रखता हूं ए अगर इसका नाम रखता हूं मैं ए इसका नाम मैं रखता हूं बेसिकली बी और इसका नाम मैं बेसिकली रखता हूं सी ठीक है ये ए ये बी और ये बेसिकली सी ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पांच कार्बन और बारह हाइड्रोजन एक दो तीन चार पांच कार्बन तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब इधर देखना एक दो तीन चार पांच कार्बन उसके बाद एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो सी फाइव एच ट्वेल्व यह मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा ए बी और सी का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है हाँ फंक्शनल ग्रुप देखना यार ध्यान से तीनों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तीनों ही एल्केन कैटेगरी को बिलोंग करेंगे ठीक अच्छा मेन चेन कार्बन एटम्स कितने होंगे आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहां पे मेन चेन में कितने होंगे यहां पे मेन चेन में बेसिकली आपके पास पांच हो जाएंगे यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या मेन चेन एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार या फिर ये एक दो तीन चार चार से ज्यादा लंबी नहीं होगी ठीक यहां पे कितने हो जाएंगे यहां पे हो जाएंगे बेसिकली एक दो तीन या तो एक दो तीन ये हो जाएंगे या एक दो तीन ये या एक दो तीन ये कोई भी तीन की आपने उठा ली तीन से ज्यादा बड़ी नहीं होगी या तो एक दो तीन 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 मेरे को ये वाली उठानी थी वाली उठा ली मैंने ठीक है क्लियर है अब देखो मेन चेन में पांच चार और तीन पांच चार और आपके पास आया ये तीन ठीक है तो पांच चार और तीन समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात यहां पे मेन चेन में पांच हमें चार तीन तो ये बेसिकली कहलाएंगे चेन आइसोमर्स क्या कहलाएंगे चेन आइसोमर्स कहलाएंगे आई होप आपको ये यह बात यहां पे समझ में आ रही है अब आपको मैं बताता हूं कि यहां पे एन का मतलब क्या है एन का मतलब होता है फिर से नॉर्मल यानी कि कार्बन यहां पर एक या फिर मैग्जिम दो से अटैच है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है एन लगाते हैं आइसोपेंटेन सेकंड कार्बन के ऊपर अब यहां से अगर कैलकुलेट करना चालू करूं तो सब्सटीन को लोवेस्ट नंबर दोगे एक दो तीन चार इधर से नंबरिंग नहीं करोगे तो फिर से देखो दूसरे कार्बन के ऊपर तुम्हारा ये ब्रांच आ रही है तो आई पेंटेन या आईसो पेंटेन बोलोगे देखो इधर से नंबरिंग मत करना एक दो तीन चार मत करना तीसरा हो जाएगा सब्सिटेंट को लोएस्ट नंबर देना होता है इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूं यस का सीधा नॉमिकलेचर सिखाता हूं तुमको ठीक है ध्यान से देखना इधर से सबसे पहला काम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार तो चार की चेन है मैं ये वाली चार की ले लेता हूं ठीक हो गया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया अब देखो या तो नंबरिंग इधर से कर सकता हूं या नंबरिंग इधर से कर सकता हूं इधर से करूंगा तो तीसरे कार्बन पे इधर से करूंगा तो दूसरे कार्बन पे यह वाली कैंसिल हो जाएगी इधर से नंबरिंग होगी ठीक है बढ़िया तो लिखिए प्रिफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ध्यान से लिखिए अब क्या होगा प्रिफिक्स ये ब्रांच मिथाइल वाली सेकेंड कार्बन पे टू मिथाइल रूटवर्ड क्या हो जाएगा एक दो तीन चार चार कार्बन का भाई ध्यान से सुनना चार कार्बन का है तो हो जाएगा बी यूटी बुट प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ए यानी -E, सेकेंडरी सफिक्स नो कुछ भी नहीं है नथिंग कोई आपके पास हेट्रो एटम या फंक्शनल ग्रुप यहां पे नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल ब्यूटेन क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन आइसो पेंटेन इज द कॉमन नेम या आई पेंटेन इज द कॉमन नेम टू मिथाइल ब्यूटेन इज बेसिकली दूपैक नेम ठीक है ठीक है ठीक है अब इसकी तरफ चले थोड़ा सा ध्यान दे इसकी तरफ आ जाइए थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिए फटाफट से इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसका क्या नाम होगा अच्छा इसमें पहले नियो समझ लेते हैं नियो क्या होता है अब देखो नियो क्या होता है सब समझ लिया एन समझ लिया तुमने हाँ आइसो समझ लिया तुमने आइसो को ऐसे आई पेंटेन भी लिख सकते हो है ना सेकंड कार्बन पे ब्रांच है अब नियो क्या है सब समझ लिया नियो क्या है नियो यूज होता है जब आप बात कर रहे हैं क्वार्टरनरी कार्बन की क्वार्टरनरी कार्बन की सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वार्टरनरी कार्बन यानी कि एक कार्बन चार कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन है आपका क्वार्टरनरी कार्बन ये चार कार्बन एटम से अटैच है इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन तो अ कार्बन एटम इज अटैच टू फोर अदर कार्बन एटम्स यानी एक कार्बन एटम आपका चार कार्बन एटम से अटैच्ड है इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन एटम अब इसके लिए आप प्रिफिक्स क्या लगाएंगे नियो नियो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर एक कार्बन बीच में और उसको चार कार्बन से अटैच होना है ये कार्बन बीच में इसको चार कार्बन से अटैच होना है तो क्वार्टर वाला केस तो मिनिमम पांच कार्बन में होगा बिल्कुल इससे पहले पेंटेन पेंटेन से पहले तुमको नियो वाली कैटेगरी कहीं नहीं दिखेगी नियो पेंटेन नियो हैगजिन ये बाद में ही दिखेंगे नियो बूटेन कुछ नहीं होगा क्योंकि मिनिमम पांच कार्बन चाहिए बीच में एक इसके चारों तरफ कार्बन ठीक है अच्छा इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा आई नेम क्या हो जाएगा जल्दी से देखते हैं देखो चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे नंबरिंग इधर से करो सेकंड कार्बन के ऊपर ही मिथाइल चेन्स आ रही चें दो मिथाइल चेन्स है कितनी दो दोनों की पोजिशन क्या है टू अब देखो एक और रूल तुमको बताता हूं अगर तुम्हारा सेम सब्सिट्यूएंट सेम सब्स्टिटुएट या जो ब्रांच है अगर मल्टीपल टाइम्स है जैसे ये मिथाइल ये मिथाइल दो बार आ गया अगर दो बार है डाई तीन बार है ट्राई चार बार है टेट्रा दो बार है ना मिथाइल तो डाई यूज करोगे उसकी पोजीशन बताओगे कि इस कार्बन पे डाई यूज करोगे कैसे आप बताओगे टू कॉमा टू डाई मिथाइल तीन कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रॉप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन टू कॉमा टू डाई प्रोपेन ये बेसिकली आपका इसका नामकरण हो जाएगा देखिए कम समय में जितना मैक्सिमम बता सकता हूं उतना बता रहा हूं है ना ऐसा नहीं आयु की, की क्लास में हो जाएगा कम से कम भी अगर हम देखें तो छह से आठ घंटे लगेंगे प्रॉपर समझने के लिए उसको पर हम उसको कंडेंस करके जितना समझ पा रहे हैं आई होप आपके दिमाग में तो जा रहा है फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट वैल्यू देंगे आप नंबरिंग आपकी लोएस्ट होगी उसके लिए उसका भी ऑर्डर रहेगा ठीक है चलिए अब पोजीशन आइसोमर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ठीक है अब मैं दो कंपाउंड बना रहा हूं आप उसके बारे में ये एनालिसिस करना मोलिकुलर फॉर्म फंक्शनल ग्रुप मेन चेन और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसके एनालिसिस में चाहता हूं आप करें ध्यान से देखना तो चेन आइसोमर्स में मेन चेन कार्बन कार्बनलेंथ आपके डिफरेंटेस को चेन आइसोमर्स कहते हैं आपको समझ में आ गया अब आपको दूसरी चीज को डिकोड करना है सेकंड थिंग इज दिस थोड़ा सा ध्यान से डिकोड करना है इस चीज के बारे में तो मैं कंपाउंड लिखता हूं बहुत बेसिक सा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच एक तो ये लिख दिया मैंने अच्छा इसी को अगर मैं ये लिखू सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री और ये एक दो तीन चार और ये ओ OH एच लिख दिया ठीक है कुछ इस प्रकार लिख दिया मैंने अब मैं आपसे पूछता हूं मुझे इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला पहले ए का मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए फिर बी का मॉलिकुलर फॉर्मूला बताइए मोलिकुलर फॉर्मुला बताना जल्दी चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में ब्रेक देंगे इसके बाद ब्रेक देंगे मैं खुद दूंगा पांच मिनट के बाद मेरे को भी चाहिए भाई कुछ खाना पड़ेगा ठीक है तो इसके बाद आप मुझे बताएंगे फटाफट से जल्दी 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 फटाफट से ये ए और ये बी आप मुझे बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में चैट ये बूटे नॉल है भाई बूटे नहीं है बूटे नॉल है बूटे नॉल ओ एच है ऑल अल नहीं है ऑल तो देखिए मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं चार कार्बन हाइड्रोजन कितने तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और एक ऑक्सीजन बी में आइए चार कार्बन एक दो तीन चार हाइड्रोजन तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ओ ठीक है फंक्शनल ग्रुप अगर आप बात करें तो दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है कौन सा हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है मेन चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं देखिए एक ही चेन है इसमें तो ये री मेन चेन चार कार्बन एटम है ये भी मेन चेन इसमें भी चार कार्बन एटम है इधर भी क्या है फोर कार्बन एटम्स दोनों में सेम है और उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अगर आप बात करें अब आएगा मजा पोजीशन में क्या डिफरेंस है देखिए आप नंबरिंग देंगे यहां से लोवेस्ट नंबरिंग ये एक होगा ऐसे मत करना एक दो तीन चार चौथे पे नहीं सबसे लोवेस्ट नंबर एक दो तीन चार इसको लोवेस्ट नंबर दो तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन इधर से मत करना तीसरा आ जाएगा दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहां पे फर्स्ट कार्बन पे यहां पे सेकंड कार्बन पे बात खत्म इसको बोलते पोजिशन आई समर ऑन फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप आपका फर्स्ट कार्बन पे है यहां पर बेसिकली आपका यहां पर किससे पे है यहां पर आपका वो सेकेंड कार्बन पे है ठीक यहां पे फर्स्ट कार्बन पे यहां पे सेकंड कार्बन पे बात खत्म समझ में आया समझ में आ गया क्लियर है बात क्लियर है बात समझ में आ रही है बात क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है समझ में आया क्या समझ में आया तो यहां पे पोजीशन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है फंक्शनल ग्रुप सेम है आपका मेन चेन कार्बन एटम सेम है आपका डिफरेंस क्या है फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे आ रहा है इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर आयुपैक नेम लिखते हैं खत्म करते हैं यहां पे आइसोमर्स को या आयुपैक नेम देखिए, इसका चार कार मैंने प्रिफिक्स कुछ नहीं है कोई साइड चेन नहीं है ब्यूट सिंगल बॉन्डे एनि ऑल ई के बाद अगर वो आएगा तो नाम हो जाएगा बूट ऑल ठीक ये बेसिकली आपकी फर्स्ट कंपाउंड सेकंड, ठीक अब यहां पे चार कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है तो कैसे लिखोगे इसको लिखने का तरीका होगा रूटवर्ड प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ये तो कटेगा अब देखिए यहां पे आप लिखेंगे ब्यूटेन टू ऑल या फिर टू ब्यूटेनॉल आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बताएंगे यह फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बताएंगे यानी कि सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे फर्स्ट कार्बन पे अगर आप चाहें तो यहां पे लिख के दे सकते हैं ब्यूटेन वन ऑल यह आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह फर्स्ट कार्बन पे है यह सेकंड कार्बन पे है इस प्रकार होता है समझ में आया ब्यूट टू ऑल ब्यूटेन टू ऑल रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्रिफिक्स यहां पर है नहीं तो हटा देंगे तो ये कट जाएगा ई e, क्योंकि ई e के बाद आ रहा है ए आई ओ यू वाई आएगा तो ये कट जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा ठीक चलो अच्छा हमने ब्रेक नहीं दिया क्या यहां पर अच्छा तो एक काम करते हैं यहीं पर ब्रेक दे देते हैं फाइव मिनट्स ब्रेक ठीक अभी बहुत लंबा जाना है अभी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लेंगे फिर इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे एंड देन हम लोग ईस्टरिफिकेशन e के बारे में बात करेंगे तो अभी तीन इंपॉर्टेंट चीजें और बची है इसके बाद एक पांच मिनट ये पांच मिनट का ब्रेक हम ले लेते हैं फिर एक दस मिनट का ब्रेक लेंगे फिर एक पांच मिनट का लेंगे ग्यारह बजे तक हम लोग खत्म कर देंगे सब कुछ ठीक है ठीक है पांच मिनट का ब्रेक देता हूं आप लोग चार्ज कर लीजिए फोन वोन खुद को भी सब कुछ चार्ज कर लीजिए फिर हम लोग मिलते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हाँ भाई आ गए सारे के सारे आ गए क्या देखते हैं सारे बच्चा लोग आ गए कि नहीं आ गए वापस सबको बुला लो अपने दोस्तों को अपने जो जो दोस्त थे यहाँ पे सबको बुला लो जल्दी जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन को वापस से जल्दी जल्दी दोस्तों फटाफट से आ जाओ सारे के सारे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से आ जाओ जल्दी से आ जाओ दोस्तों फटाफट से आ जाओ जल्दी से 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 जल्दी 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 आ जाओ मेरे भाइयों जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि <coughs> क्या हो रहा है ये पार्ट के बाद आपका है इंपॉर्टेंट कार्बन कम्पाउंड इथेनॉल एन इथोनॉइक एसिड है ना दोस्तों फिर उसके बाद है आपका ईस्टरिफिकेशन एक्शन तो बहुत लंबा गेम चलने वाला है ग्यारह बारह बज जाएगी थोड़ा जल्दी जल्दी खेलते हैं आ जाओ तो सबसे पहली है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना अब इसको के तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सुनील भैया आपने बोला है कि ऑक्सीडेशन कभी अकेले नहीं होता रिडक्शन उसके साथ में होता है हाँ यहां पे हम लोग जो हमारी बुक है वो मेजरली फोकस कर रही है सिर्फ ऑक्सीडेशन पे तो हम रिडक्शन की चर्चा नहीं करेंगे ठीक ठीक है भैया तो ऑक्सीडेशन क्या होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड यानी ऑक्सीजन का एडिशन एंड हाइड्रोजन का रिमूवल होना ऑक्सीडेशन कहलाता है ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऑक्सीडेशन का दूसरा सरल मतलब था कि अगर कोई सब्सटांस ऑक्सीडाइज हुआ है उसके अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है जो कि ट्रिक हमने याद करी थी ऑयल रिग यानी रिडक्शन का क्या होता है रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बताया भी था मैंने आपको कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया मतलब वो है। है? उसका मतलब उसका क्या हुआ है? उसका oxidation हुआ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दूसरी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है ये भी बता दो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो ऑक्सीजन का एडिशन नाइट्रोजन का रिमूवल है या लॉस ऑफ ये सारे कंसेप्ट पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है अगर मान लो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मेरा काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज oxidize करना ऑक्सीडाइजेस अदर्स है ना और हम इसी के प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे ये रिड्यूस होगी उस पे नहीं ठीक है इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड तो जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करती है खुद को रिड्यूस करती है तो ये क्या करती है ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करती है और खुद को बेसिकली क्या करती है रिड्यूस करती है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है सर बहुत बढ़िया इसके ऊपर चर्चा करते हैं स्टार्ट यहां पे फोकस करिएगा यहां पे फोकस करिएगा इस इस भी 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 पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे थोड़ी देर रुक जाइए तो जो भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से आ जाइए फटाफट से हम लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से आ जाओ ऑक्सीडेशन तो, रिएक्शन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर क्या है कि देर आर सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट्स विच आर यूज विद ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसिडिफाइड के टू जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डायक्रोमेट ठीक है और एल्कलाइन के फोर यानी पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है ये क्या होता है पोटेशियम पर मैगनेट तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं अब मैं आपको इस चीज को ऐसे समझाता हूं मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओसी है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओसी और इसके साथ हमने यूज किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाई देता है मान लीजिए दो प्रोडक्ट्स P1 और P2 कैसे इसका होगा ऑक्सीडेशन है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कराएगा और इसका होगा रिडक्शन लेकिन हम लोग कहां पे फोकस करेंगे हमारा हमारा जो मेगर मेजर मेगर बोल रहा हूं मेजर फोकस रहेगा ये इसके ऑक्सीडेशन पे रहेगा यहां पे रिडक्शन के प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं रहेगा तो भी मैं आपको बता दूंगा ठीक

सो दैट दी सबस्टांसिस लूज ऑक्सीजन इजिली एंड इट इज एडेड टू दीदर सब्सटांस हम ये चीज इसीलिए करते हैं ताकि इजीली इलेक्ट्रॉन इजीली ऑक्सीजन को लूज करे और दूसरे सब्सटेंस पे इसका एडिशन हो तो ये जो मीडियम्स यहां पे लिखे हुए ना बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना है इसकी मदद से यह इजिली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लूज करेगा इजिली ऑक्सीजन को लूज करेगा ताकि वह दूसरे सबस्टांस पे एड हो जाए ठीक है समझ में आगे बात जी भैया अब यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे हमारे जो कोर्स में हम यहां बात करेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स तो जब आपके एल्कोहल्स को आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजेंट्स एसिडीफाइड के टू सी आर सेवन एंड एल्कोलाइन के एम एन ओ फोर तो यहां पे ये यह पूरी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स यहां पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बेसिकली चर्चा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की ठीक है क्लियर हो रही बात सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स ठीक है भैया चालू करते हैं इस चीज को है ना अब इसको यहां पे मैं दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं क्यों तोड़ रहा हूं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आ जाओ मैं यहां एल्कोहल कैटेगरी में लेता हूं सी एस थ्री सी एच टू ओ एच ये होता है इथेनॉल और ये होता है बेसिकली कलरलेस क्या होता है कलरलेस लिक्विड होता है ये आपके पास है ठीक इसको आपने हीट किया आपने बोला एल्कलाइन केमेनो फोर की प्रेजेंस में या तो मैं हीट करूंगा है ना यानी गर्म करूंगा या फिर बेटा मैं एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में एसिडिफाइड टू सीआर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में हीट करूंगा या तो इसकी प्रेजेंस में या इसकी प्रेजेंस में बेसिकली मैं इसको हीट करने वाला हूं बहुत बढ़िया तो दोस्तों होगा क्या ये यहां से ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और इस ऑक्सीजन को मान लीजिए दो नेसेंट ऑक्सीजन के एटम देता है ये सिंगल ऑक्सीजन का जो एटम है इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्चुअली ओटू है ना और ये तो बहुत रिएक्टिव है इसको तो फटाफट बॉन्ड बनाना है अटैच होना है सेटिस्फाई करना है खुद को स्टेबल होना है ठीक इन्होंने क्या किया जैसे तुमने इसको हीट किया इन्होंने ऑक्सीजन दे दिया बोले कि अब तू चुपा इसके ऊपर तू इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर और ऑक्सीजन का एडिशन कर तो अब यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये वाला ये हमारा हटेगा यहां से और होगा क्या ध्यान से देखना सी एच थ्री सी यह आया तुम्हारे पास एक ओ और फिर आएगा तुम्हारे पास ओ OH एच प्लस एच टू और ये आ गया तुम्हारे पास ओ। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन के एटम ने इसको किया यहां पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हाँ भाई कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है के साथ यहां पे। यहां पे डबल बनाएगा ना समझ रहे हो दो हाइड्रोजन को इसलिए डिस्प्लेस कर दिया इसने क्योंकि इसका यह मतलब है कि यह अगर तुम्हारे पास कार्बन है तो यहां पर यह डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ इसीलिए ठीक है सी ओ एच ऐसा प्लस ये जो टू था एक ऑक्सीजन के साथ निकल के पानी बन गया अब इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड ये बेसिकली क्या होता है ये बेसिकली आपका होता है कलरलेस समझ में आ गया क्या क्लियर हो गई क्या बात ये बेसिकली आपका कलरलेस होता है अगेन है ना

एक डिवाइस होता है जिसके अंदर तुम्हारा पानी होता है और वो पानी गर्म किया जाता है और उस पानी के अंदर आप अपने कंपोनेंट्स को गर्म करते हो इसके पीछे रीजन भी है मैं आपको दूंगा अभी ध्यान से अब यहां पे आपने, एक थी जिसको आपने यहां पे डाल दिया और इस टेस्ट ट्यूब में क्या था इस चीज को फोकस करना ये टेस्ट ट्यूब में क्या था इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास था इथेनॉल प्लस एल्कलाइन केएमएनो फोर ठीक है ध्यान से सुनना इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया इथेनॉल और एल्कलाइन के एम फोर मेरी बात समझ में आ रही क्या मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो एक टेस्ट ट्यूब ली उसमें मैंने लिया इथेनॉल और एल्काइन के एम फोर ले लिया अब मुझे बताओ इसका कलर क्या है यह तो बेसिकली कलरलेस है यह तो कलरलेस है और इसका कलर क्या है पर्पल टू पिंक होता है है ना मैं बेसिकली पर्पल लेके चलता हूं तो ओवरऑल जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस मिक्सचर का ओवरऑल कलर हो जाएगा पिंकिश पर्पल पिंकिश पर्पल बोलते हैं कुछ पर्पल बोलते हैं आप वही लेके चलिए ठीक है भाई ये ये कलरलेस पर्पल है तो ये ओवरऑल जो मिक्सचर का कलर हो जाएगा ये बेसिकली पर्पल हो जाएगा अब तुम क्या करोगे यहां पे इसको हम बोलते हैं वाटर बाथ क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वाटर बाथ यानी हम इसको गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर आप डायरेक्ट हीट नहीं करोगे इसको डायरेक्ट हीट करने के पीछे का रीजन यह इथेनॉल में आग लग सकती है डायरेक्ट हीटिंग नहीं करोगे इनडायरेक्ट हीटिंग करोगे पानी को आप गर्म करोगे और पानी इसको फिर हीट ट्रांसफर करेगा ये जो है ये बेसिकली क्या है ये आपका हॉट वाटर है इसको लिख लेता हूं यहां पे सही से बातों को समझिए ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है और इससे 2020 में एक सवाल आया भी था तो इसीलिए आपको बता रहा हूं हॉट वाटर है कैसा है गर्म पानी है समझ रहे यह हॉट वाटर है तो इस गर्म पानी के अंदर ट्यूब टेस्ट्यूब टेस्ट टेस्ट्यूब में इथेनॉल है और इथेनॉल के साथ साथ आपके पास तो होगा पर्पल कलर ठीक है अब जैसे तुम इसको हीट करते हो तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो उसका ध्यान देखना तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन क्या उब्जर्वेशन् होंगी देखो ये जो पर्पल कलर है ना ये पर्पल कलर तुम्हारा तुमने जैसे इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो पर्पल कलर आपका जो है पर्पल कलर फेड्स टू कलरलेस ये कलरलेस बन जाएगा और कलरलेस यहां पे किस चीज को इंडिकेट कर रहा था इथेनोइक एसिड को इंडिकेट कर रहा था मतलब पर्पल कलर जो है आपका वो कलरलेस बन जाएगा ये पर्पल से कलरलेस बन रहा है इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है समझ में आ रही है भैया अच्छा दूसरी जो विजिबल ऑब्जर्वेशन तुमको होगी वो क्यों होगी वो होगी ब्राउन प्रसिपिटेट बनेगा ब्राउन प्रसिपिटेट ऑफ एम एनओटू इज फॉर्म्ड यह एम एन ओ टू की ब्राउन प्रसिपिटेट कहां से बन रही है यह बन रही है तुम्हारे रिडक्शन हो रहा है किसका रिडक्शन ऑफ एल्कलाइन के फोर समझ रहे हो रिडक्शन ऑफ एल्कलाइन के एम फोर इसका रिडक्शन हो रहा है इस वजह से यह बन रही है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा खुद को रिड्यूस करेगा ना तो ये रिड्यूस करेगा तो इसके एक ब्राउन कलर की पीपीटी तुमको की यहां पे नीचे देखने के लिए मिलेगी तो ये तुम्हारी दो ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैंने तुम्हें बता दी समझ में आ गई क्या बात ये बात समझ में आ गई अब ये सवाल 2020 में जब आया बच्चों का ओ भैया जी सर फट गया किताब में है ही नहीं अरे भाई किताब में है वो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं तो तुमको इसका आंसर तो देना पड़ेगा ना तो पर्पल कलर फेड हो रहा है टू कलरलेस क्योंकि एसिड बन रहा है दूसरी चीज एल्कलाइन केमेनोफोर खुद रिड्यूस हो रहा है और ब्राउन पीपीटी बना रहा है एम एनोटू की आपको याद रखना पड़ेगा ये याद रखने वाली बात है अच्छा इस माला महाराज को इस मालिक को हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं क्या कहते हैं बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं ओके एल्काइन केमेनोफोर इज ऑल्सो एज बेयर्स रिएजेंट ठीक है क्लियर हो रही है बात क्लियर हो रही है समझ में आ रही बात है ठीक है इसमें एक केस और होता है कि मान लो अगर एक्सिस में एल्कलाइन के ले लिया तो अगर इसमें ऐसा केस है मान लो तुम्हें तो बोल रहे हैं में एल्कलाइन के ले लिया एक्सिस ऑफ केएमएन तो सोल्यूशन रिमेन्स पर्पल सल्यूशन रिमेन्स पर्पल ऐसा क्यों

क्या गलत है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड ही बनाना था बना दिया आपको एग्जाम्पल बता दिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन है पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं है ये ठीक है क्लियर है ठीक है चलो

इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ वुड और कंबस ऑफ वुड यस और नो में आंसर करना है इसका क्या आपको लगता है कि ये सही है बर्निंग ऑफ वुड या कंबेशन ऑफ वुड बोलना जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी 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 चैट बॉक्स में आ रहा हूं चैट बॉक्स में देख रहा हूं जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ नो 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 यस 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 नो ज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ वुड और कंबस ऑफ वुड तो इसका आंसर है यस पर अब फिर से सोचना इस पर अब इस पर दिमाग लगाना इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ चार क्या यह सही है बर्निंग ऑफ चारकोल बोलना सही है क्या बर्निंग ऑफ चारकोल अगर आपका आंसर है यस तो आप गलत सोच रहे हैं यह गलत है नहीं ये <laughs> किताबों में भी गलत लिखा है बर्निंग ऑफ वुड वो सही है। बर्निंग ऑफ इंसेंसिव गलत है Burning of charcoal? गलत है। क्यों मैं आपको रीजन दूंगा मैं आपको रीजन दूंगा बिना हवा में उड़ते भी बात नहीं करूंगा में तीर नहीं चला दूंगा. आपको रीजन दूंगा गलत बोल रहा हूं तो चलिए कंबेशन को थोड़ा सा तोड़ते कंबस्टन क्या होता है क्लास एट में पढ़ा है. एक केमिकल रिएक्शन होता है बहुत बढ़िया भैया प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इन विच अब यानी ऐसा सबस्टांस जो को शो करेगा वो कंबस्टिबल सब है बढ़िया। अ कंबस्टिबल सब्सटांस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट लाइट एनर्जी अलॉन्ग विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स। कंबस्टन में किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रिएक्ट करवाएं और अगर वो प्रोडक्ट बनाए साथ में हीट और लाइट एनर्जी को जनरेट करे तो इस तरीके की रिएक्शन को कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं क्या कहते हैं कंबेशन रिएक्शन कहते हैं बहुत बढ़िया तो यहां पे बेसिकली ये हीट और लाइट एनर्जी को जनरेट कर रहा है अलोंग विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं कम्बस्टन रिएक्शन अब थोड़ा इसको समझते हैं लाइट एनर्जी के बेसिस पे फोकस करना ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइट एनर्जी ध्यान से देखना भाई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है प्रोडक्ट एफ प्रोडक्ट बनाता है हीट और लाइट एनर्जी बनाता है इतना पता है लाइट एनर्जी कौन से टाइप की है अगर आपकी लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में है यानी ऐसे लपटे निकल, या निकल रही है ऐसी लपटे निकल रही है ऐसी लपटे निकल रही है इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ अ फ्लेम तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बर्निंग क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं बर्निंग क्योंकि जो सब्सटेंस है दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स द सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स कोई भी चीज ऐसी लपटे तब बनाती है लाइट एनर्जी अगर फ्लेम के फॉर्मेट में है तो ऐसी वो तब बनाएगा जब वो सब्सटेंस आपका वेपर में कन्वर्ट होगा गैस का एक फॉर्म है अब आप कहोगे लकड़ी ओ, ओ लकड़ी में तो फ्लेम निकलती है लकड़ी तो सॉलिड होती है लकड़ी सॉलिड होती है पहले वो गैस बनती है एंडोथर्मिक पायरोलिसिस कहते हैं उसको पहले वेपर बनती है फिर फ्लेम निकालती है वैक्स को जलाओगे सॉलिड होती है मेल्ट करके लिक्विड फर्दर वेपराइज होती है फ्लेम्स बनती है समझ में आया अब यहां पे दूसरे टाइप की बात करें तो सिर्फ ग्लो होता है जैसे कि मान लीजिए आप अगरबत्ती को जलाते तो सिर्फ चमकती है अगरबत्ती जला दीजिए आज चमकेगी मोमबत्ती में जब फ्लेम निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं इसको बेसिकली बोला जाता है स्मोल्डरिंग स्मोल्डरिंग नहीं स्मोल्ड्रिंग बोला जाता है बर्निंग नहीं ये फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कंबेशन है तो अगर आप बोले स्मॉलिंग ऑफ मैं इंसेंटिका सही है अगर बोले, सही है. आप बोले कंबशन ऑफ इंसेंटिकल अगर, बत्ती, अगर बत्ती, मैं होता है. मतलब जिसमें कोई ऐसी नहीं निकलती ऐसी चमक आती है सिर्फ ग्लो आता है जैसे चारकोल में ग्लो आता है कोल में ग्लो आता है उनमें कोई फ्लेम या लपटे ठीक है समझ में आया समझ में आ गया ठीक है भैया आ जाओ हाइड्रोकार्बन के बारे में अब एक बार बात करते हैं अगर हाइड्रोकार्बन्स का कम्बर्सन होगा तो क्या होगा अब इसमें सारे ऑरेंज डब्बे तुम्हारे कवर कर दूंगा मैं सारे सारे जो ऑरेंज डब्बे थे नीले डब्बे थे सब खत्म कर दूंगा किताब के पर अपने तरीके से इसके बाद एक ब्रेक ले लेंगे फिर इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड डेढ़ घंटा इस्टेरिफिकेशन डेढ़ घंटा तीन घंटे और लेगा <coughs> इसको आधे घंटे में और निपटाते हैं सात बजे तक दस मिनट का गैप लेंगे साढ़े दस बजे तक खत्म कर देंगे आ जाओ ध्यान से देखना हाइड्रोकार्बन मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन तो परेशान मत हो हो जाएगा जल्दी खत्म हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन ठीक है ना यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा वाटर वेपर बना लेगा और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बना लेगा साथ में हीट निकलेगी साथ में लाइट निकलेगी इस प्रोसेस को बोलते हैं combustion. क्या बोलते हैं अगर हाइड्रोकार्बन को सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो इसका हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर पानी बनाएगा और कार्बन ऑक्सीडाइज होके सीओ टू बना देगा ठीक है और साथ में हीट और लाइट एनर्जी भी निकलेगी अब देखिए अगर हम बात करें कंप्लीट कंबेशन की यानी जहां पे गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर बहुत बेहतरीन अमाउंट ऑक्सीजन है एक चीज पूरी जल जाएगी तो आग लगी ठीक है तो यहां पे क्या होगा अगर आपके पास जैसे मान लीजिए ये मीथेन गैस, है। मीथेन गैस। अब नेचुरल गैस की बर्निंग को यही बोला जाता है बट मैं यहां लिख देता हूं कि जो नेचुरल गैस होती है वो बेसिकली किसका मिक्सचर होती है आपका फॉसिल फ्यूल है इट इज मिक्सचर ऑफ मीथेन जो मेजरली प्रेजेंट है इसके अंदर थेन भी होता है प्रोपेन ब्यूटेन एक्सेट्रा ठीक है तो नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है क्लास एट में आपने पढ़ा हुआ है कंप्रेस्ड फॉर्मेट में गाड़ी के अंदर फ्यूल की तरह यूज होती है घरों में भी यूज होती है तो ये जो बेसिकली आपकी सी एच फोर है मीथेन इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर सीओ टू बनाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वॉटर बनाएगा साथ में निकालेगी हीट साथ में निकालेगी ये लाइट और लाइट एनर्जी जो होगी वो फ्लेम्स के फॉर्मेट में होगी किसके फॉर्मेट में फ्लेम्स के फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में होगी फ्लेम्स के फॉर्मेट में होगी ठीक है दूसरे कलर से लिख देते नहीं तो बच्चों को नजर नहीं आएगा नोट्स में समझ में नहीं आएगा ठीक हीट प्लस लाइट एनर्जी ठीक है बेटा हाँ जी भैया उसके बाद इनकंप्लीट कंबन या बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन अब अगर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाए तो पूरी तरीके से कंबस्टन नहीं होता है यानी यहां पर अगर आपके पास ये CH4 है और ऑक्सीजन है तो ये पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा क्या बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा साथ में हीट साथ में लाइट ठीक है बहुत बढ़िया भैया ठीक है बहुत बढ़िया और अगर फर्दर ऑक्सीजन में कमी आ जाए विद इवन लेस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में अगर कमी आ जाए और ऑक्सीजन में अगर कमी आ जाए तो फिर क्या होगा सुनील भैया अगर और ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी तो यहां पे क्या होगा सी एच फोर प्लस ऑक्सीजन विल गिव सी प्लस एच टू यह क्या कहलाएगा यह बेसिकली है अनबंट कार्बन जो कार्बन जला ही नहीं है ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा लाएगा कार्बन जो कार्बन जला ही नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा सी फोर दो ये हो जाएगा बैलेंस्ड ये बेसिकली गैस गैस सॉलिड गैस ऑक्सीजन कितने हैं दो ऑक्सीजन है दो, दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन चार एक कार्बन एक कार्बन तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी तो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड और कम हो जाएगा तो अनबंड कार्बन ये आपको समझ में आना चाहिए क्या मैं समझा पा रहा हूं ये बेसिक सी बात अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर निकलेगा ये बेसिकली कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन है कौन सी कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन है ठीक है ये कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन है गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कम हुआ तो अनबट कार्बन ठीक है समझ में आ गया क्या क्लियर हो गई यह बात समझ में आ गई ये एक तरीके से देखे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही हो रहा है दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो चलो अब अगर आपके पास बोला जाए कि एलपीजी का कंबर्शन करवाना है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये किसका मिक्सचर होती है ये बेसिकली आपका बूटेन प्लस प्रोपेन का मिक्सचर होती है मेजरली बूटेन उसके अंदर अवेलेबल होती है तो क्या करोगे आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आपको पता है हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन मिलेगी प्रॉपर अमाउंट में तो बनाएगा सीओ प्लस एस प्लस बनाएगा हीट प्लस बनाएगा लाइट ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है इसको होमवर्क के फॉर्मेट में बैलेंस कर लेना ठीक है बैलेंस इट इसको बैलेंस कर लेना खत्म काम ठीक है इसको बैलेंस कर लेना तो बुटेन प्लस ऑक्सीजन गिव सीओ टू प्लस एस टू प्लस हीट प्लस लाइट एक बच्चा कह रहा है टू एक्स पे पढ़ा दो अरे टू एक्स पे कैसे बताएंगे भैया आप टू एक्स पे देख लेना बाद में

तो आज अब क्या करना अभी जब अपन ब्रेक देंगे तो मम्मी के पास जाना किचन में मम्मी को बोलना कि मम्मी किचन में लाइट बंद कर दो मम्मी के सामने करना है पापा के सामने करना और फिर क्या करना गैस को ऑन करना मम्मी को बोलना गैस जलाए नीले कलर की फ्लेम आएगी और फिर देखना रूम में कितनी लाइट होती है फिर उसी किचन के अंदर गैस ऑफ करके मोमबत्ती जलाना और फिर देखना कितनी लाइट होती है फिर मुझे बताना कि रूम में कब लाइट ज्यादा थी ठीक है तो यानी यहां पे मैं क्या कह रहा हूं टाइप्स ऑफ फ्लेम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस इस बेसिस पे दो तरीके की फ्लेम होगी एक होगी लुमिनस फ्लेम और एक बेसिकली क्या होगी नॉन लुमिनस फ्लेम समझ रहे हो आप एक होगी लुमिनस फ्लेम और एक होगी नॉन लुमिनस फ्लेम ये लुमिनस या नॉन लुमिनस ये बहुत कम लाइट प्रोड्यूस करती है इसलिए नॉन लुमिनस है ये बहुत लाइट प्रोड्यूस करती है इसलिए ये ये देखो येलो फ्लेम इज इनफ लाइट लाइट बहुत light निकालती है आराम से बढ़िया से प्रोड्यूस इनफ लाइट ये ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस इनफ लाइट इसीलिए कहते हैं इसको क्या नॉन लुमिनस फ्लेम है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ लाइट ठीक है इसमें बहुत लाइट निकलती है इसमें नहीं निकलती ये पूरे रूम को चमकाती नहीं चमका पाती इतनी छोटी सी सरल सी बात है बस ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है बहुत सिंपल सा गेम है।, है, है बहुत ही सिंपल सा गेम है ये ठीक है बहुत बढ़िया अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि लुमिनस फ्लेम आई कैसे नॉन लुमिनस फ्लेम आई कैसे थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो यहां पे आप एक चार्ट को देखेंगे अगर गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो बेसिकली क्या होगा इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं यहां पर फटाफट से ध्यान से देखिए इस चीज को तो यहां पर क्या होगा कंप्लीट कंबन होगा और ये जो फ्लेम निकलेगी क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी कुछ इस प्रकार की ध्यान से देखिए अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे कंप्लीट कंबस्टन होगा मतलब पूरा कार्बन सीओ टू बनाए पूरा वाटर पूरा हाइड्रोजन आपका वाटर वेपर में बन गया है तो क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी ऐसी क्लीन ब्लू फ्लेम इसमें कोई आपका अनबंट पार्टिकल नहीं होगा कुछ इस प्रकार की फ्लेम होगी ठीक है बहुत बढ़िया लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन आ जाए ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होगा भाई इनकंप्लीट कंबस होगा इसमें दो चीजें बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और अनबंट कार्बन बनेगा हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की कमी हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अनबंट कार्बन अब अनबंट कार्बन से क्या होता है इसको ध्यान से सुनना अनबंट कार्बन जो है हॉट बन जाता है और ग्लो करने लगता है हॉट क्यों हो जाता है क्योंकि दूसरे कार्बन जो पार्टिकल्स है उनको तो बेसिकली ऑक्सीजन मिल रही है वो जल रहे होंगे वो हीट निकाल रहे होंगे उनकी हीट की वजह से ये गर्म होता है ये जो कार्बन के पार्टिकल्स है अनबंट कार्बन ऐसा तो होगा ना कि उसके अंदर किसी को तो ऑक्सीजन मिल रही होगी एयर में 20.95 परसेंट है तो किसी को तो ऑक्सीजन मिल रही होगी कोई तो कार्बन जल रहा होगा कोई हाइड्रोजन जल रहा होगा हीट निकाल रहा होगा उस हीट से ये अनबंट कार्बन गर्म हो जाता है और इससे ग्लो करने लगता है इस फिनिना को इनकेंडेसेंस कहते हैं फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है वो ग्लो करने लगती है चमकने लगती है तो इसी वजह से ये हमारा जो भाई है ये आपकी फ्लेम को येलो कलर देता है एंड लीव ए सूट अनबंट कार्बन पार्टिकल बन के निकल जाता है इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एक प्लेट लेकर आइए और एक प्लेट को ऐसे ऊपर रख दीजिए मोमबत्ती के या आप अपना हाथ रख दीजिए आपका हाथ काला पड़ जाएगा यहां पे प्लेट रख दीजिए प्लेट के ऊपर आपका अनमंड कार्बन का पार्टिकल सूट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये दूसरे पार्टिकल जो जलते हैं उनकी हीट से गर्म होता है और फिर ग्लो करता है और येलो कलर देके चुपचाप ऊपर बाहर निकल जाता है क्योंकि जलाई नहीं ऑक्सीजन नहीं मिली इसको ऑक्सीजन ही नहीं मिली ठीक है ठीक है तो बेसिकली बिकम्स हॉट एंड ग्लोस गिव्स येलो कलर एंड गिव्स येलो कलर टू द फ्लेम एंड लीव्स सूट समझ में आ रही बात क्लियर हो रही है क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात क्लियर हो रही है क्लियर हो रही है हेलो 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 अभी एक बच्चा निकाल रहा है। अरे आंसू क्यों निकालो भैया इतना डिटेल में बता रहे हैं, फिर भी लो सुनील भैया इतना प्यार से बता रहे हैं अब क्या गोदी पढ़ाएंगे तुमको लो बेटा ऐसे थोड़ी करेंगे एक भाई कह रहा है तेज पढ़ाओ अरे भाई तेज पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा रैपिंग थोड़ी करनी है अच्छा अब यह एनसीआर टी की एक्टिविटी है टेक सम कार्बन कंपाउंड उठाइए कैम्फर यानी कपूर अब ये आपने देखा होगा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है एंड एल्हल वन बाय वन ऑन बाईन स्पैचल एंड बर्न देम ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस इन केस ऑफ दीज कंपाउंड तो अगर मैं आपको बोलूं नेफ्थलीन बॉल्स जो आप यूज करते हैं मॉथ को रिपेल करने के आपके कपड़े खा जाएगा नेफ्थलीन बॉल्स कैम्फर का आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है आप इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए अल्कोहल अगर आपके घर में है तो उसका है ना वर आपके सैनिटाइजर में तो होती है तो अगर आप उनको जलाएं तीनों को उसके ऊपर एक प्लेट रख दें जब वो जल रहे हैं तो किस केस में येलो कलर की फ्लेम आएगी होता क्या है बेटा आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके केस में तो दो चीजें होगी या तो अगर अच्छे अमाउंट के ऑक्सीजन है अच्छे अमाउंट की ऑक्सीजन है तो नीली और अगर नहीं होगी अगर अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होगी तो सूटी फ्लेम होगी येलो सूटी फ्लेम होगी लेकिन अनसे हाइड्रोकार्बन में हमेशा येलो सूटी फ्लेम ही होगी ठीक है येलो सूटी फ्लेम ही होगी कार्बन कंटेंट रिलेटिवली ज्यादा है उनमें तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन ज्यादा है इसके अंदर कार्बन रिलेटिवली ज्यादा हो जाता है ऐसा नहीं कार्बन रिलेटिवली ज्यादा है तो क्या होगा इसका ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिए कैम्फर एंड नेफ्तोलिन आपने कैंफर को अगर जलते हुए देखा है नेफ्तोलिन को तो ये येलो सूटी फ्लेम से बर्न करते हैं वाइल अगर आप एल्कोहल को जलाएंगे तो इट बर्न क्लीन ब्लू फ्लेम ठीक है ये आपके क्या है ये आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये आपके क्या है ये आपके बेसिकली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है समझ में आ रही क्या बात समझ में आ रही क्या बात क्लियर हो रही है सभी को यह बात दीज आर बेसिकली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भाई अपने हाइड्रोजनेशन पर पहले ही पहुंच गए अरे अगला टॉपिक अरे भैया और बताओ चैटबॉक्स में क्या दिक्कत आ रही है इसको चैट बॉक्स में आ जाओ क्या दिक्कत आ रही है भैया बताओ अभी बहुत टाइम है अपना और और बताओ और क्या दिक्कत आ रही है भैया अच्छा <coughs> और कितना टाइम है रिपीट रिपीट वो तो करते ही हैं चलो <coughs> लोन और बॉन्ड बॉन्डपेयर के बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं जब अपन ने बैच स्टार्ट किया था तो वहां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी अभी तो रिविजन चल रहा है उसमें उसकी जरूरत नहीं है और यहां पर यह बेसिकली क्या करेगा कंप्लीट कंबेशन शो करेगा यह इनकंप्लीट कंबन शो करेगा तो इस यस यस इन केस ऑफ कैम्फर एंड एफलिन आपको मिलेगा कैंफर एंड के केस में आपको येलो फ्लेम मिल रही है ना येलो फ्लेम मिल रही है येलो फ्लेम है बिकॉज ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड दे लीव ए सूट तो आपको क्या मिलेगा आपको सूट के पार्टिकल्स मिलेंगे याद रखिए ये अनबर्न पार्टिकल्स येलो कलर देखिए और चुपचाप बाहर निकल जाते हैं तो जहां पे भी येलो फ्लेम की बात होगी वो सूटी जरूर होगी उसमें सूट जरूर निकलेगा यहां पर नहीं निकलेगा नो सूट तो नो डिपोजिशन ठीक है चलिए अगला सवाल आपसे एक और पूछते हैं बंसन बर्नर अगर आपने देखा आपकी लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है नहीं तो किताब के अंदर एक बर्नर दे रखा है उसको बंसन बर्नर कहते हैं तो अगर उसका एयर होल जो होता है नीचे एक एयर होल होता है एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स स्लाइस प्रेजेंस ऑफ स्मोक वेन डू यू गेट अ येलो सूटी फ्लेम वेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम अब एक बंसन बर्नर नाम की चीज होती है जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसमें क्या होता है नीचे जहां से फ्यूल आ रहा होता है उसके नीचे एक एयर होल होता है उसको आप जिस हिसाब से एडजस्ट करेंगे उतना ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा या कम हो जाएगा यू करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो गया अच्छे अमाउंट की ऑक्सीजन कंप्लीट कंबस्टन कम अमाउंट ऑक्सीजन इनकंप्लीट कंबस्टन वही वाला खेल है तो क्या होगा क्या होगा पूरा क्लोज है पूरा क्लोज है और एयर होल पूरा ओपन है तो क्या होगा यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिल रही है यहां से और यहां तो वैसे भी मिल रही है तो यहां से जो मिक्सर के आएगा ऑक्सीजन और एयर का मतलब जो ऑक्सीजन है और फ्यूल है उसका बहुत बेहतरीन मिक्सर बन के आएगा प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी यहां पे, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी और गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कंप्लीट कंबस होगा अब मान लो कि तुम्हारी गैस जो है सैचुरटेड हाइड्रोकार्बन है मैंने बताया था कि सैचुरटेड हाइड्रोकार्बन को गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दोगे कंप्लीट कंबस्टन दिखाएगी यही सैच्यटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप लैक ऑफ ऑक्सीजन दोगे तो वो क्या दिखाएगी इनकंप्लीट कंबन दिखाएगी क्या दिखाएगी इनकंप्लीट कंबन अभी दो मिनट पहले पढ़ाया था कि सैच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप एलपीजी इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे कंप्लीट ऑफ कंबेशन ये नीले कलर की फ्लेम मिलेगी देखो नीले कलर की पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले नीली फ्लेम ब्लू एंड क्लीन फ्लेम है ना ब्लू एंड क्लीन फ्लेम और यहां पे येलो सूटी फ्लेम क्यों इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तुम कह रहे हो कि एटमोस्फियर से ऑक्सीजन मिल रही है वो मिल रही है लेकिन नीचे जो प्रॉपर मिक्सचर बन के आना चाहिए वो बन के नहीं आ रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन है लैक ऑफ ऑक्सीजन है इनकम्प्लीट कंबन है इनकम्प्लीट कंबस होगा सैच्यटेड हाइड्रोकार्बन का तो यह आपको समझना पड़ेगा समझ में आगे बात क्लियर होगी बात क्लियर हो रही है बात क्लियर हो रही है क्या बात, बात? बात? हाँ भाई हैल्कोल अगर इथेनॉल की बात करूंगा तो सेचुरेटेड हो गया ना एल्कोहल की अगर मैं बात कर रहा हूं अगर एल्कोहल में हम अपने कोर्स में बात करें जैसे अगर इथेनॉल की बात करें प्रोपेनॉल की बात करें तो सैचुरटेड हो गया ना ये ये तो सैचुरेटेड ही है ना इसमें कहां डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में है क्या इथेनॉल के अंदर नहीं सैचुरेटेड है ठीक है वो जहां जहां पर भी एल्कोहल बोल रहा है उसका मतलब है इथेनॉल ध्यान रखना वो एब्सोल्यूट इथेनॉल की बात कर रहा है वो उससे ऊपर जाएगा ही नहीं वो जहां पर भी ये लिख रहा है वो एब्सोल्यूट इथेनॉल की बात कर रहा है भाई उससे ऊपर नहीं जा रहा वो ठीक है समझ रहे हो तो ये और ये आई होप आपको समझ में आ गया एनसीआर की एक और एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा होगा कंप्लीट कंबन होगा नीली फ्लेम होगी ऑक्सीजन का अमाउंट कम करोगे इनकम्प्लीट कम्बेशन होगा पीली फ्लेम होगी ठीक है बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं भैया मैं आप बहुत लेट है कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं ये लेक्चर हो चुका है चार घंटा बयालीस मिनट का इसमें पीछे आप जाएंगे तो आपको लेक्चर में मिल जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया है सांप वाली स्टोरी भी समझाई है उस पर नहीं जाएंगे अभी यहां पर फोकस करिए ठीक है तो एडिशन रिएक्शन या बेसिकली आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक तो अब जो जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे आपके सारे डाउट अभी रिजोल्व हो जाएंगे ध्यान से देखना आप बोल रहे थे रिडक्शन ये वो फलाना ढिमकाना अभी सब खत्म कर दूंगा यहीं पर फिर लास्ट सबसे फिर एक दस मिनट का ब्रेक हो जाएगा देखो ध्यान से तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप यहां पे देखना सुनील भैया क्या बोल रहे हैं बेटा बहुत प्यार से देखना बेटा और बहुत ध्यान से देखना तो प्यारे बच्चों जब आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है ये कंबाइन करता है विद ईदर हाइड्रोजन ब्रोमीन एटसेट्रा टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ केटलिस्ट ठीक है टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ अटालिस्ट और सिंगल प्रोडक्ट है ये आपका सैचुरेटेड हो सकता है कैन बी सैचुरेटेड कैन नॉट बी सैचुरेटेड क्योंकि अगर आप मान लीजिए एल्काइन से कन्वर्ट करें तो आप एल्किन बनेंगे और एल्कीन से कन्वर्ट करेंगे तो एल्किन बनेंगे ठीक है तो अभी आप इस चीज को समझिए कि अगर आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वो कंबाइन करता है या तो हाइड्रोजन से या ब्रोमीन से और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट तो इसको बेसिकली एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अनसे हाइड्रोकार्बन को आपने एड किया विद ब्रोमीन या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक निकल पैलेडियम एंड कैटालम ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है सुनील सर सुनील भैया क्या होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए ठीक है टेम्परेचर कितना 200 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है चार जिसको बोलते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो, हो, हो सकता है कि अनसेचुरेटेड में ही रहे मतलब बनाया ठीक है ना तो यह बात कर रहा हूं मैं। तो एक एग्जाम्पल पे चलते हैं फटाफट से, से इसको समझते हैं एग्जाम्पल पर फोकस करिए आपके पास ये कंपाउंड है ये बेसिकली है आपके पास इथिन और उसमें अपन ने ऐड किया यहां पे हाइड्रोजन और इन द प्रेजेंस अगर आपने हीट किया इसको निकल पैलेडियम या प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस अगर आपने हीट किया तो क्या होगा ध्यान से देखना क्या होगा यहां पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वाले जो बॉन्ड है ये टूटेगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेगा एक हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन करेगा दूसरा मैं इसको मैं समझाता हूं आपको ये कार्बन ठीक ये सारे बॉन्ड तो समझ में आ रहे हैं तुमको अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन अब अगर इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले ये एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेसिकली आपका इथेन ठीक है तो आपने देखा कि मल्टीपल रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एडिशन रिएक्शन जिसमें किसी चीज का एडिशन हो रहा है ये बेसिकली एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है समझ में आया इस प्रोसेस को अब क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है टेलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्यों बोला जाता है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसीलिए हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं और इसलिए यूज ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है इसमें इसके लिए तो कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन की एडिशन करवाई जा रही है इसीलिए इसको बोलते हैं कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्या बोलते हैं कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या बोलते हैं टिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं ठीक है ठीक है अरे समझ में आ रही है क्या 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 बात समझा 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 पा 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 रहा 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 हूं क्या? रहा हूं हूं क्लियर है आ जाओ अब देखो तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी वाला कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं इसकी नीड भी समझा देंगे इसकी दिक्कतें भी समझा देंगे बस ध्यान से सुनना पड़ेगा तो वेन द वेजिटेबल ऑयल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट लाइक निकल पैलेडियम और प्लेटिनम एट 473 सेवेंटी थ्री कैलवेन देन वनस्पति घी इज फॉर्मड क्या कह रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं वेजिटेबल आपने क्या लिया है ऑयल लिया है कौन सी स्टेट में है लिक्विड स्टेट में है आपने जैसे ही इस पर हाइड्रोजन की एडिशन करवाना चाहिए निकल पैलेडियम प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस या चार सौ त्रिहत्तर कैल्वेन फोर सेवनटी थ्री ठीक है फोर सेवनटी थ्री ये बेसिकली वेजिटेबल घी या जिसको बोलते हैं वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे आपको डाल्डा याद है डालडा तो ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल इसका है क्या एक एग्जाम्पल है इसका डाल्डा का जो घी आता है वेजिटेबल घी है ना या वनस्पति घी ये है इसका एग्जाम्पल तो ये जो होता है ये बेसिकली क्या होता है ये होता है अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ए सॉरी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है माय बैड माय मिस्टेक ये कैसा होता है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ठीक है और ये कैसा होता है ये अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है बेटा याद से बताइए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ एक जर्नी ट्रेवल कर ली है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं सनफ्लावर ऑयल हो गया और आपका कॉटन सीड ऑयल हो गया ठीक है तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एटसेट्रा ठीक तो ये वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में था हाइड्रोजन ऐड करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेस लाइक निकल पैलेटियम और प्लेटिनियम 200 डिग्री सेल्सियस कौन सी स्टेट में मिलता है सॉलिड स्टेट में मिलता है देखिए ये यह यहां पे कौन सी स्टेट में लिक्विड स्टेट में है ये लिक्विड है और यहां पे कौन सी स्टेट में आपको मिल रहा है सॉलिड स्टेट में मिल रहा है आई होप आपको समझ में आ रही है बात ठीक है क्लियर है ये बात पहला कंसेप्ट क्लियर है यहाँ का इस क्लास का इस पर्टिकुलर स्लाइड का पहला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था वो क्लियर है बना लिया तुम्हारी किताब में आर आर के बेसिस पे अल्काइल ग्रुप ऐड करा के दे रखा है वैसे भी ले सकते हो कि सी डबल बॉन्ड सी आर 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 वो लंबी चेन के वो बता रहा है है ना कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है वो बता रहा है वो कंसेप्ट नंबर टू क्या है नीड फॉर हाइड्रोजिनेशन क्या है नीड फॉर कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्यों क्यों करना है नीड फॉर कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल का कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन आपको क्यों करना है तो इसको आप ऐसे समझिए इसको आप ऐसे समझिए कि इसका कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्यों करना है आपको क्योंकि एयर में ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इसको क्या करेगा इसको रेंसिड कर देगा इसके टेस्ट को खराब कर देगा क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड बना लेता है आप समझिए वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्जन करने का रीजन क्या है एक तो ये सस्ता पड़ता है नॉर्मल घी जो अपन बनाते हैं उससे दूसरा क्या है ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है उसके प्रेजेंस में आने से क्या हो रहा है उसको उसके प्रेजेंस में होता क्या है रेंसिड हो जाता है खराब हो जाता है अब इसको कम करना है अगर इसको कम करना है टू रिड्यूस रेंसिडिटी तो आपको क्या करना पड़ेगा टू रिड्यूस तो आप क्या करो वेजिटेबल ऑयल का रिडक्शन कर दो वेजिटेबल ऑयल का रिडक्शन कर दो आपने एक तरीके से रिडक्शन ही तो किया उसका या आपने क्या किया उसका रिडक्शन ही तो किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन तो आपने एक तरीके से क्या किया उसका रिडक्शन कर दिया ठीक है ये बात समझ में आ गई कंसेप्ट नंबर वन क्लियर नंबर टू क्लियर कंसेप्ट नंबर थ्री की तरफ चलते हैं अब कौन सा हेल्थ के लिए बैड होता है विच वन इज बैड फॉर द हेल्थ तो वो भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं ये आपकी आर्टरीज है मान लीजिए तो आपका ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक है बैड कोलेस्ट्रॉल और ये डिपॉजिट हो जाता है ब्लॉक कर देता है बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है तो ये बेसिकली क्या कर देगा इट ब्लॉक्स आर्टरीज़, आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देगा खत्म काम तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या दिक्कत है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये दिक्कत है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इट ब्लॉक्स द आर्टरीज है ना और इस वजह से आपको एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज बट ज्यादा उस पर डेथ पे नहीं जाना है बट आपको इतना चीज है मेरे को लगता है कि मैंने क्लियर करवा दी है कि कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कैसे होता है क्यों करते हैं और इससे बनाने के बाद इसको कंजम्पशन करने से होता क्या है ठीक है क्लियर है समझ में आ गई बात क्लियर हो गई अब देखिए एक सवाल और कराते हैं अरे ये वाली वो सवाल ऐड नहीं है क्या चलो कोई दिक्कत नहीं अपन ऐड कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है ऐड कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं ठीक है आ जाइए स्लाइड्स हो आ जाओ भैया अब ध्यान से फोकस करना अब एक आता है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश पूछा जाता है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन ये पूछा जाता है तो ये एडिशन रिएक्शन के थ्रू अपन कर सकते हैं ठीक है समझ रहे हो ये अपन कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन के थ्रू कैसे देखो आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लो क्या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस रिएक्शन को एंट्रो को करेंगे नहीं करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप ले लो ठीक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो नहीं करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे तो जैसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराओगे विद बीआर टू ब्रोमीन इन सी सी एल फोर के साथ आप हीट करोगे तो क्या होगा यहां पे ब्रोमीन का जो कलर है रेडिश ब्राउन रिमेन्स द सेम रेडिश ब्राउन रिमेन्स द सेम तो अगर आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बीआर टू इन सीसीएल फोर से रिएक्ट करवाओगे तो ब्रोमीन तो ऐड नहीं हो पाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे रिएक्शन ही नहीं होगी तो वहां पे रेडिश ब्राउन कलर रहेगा रहेगा इसका रेडिश ब्राउन कलर रिमेन रहेगा लेकिन यही आप अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन से कराओगे तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कराओगे तो तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब आप बेसिकली कराओगे इस रिएक्शन को अगर आप बी आर टू इन सी सी एल फोर के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे हीट करोगे तो यहां पे आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेडिश ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन कलर फेड टू कलरलेस यानी यहां पर यह सोल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा यह सोल्यूशन आपका कलरलेस हो जाएगा कैसा हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर चेंजेस टू कलरलेस रेडिश ब्राउन कलर जो है आपका वो बेसिकली कलरलेस हो जाएगा इस चीज को आप समझिए अगर देखो ब्रोमिन जो है वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एड क्या होगा लेकिन अनसेच्युरेटेड में एड हो जाएगा और एड हो जाएगा सेचुरेटेड बना देगा हाइड्रोकार्बन तो रेडिश ब्राउन कलर फेड हो जाएगा एक एग्जाम्पल भी देख दिखाता हूं ध्यान से देखो अब मान लो कि ये मेरे पास है आपके पास ये क्या है दैट इज नथिंग बट नही है मेरे पास ये वही है जो भाई यहां से स्टार्ट किया था ये रहा ये वाला इथिन इथिन ठीक है ना वही को ले रहे हैं कोई दिक्कत कोई नई चीज नहीं ले रहे हैं इथिन अब इस पे अगर मैं Br2 को ऐड कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये जो मिक्सचर होता है

अब यहां पे ऑब्जर्व क्या करोगे कि इस महाराज का जो रेडिश ब्राउन कलर था इस मिक्सचर का उड़ चुका है और वो कलरलेस बन चुका है ये इंपॉर्टेंट बात है लेकिन ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे ये तो वैसा ही रहेगा यहां पे कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा तो एक तरीके से ये डीकलराइज करते हैं ब्रोमीन वॉटर को ठीक है इंपॉर्टेंट बात है डीकलराइज डी कलराइज द ब्रोमीन वॉटर इसको ब्रोमीन वॉटर भी कहते हैं ब्रोमीन वॉटर टेस्ट कहते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है नाउ दिस टेस्ट इज नोन एज याद रख लीजिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट और रिएक्शन कौन सी हो रही है एडिशन रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन वाटर टेस्ट रिएक्शन कौन सी है एडिशन रिएक्शन है इसीलिए यहां पे बताया खत्म काम ठीक अच्छा इसका नाम कौन बताएगा इसका नाम कोई बताएगा इसका नाम कोई बताएगा कोई मेरे को इसका नाम बता देगा फटाफट से इसका नाम बता देगा कोई कोई बच्चा मेरे को इसका नाम बताएगा क्या कोई प्यारा, प्यारा बच्चा मेरे को आगे इसका नाम बता देगा क्या एनी वन टेल मी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कोई मुझे नाम बताएगा इसका कोई मुझे नाम बताएगा इसका फटाफट से मैं आ रहा चैट बॉक्स में मुझे नाम बताओ मुझे नाम बताओ नहीं 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 दो ब्रोमीन है बेटा ध्यान से देखो दो ब्रोमीन है ध्यान से देखो दो ब्रोमीन है ध्यान से देखो बेटा कौन बताएगा मेरे को इसका नाम कौन बताएगा मेरे को इसका नाम जल्दी से बताओ कौन बताएगा इसका नाम देखो दो कार्बन एटम है तो हम कैसे लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं प्रिफिक्स प्लस लिखते हैं रूटवर्ड प्लस लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स प्लस लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नामक यहां पे कोई भी चीज पर नहीं है ये जो है इनके लिए प्रिफिक्स का इस्तेमाल होता है इनके लिए रूटवर्ड दो कार्बन है तो लिख दीजिए एथ सिंगल बॉन्ड है लिख दीजिए एन पहले और दूसरे कार्बन पर यह पहला और दूसरा यह पहला और दूसरा बात तो सेम ही है वन कॉमा टू कितनी बार है? दो बार है तो डायब्रोमो अब नाम को ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा पहले कार्बन पे है दूसरे कार्बन पे है कितनी बार है? दो बार है वन कॉमा टू डायब्रोमो इथेन खत्म बात समझ में आ गया क्या वन कॉमा टू डायब्रोमो इथेन और यहां पे स्पेस नहीं लगाओगे जो स्पेस लगाएगा वो गलत कर रहा है आयूपैक के कोई रूल्स नहीं है यहां पे स्पेस लगाने के वन कॉमर टू ड्राइव्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूं अब चलते हैं अगली चीज की तरफ और इसके बाद एक और ब्रेक ले लेंगे सबसे रिएक्शन समझने के बाद वी विल टेक अनादर टेन मिनट्स का ब्रेक ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग खाना वाना खा के आ जाए और एक प्रॉपर आप लोगों का एक रेस्ट हो जाए है ना मजा आ रहा है अब दो चीजें बची इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंडिफिकेशन सेपोनिफिकेशन खींच देंगे ग्यारह बजे तक कोई दिक्कत नहीं है तो दो से ग्यारह बढ़िया तुम्हारा काम सेट हो गया ठीक है चलो <coughs> अब यह ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ठीक है वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज डिस्प्लेस्ड बाय अनादर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को डिसम या ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ मोलिक्यूल या इसको आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या आप इसको कह सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है ये आई होप आपको समझ में आ रही है अच्छा इस रिएक्शन को कौन शो करता है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सो so, इस रिएक्शन को शो करता है एलकेन जिनको हम बोलते हैं बेसिकली पैराफिंस क्या बोलते हैं पैराफिंस ठीक है और पैराफिंस क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो वर्ड है पैर ये आया है पैरम से और पैरम का मतलब होता है लिटिल दूसरा वर्ड है एफिन इसका मतलब है एफिनिटी और एफिनिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है रिएक्शन या रिएक्टिविटी से ठीक है तो लिटिल रिएक्टिविटी बहुत कम रिएक्टिविटी होती है तो पैराफिंस का क्या मतलब होता है पैराफिन्स का बेसिकली ये मतलब होता है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो ठीक है अब इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है यह भी मैं आपको चलिए रीजन बता देता हूं इसका पीछे क्या कारण है इसके पीछे क्या कारण है भाई इनकी लिटिल रिएक्टिविटी क्यों है एल्केन्स की कम रिएक्टिविटी क्यों है ये कम रिएक्टिव क्यों है क्या रीजन है सुनील भैया बिना रीजन के कुछ नहीं होता तो यहां पे क्या होता है सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स है ना एंड दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर ठीक है डोंट ब्रेक इजीली तो इस वजह से बहुत ही आपकी कम रिएक्शंस को ये शो करते हैं जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतनी आसानी से नए बॉन्ड्स बनेंगे और रिएक्शन होगी है ना जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहां पर तो बेसिकली एंगुलर स्ट्रेन नाम की चीज आएगी जो भी आपको नहीं पढ़ना है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्किस तो इनको बेसिकली हम बोलते हैं पैराफि दैट इज बहुत कम रिएक्टिविटी होती है इनकी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपे कहा गया भाई एस टी एम क्लास वो फोटो वोटो देखने के लिए होता है एटम के कहा पहुंच गए वहां पे आप अब देखो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं यहां पे ठीक है ध्यान से देखिएगा फिर आपको ब्रेक भी दे दूंगा फिर आप खाना खा के आ जाइएगा ठीक है मुझे सिर्फ पांच मिनट और दीजिए मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पे अपना बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड एक मीथेन और इसकी रिएक्शन में कराता हूं क्लोरीन के साथ और इस रिएक्शन को आप सनलाइट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं या इस रिएक्शन को आप हीट की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सनलाइट और हीट दोनों में ही हो जाएगा हीट आपको आर्टिफिशियली ही देनी पड़ेगी तो अब देखिए यहां पे बहुत ध्यान से ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा यानी यहां पर तो हाइड्रोजन 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 रहेगा लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे क्लोरीन बन जाएगा साथ में यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा H और उनके साथ उसका बॉन्ड बन रहा होगा Cl के साथ ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है आपका मीथेन आपने लिया है क्लोरीन के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या आप हीट कर रहे हैं क्लोरीन का ये एक एटम इसको डिस्प्लेस कर रहा है ये एच बना ले रहा है और ये क्या बन रहा है ये कंपाउंड क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका क्लोरो एक कार्बन है मैथ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन क्लोरोमीथेन या मोनोक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चल इसको उठाओ यहां लाओ अब ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन वही प्रोडक्ट निकाला फिर दूसरी ना ना ये कंटिन्यूअसली चलती रही है। ठीक है अब ये बन गया तो ये क्या बनाएगा वो भी देख लो ये बन गया तो ये क्या बनाएगा वो भी देख लो ठीक है ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट तो अब ये क्या करेगा ये इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इसके साथ भग जाएगा बहुत ध्यान से सुनना भाई तो ये कार्बन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा यहां पे आ जाएगा एक क्लोरीन यहां आ जाएगा दूसरा क्लोरीन है ना फिर उसके बाद बेसिकली प्लस उसके बाद हो जाएगा मेरे पास ये एच और उसके बाद मेरे पास हो जाएगा ये आपका सी ठीक है इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डायक्लोरो मीथेन क्या बोलेंगे डायक्लोरो मीथेन बोलेंगे उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन फिर उसके बाद ये दो क्लोरिन फर्दर आपका क्लोरीन अटैक करेगा किस पे हाइड्रोजन पे उसको डिस्प्लेस करेगा ध्यान से देखो अब ये क्लोरीन जाएगा इधर और ये हाइड्रोजन आएगा इधर ध्यान से देखना बहुत मजा आएगा ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन यहां पे एक क्लोरीन ये दो क्लोरीन ये तीन क्लोरीन ये प्लस आपके पास हो जाएगा एच बॉन्ड ये हो जाएगा आपके पास सीएल ये क्या हो जाएगा तीन क्लोरीन है तो ट्राइ क्लोरो कार्बन है मैथ और सिंगल बॉन्ड है इन उसके अलावा इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म एक मिसकंसेप्शन है लोगों को क्लोरोफॉर्म सुघाते ही आदमी बेहोश हो जाएगा गलत बात पांच मिनट लगते हैं कुछ समय लगता है एजेंट इतने नहीं कि लगाते ही. <laughs> ऐसा नहीं होता पिक्चरों में गलत दिखाते है। गलत है वो ऐसे नहीं होता फर्दर आगे ये रिएक्शन चलती रहेगी ध्यान रखना ये रिएक्शन चलती रहेगी सीएल CL, CL, CL। और ये है हाइड्रोजन प्लस सीएल सीएल समझ रहे हो आपने डाल दिया ये मिक्सर बनते जाएंगे कंटिन्यूसली अब ये क्या है भाई ये इधर आ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा क्लोरीन चारों तरफ इसके क्लोरीन है Cl प्लस CL, 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 ये हो जाएगा एच और ध्यान से देखना ये हो जाएगा सीएल क्या बोलोगे टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक ये नाम हो गया काम खत्म ठीक है तो इस प्रकार तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पे समझ में आ रही है अब ये जो मिक्सर है ये आपको सेपरेट करना है तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द मिक्सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट मिक्सर ऑफ अबव कंपाउंड तो जो ऊपर आपको कंपाउंड नजर आ रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने क्लास एट्थ में पढ़ा है पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने किया था उसके अंदर है ना वैसे ही आप यूज करके इन सारी चीजों का एक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा उनको आप सेपरेट कर सकते हैं इसको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं जो आपके शो कर रहे हैं सो शो दिस सब्सटिट्यूशन रिएक्शन ठीक है समझ में आ गया क्लियर है बात तो अब ब्रेक की तरफ चले पर एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो यहां तक मजा आ रहा है क्या सभी में दम है जोश है आए भैया लिखने का दम है क्या जल्दी से लिख दो एक बार फटाफट से कि सुनील भैया आए भैया लिखने का दम तो अभी तक है हमारे अंदर आए भैया तो लिख के ही जाएंगे आए भैया लिखने का दम जरूर से है हमारे अंदर आप हमें कमजोर मत समझो आए भैया तो हम लिख के जाएंगे आए भैया लिख दीजिए बहुत बढ़िया बहुत सही फटाफट से फटाफट से आए 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 फटाफट फटाफट फटावट फटाफट आई 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 आए आए चलिए बहुत बढ़िया तो 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे हम लोग ठीक है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर क्या इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पे आपका इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है ना इसके बाद एक मिनट हाँ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड ही हमारा तो इसको स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथे इथनोइक एसिड इसको जल्दी से खत्म करेंगे फिर सोप के बारे में पढ़ेंगे और आपका ये चैप्टर आज हो जाएगा खत्म ठीक है तो टेन मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं आप भी ले लीजिए मैं भी ले लेता हूं फिर मिलते हैं हाँ भाई वापस आ गए क्या सारे के सारे लोग आ गए क्या वापस वापस आ गए दोस्तों सबको बुला लो सबको बुला लो सबको बुला लो दोस्तों जल्दी 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 फटाफट से जल्दी से बुला लेंगे सभी को सभी को बुला लीजिए फटाफट से जल्दी 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 से फटाफट से आ जाओ आ जाओ मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों दोस्तो। चलो आवाज आ रही है बढ़िया है सब कुछ हाँ बढ़िया ही है बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं विथ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइ एसिड इससे स्टार्ट करेंगे ठीक है फटाफट से खत्म करेंगे खत्म तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पे क्या है फिजिकल स्टेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्मेल एंड टेस्ट सोलिबिलिटी इन वॉटर ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ले रखी है अब इथेनॉल क्या होता है इथेनॉल क्या होता है सर अपने अरे भैया हम मैसेज वेसेज नहीं कर रहे हम देख रहे हैं तुम लोग आए कि नहीं आए हम कहेगा का, मैसेज करेंगे आ जाओ तो इथेनॉल जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या जिसको आप लोग बेसिकली कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं है ना मेल्टिंग पॉइंट या बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है या जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज करता है हर सब्सटेंस का हमेशा सेम होता है मेल्टिंग पॉइंट या बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है सिमिलरली किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट हमेशा सेम होता है बॉइलिंग पॉइंट या फिर कंडेंसेशन पॉइंट हमेशा सेम होता है समझ रहे हैं यह हमेशा दोनों का ही क्या होगा सेम होगा जैसे पानी मेल्ट करता है और फ्रीज करता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे और बॉइल करता है या कंडेंस करता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर वन एटीएम जब माना ने है ना तो ये तो सेम ही होगा ना अब देखो इसका माइनस एक सौ चौदह डिग्री सेल्सियस और सेवेंटी एट पर बॉइल कर जाता है दैट इज इसका बॉइलिंग पॉइंट

Liquids वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेंचर से कम है बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है लिक्विड्स को डिफाइन करने का एक तरीका याद है आपको अगर आपने ओलंपियाड्स की भयंकर तरीके से तैयारी करी तो उसमें एक सवाल आता है लिक्विड्स को इससे डिफाइन करते हैं रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस जिस चीज का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर ज्यादा हो वो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल पानी रूम टेम्परेचर पच्चीस है उसका बॉइलिंग पॉइंट सौ है उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है लिक्विड स्टेट में रहता है

एल्कोहोलिक ड्रिंक्स पीते तो कहते हैं कि ओ भैया चुभती है करती है हमको ठीक है हड़ती होगी भैया तुम लोग को नहीं पीनी है समझ रहे हो हाँ सस्ते नशे नहीं करने महंगे नशे करने महंगे नशा कौन सा मेडिटेशन करने का भक्ति करने का ये तो सस्ते नशे है पंजेंट स्मेल मतलब बहुत शार्प स्मेल आती है तीखी शार्प और सार टेस्ट खट्टा टेस्ट होता है इसका सिरके के फॉर्मेट में इसका डायलूटेड फॉर्म सिरका होता है अभी पढ़ेंगे वो आपको समझ में भी आएगा रिलेट भी कर पाओगे अब यहां लिखा है मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन पानी में आप किसी भी तरीके से घोलिया लोग बनाते हैं ना पैक बनाते हैं पटियाला पैक बना के ना चूंगा ना चूंगा तो वो जो पैक बनता है ना कि डाइल्यूटेड है कंसेंट्रेटेड है बाबू ये है सिमिलरली मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन इसके साथ भी यही है तो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में आई होप आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया अब देखिए एक चीज आती है मोलासिस फर्मेंटेशन आप कहेंगे ये कहां लिखा है एक ऑरेंज कलर का डब्बा बना हुआ अल्कोहल एज अ फ्यूल करके उसके अंदर एक लाइन लिखी है अपन रिस्क नहीं लेंगे भैया कहीं से भी सवाल आ सकता है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन से क्या होता है आपको समझाते हैं सबसे पहले मोलैसिस क्या होता है समझिए इस चीज को आपका शुगर केन होता है गन्ना गन्ना इस गन्ने का आप मान लीजिए आपने इसका सोल्यूशन बनाया अब इस सोल्यूशन को आप भयंकर तरीके से हीट कर दीजिए तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा यह सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा कैसा सोल्यूशन बनेगा ये बेसिकली बनेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा शुगर गेन का बना दिया गन्ने का गन्ने का रस बना लिया उसको बहुत ज्यादा हीट कर लिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसमें से उड़ चुका है अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर है हमारे पास ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है ठीक है ना अब जब आप इसको अलाउ टू कूल आप इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए आप इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए अलाउ इट टू कूल इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए आप जैसे ही आप इसको ठंडा करने रखेंगे ठंडा करने रखेंगे तो चीनी के जो शुगर के क्रिस्टल्स है शुगर क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे इस प्रोसेस को अपने क्लास नाइन्थ में क्रिस्टलाइजेशन कहा था कि सैचुरेटेड सल्यूशन अगर है उसको ठंडा करने रख दिया तो सल्यूट बाहर आ जाता है क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में और इसके अलावा जो लिक्विड बचता है लेफ्ट ओवर लिक्विड बचता है लेफ्ट ओवर लिक्विड जो बचता है उस लेफ्ट ओवर लिक्विड को हम लोग कहते हैं क्या मदर लिकर कहते हैं क्या कहते हैं मदर लिकर बहुत बढ़िया और यहां पे वो जो मदर लेकर है उसका नाम होता है मुलासिस क्या बोलते हैं इसको मुलासिस तो जो शुगर सिरप आपका क्रिस्टलाइजेशन के बाद बचता है वो मोलैसिस है तुम रटते हो रटना नहीं है मैंने पहले ही कहा था सारे मिसकंसेप्शन उड़ा दूंगा शुगर सल्यूशन या शुगर आ, सिरप शुगर सिरप लेफ्ट आफ्टर शुगर सिरप लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन मतलब चीनी के क्रिस्टल्स बन चुके हैं और उसके बाद जो आपका सिरप बचता है इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं मुलाइसिस कहते हैं समझ रहे हैं समझ में आ रही है बात क्लियर हो रही बात तो शुगर के इनका सल्यूशन बनाया हीट करके सेचुरेटेड बनाया ठंडा करने लगा शुगर के क्रिस्टल्स बाहर आगे लेफ्ट ओवर लिक्विड जो होगा उसमें जो थोड़ा बहुत लिक्विड बचा उसको मदर लेकर कहते हैं यानी मुलाइसिस खाते हैं अब इस मोलाइसिस का फर्मेंटेशन करो फर्मेंटेशन क्या होता है फर्मेंटेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना ब्रेकडाउन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर टूटता है तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं तो ये बेसिकली क्या है ये आ, तो है, ये है ना है ना चीनी बेसिकली क्या होता है, है. तो ईस्ट है, तो है? है ना ये बेसिकली करता है तो ये क्या करेगा इनवर्टेज एंजाइम इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको तोड़ेगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स एक कहलाएगा ग्लूकोज और दूसरा कहलाएगा फ्रक्टोज एक कहलाएगा ग्लूकोज दूसरा कहलाएगा फ्रक्टोज ठीक और ये फर्दर ज़ाइमेस नामक एंजाइम की प्रेजेंस में आके टूटेंगे और बनाएंगे सी टू एच फाइव ओ एच प्लस सीओ टू सी टू एच फाइव ओ एच और इसको बोलते हैं सी एस थ्री सी एस टू ओ एच आपका क्या होता है ये और कुछ नहीं है ये आपका है इथेनॉल क्या है भाई ये ये है आपका इथेनॉल समझा पा रहा हूं क्या मजा आ रहा है क्या समझा पा रहा हूं क्या ये सारी चीजें मजा आ रहा है मोलासिस फर्मेंटेशन किताब में सिर्फ नाम देके छोड़ दिया है पूछने वाला तो पूछ भी सकता है क्योंकि जब पेपर में उल्टे पुलटे सवाल पूछे तो इसकी का गारंटी नहीं आ सकता तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया मुलासिस फर्मेंटेशन से इथेनॉल का निर्माण होता है तो शुगर केन का सोल्यूशन था सैचुरेटेड सल्यूशन बनाया ठंडा करने रख दिया शुगर क्रिस्टल गए बचे हुए सब्सटेंस को बच्चेिस कहते हैं फर्मेंटेशन कराएंगे इसका मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको तुड़वाएंगे टूटेगा तो ये दो तरीके के सॉल्व आपके बनाएगा मोनोसेचराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज फर्दर ये टूटेगा तो इथेनॉल मिल जाएगा ठीक है मजा आया आगे चलते हैं फटाफट अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं यहां पे सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ इथेनॉल जनरली जानेंगे मजा आएगा सारे डब्बे निपटा देंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट कितना इथेनॉल पांच परसेंट इथेनॉल पिचानवे परसेंट पानी ये एप्सुलूट एप्सोलूट इथेनॉल है या एप्सुलूट इसको आप बोल सकते हैं एल्कोहल है सौ प्रतिशत इथेनॉल ये इसको एप्सोलूट इथेनॉल या एप्सुलूट एल्कोहल कहा जाता है डी नेचर एल्कोहल जिसका नेचर आपका इमप्रॉपर हो एल्कोहल नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग ऐसा एल्कोहल जिसको आप पी नहीं सकते या वो पीने के लिए हेल्दी नहीं है एल्कोहल नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एस डी नेचर एल्कोहल समझ में आया रेक्टीफाइड स्पीड पांच परसेंट इथेनॉल पिचानवे परसेंट पानी एप्सुलड इथेनॉल इज सौ परसेंट इथेनॉल डी नेचर एल्कोहल इज एल्कोहल नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए फिट नहीं है अब बेसिकली ये जो है किसका मिक्सचर होता है अब इसको कैसे बनाते हैं इथेनॉल प्लस ब्लू डाई ये क्या है ये इंडिकेशन है दैट इट इज नॉट इंडिकेशन दैट इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग समझ रहे हो ये बेसिकली एक इंडिकेशन है कि ये भैया आपके पीने के लिए स्वस्थ नहीं है पिएंगे तो आप मर भी सकते हैं प्लीज मत पिए अब ऐसा होता क्यों है जो एक्साइज ड्यूटी आपकी जो इंडस्ट्रीज में एल्कोहल प्रोवाइड होता था उसके अंदर कम लगती है जो मार्केट में उसमें ज्यादा लगती है तो वो काला करने लगे उसको क्या मार्केट में बेचने लगे सस्ते में तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इसको खराब करके बेचते हैं तो डीनेचर करके देने लगे उनको खराब करके ताकि ये बेच ना सके वना लोग क्या बेच के घटक के पी रहे हैं सो रहे हैं गिर रहे हैं ठीक उसके साथ आप डालेंगे मीथेनॉल पायरेडीन या कॉपर सल्फेट ये बेसिकली पॉइजनस सबस्टांसेस होते हैं क्या है ये पॉइजनस सबस्टांसेस हैं जहरीले सब्सटेंसेस इनकी वजह से यह फिट नहीं है पीने के लिए और यह नीला कलर बताता है कि सुनो भैया पियोगे तो सो जाओगे फिर हम नहीं बताएंगे हम नहीं बचाएंगे इसलिए पीना मत नीले कलर की है मत पीना नीले कलर की हो सकती है दूसरी कोई डाई हो सकती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज की जाती है नीले कलर की डाई यूज की जाती है मान लो तुम्हारा मन नहीं माना और तुमने पी ली ऐसा भगवान ना करे कि तुम कभी करो मान लो तुमने पी ली रहा पीनी है पीनी है दारू मेरे को पीनी है जो नहीं करनी तुमको पर फिर भी तुम माने नहीं या कोई तुम्हारा ऐसा है जो जान पी पी गया मान लो पीली नहीं पीनी या किसी ने जबरदस्ती पिला दी है नहीं पीनी ना तो ये पीनी ना दारू पीनी कुछ नहीं पीना भैया मान लो किसी ने पीली तो क्या होगा सुनील भैया देखो पहला आंखों के अंदर एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व खत्म जय श्री राम ऑप्टिक नर्व विल गेट डैमेज तुम्हारी डैमेज हो जाएगी भैया आंखों के अंदर से जो सिग्नल भेजती है भेजे को खत्म खत्म दूसरा भैया अब ये ये जो है ना ये के साथ क्या होता है ये मिथेनॉल तुम्हारे लिवर में ऑक्सीडाइज हो जाता है ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है मैंने आपको बताया था कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है पार्शियल ऑक्सीडेशन है तो मिथेनॉल बनेगा तो मिथेनॉल जो है ये मिथेनॉल बन जाता है ये मिथेनॉल क्या करता है ये आपका कोगुलेशन करता है कोगुलेट्स प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल यह सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म है ना उसको कोगुलेट कर देता है अब पहले प्रोटोप्लाज्म क्या है वो समझो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है क्लास नाइन्थ में पढ़ा है क्लास टेंथ में पढ़ा है तुम्हारा साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनिज को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ठीक है तो इन सबको क्या कर देता है कोगुलेट कर देता है कोगुलेट करने का मतलब क्या हुआ एक तरीके से तुमने अंडा देखा है अंडा देखा है अंडे को फ्राई करते तो कैसे एकदम सॉलिड बन जाता है क्वागुलेशन हो गया तुम्हारी हाथों से खून निकल रहा होता है तुम क्या करते हो फिटकरी लगाते हो क्वागुलेशन की वजह से वो बंद हो जाता है फिटकरी में चार्ज पार्टिकल्स है तुम्हारे ब्लड में चार्ज पार्टिकल्स है नेगेटिवली चार्ज फ्यूज करते हैं चार्ज लूज करते हैं बड़े पार्टिकल्स और खून रोक देते हैं समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात क्लियर है सबको ये बात हाँ जी भैया तो ये अगर तुमने डी नेचर्ड एल्कोहॉल पी लिया तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये पॉइजनस है दूसरी बात मिथेनॉल जो है लिवर में मिथेनॉल बन जाती है ऑक्सीडाइज होके और ये जो है ये क्वागलेट कर देती है तुम्हारे सेल के प्रोटोप्लाज्म को ठीक है यानी तुम्हारा साइटोप्लाज्म प्लस सेल जो है यह उसको क्वागलेट कर देगी सेल को जमा देगी कॉन्टेंट्स को समझ रहे हो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है समझ रहे हो हानिकारक ही हानिकारक है इसीलिए घटकना मत इसको गलती से भी चलो आगे चलते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आ जाओ इससे सवाल बनने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इससे एक सवाल आया जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया ठीक है आइए 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 दोस्तों मेरे आ जाओ फटाफट से इसको समझते हैं देखो इथेनॉल ठीक अब इथेनॉल को अगर तुम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में चार सौ या जिसको 170 डिग्री सेल्सियस बोलते हो उसकी प्रेजेंस में हीट कर दो है? क्या होता है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इसको तुम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो तो होगा क्या इसके अंदर जो पानी है पानी अब पानी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की दीवानी है सल्फ्यूरिक एसिड घटक के खींच के बाहर निकाल देगा तोड़ता ये केमिकली किसी चीज से पानी तोड़ के निकालता है कुछ और बना देगा अब इसमें से पानी निकलेगा तो क्या होगा बेसिकली मैं ऐसे निकाल रहा हूं इसको अगर मैं लॉजिकली तोड़ के दिखाऊं आपको तो किस प्रकार निकलेगा आप उसको भी समझिए अगर ये आपके पास है सी एच थ्री ठीक है और ये आपके पास है सी एच टू ओ एच ठीक है अब देखिए कैसे निकलेगा इसको थोड़ा सा समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इस चीज को ठीक है ठीक अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से निकलता है ओ OH एच और यहां से निकलता है एच यहां से निकलता है ओ OH एच और यहां से निकलता है एच यानी एक तरीके से निकला यहां से पानी तो क्या बचा मेरे दोस्तों सी एच सी एच सी एच टू और सी एच टू एक बॉन्ड तो था ही अब ये जो एक बॉन्ड टूटेगा ध्यान से देखना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे समझ रहे हो यहां से ओ एच और यहां से एच यहां से ओ एच और यहां से एच यहां से ओ एच और यहां से एच तो ये निकला यहां से क्या यहां से निकला बेसिकली केमिकली वाटर को बाहर निकाल दिया एच टू बाहर आ गया है इसका नाम क्या है इसका नाम है बेसिकली हमारे पास इथीन ठीक है अब ये रिएक्शन किस रिएक्शन का टाइप है ये भी समझ लीजिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं और ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो ये रिएक्शन करवा रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो ये डिफरेंस अगर आ गया ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो ये बताइएगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकली वॉटर को तोड़ के बाहर निकालता है ड्राइंग एजेंट तो सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करता है जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्सॉर्ब करता है किसी चीज से तोड़ता नहीं है वो पानी को ये तो तोड़ के कुछ और ही बना दे रहा है बना दे रहा है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताऊं तो वन इस टू टू का मिक्सचर होता है इथेनॉल वन और ट्वाइस जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का मिट्टी का इस्तेमाल भी होता है एनोएस का इस्तेमाल भी होता है अलग अलग चीजों के लिए क्योंकि जो गैसेस निकलती है उसमें इथिन होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है सल्फर डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए एनोएच होता है और फिर प्योर इथिन मिलता है लंबा बढ़िया प्रोसेस है इसी में हम और डिटेल में पढ़ाते हैं बट आई होप यहां तक आपको समझ में तो आ गया कि पानी निकल गया इथेनॉल को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चार सौ तिरत्तर चार सौ तिरयालीस कैलोविन एक सौ सत्तर डिग्री सेल्सियस में हीट किया डिहाइड्रेशन हो गया पानी निकला इथिन बन गया काम खत्म ठीक है अरे वाई सिल्वर बिकम आफ्टर टाइम भैया ये पहले चैप्टर का और तीसरे चैप्टर का सवाल है। अभी थोड़ी पूछना है यहां पे फोकस करिए रिएक्शन में देने पे फोकस करते हैं यहां पे इस पे फोकस करते हैं रिएक्शन में देने पे आ जाओ अब इथेनॉल और सोडियम की रिएक्शन हो जाए तो यानी कि सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एन ए तो क्या होगा सोडियम जो है इससे ज्यादा रिएक्टिव है ओ बाबू लोग इधर देखो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा बाबू हां 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 सुनील भैया बिल्कुल 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 कर देगा बिल्कुल कर देगा कर देगा ना क्या बनाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एन ए प्लस हाइड्रोजन गैस इसका नाम क्या है इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड क्या नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड अच्छा इसको बैलेंस भी कर लो दो हाइड्रोजन है यहां पे एक हाइड्रोजन है दो लगा दिया सीएस थ्री सी एस टू वो दो हो गया सी एस थ्री सी एस टू वो हो गया एन ए दो हो गया तो एन एस तो तरीके से ही हो गई, बैलेंस। तो, अगर इसकी इसके साथ हो रही है, तो एक किस प्रकार की रिएक्शन होगी अगर ये पहली डिहाइड्रेशन है तो दूसरी किस प्रकार की होगी यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिसमें सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी सो दिस इज एन एक्साम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिस इज एन एक्साम्पल ऑफ अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मान लो कि अगर मैं इसको जलाता हूं तीसरी रिएक्शन कंबशन मैं जला रहा हूं ऑक्सीजन की कंबशन कंबशन रिएक्शन इसको जलाते हैं तो क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस ओ टू विल गिव्स मेरे दोस्तों सीओ टू प्लस एच टू ओ प्लस हीट प्लस लाइट ठीक है तो इसको अगर अपन बेसिकली बैलेंस करना चाहे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा ये बेसिकली हमारे पास अगर मैं करता हूं तीन और दो छत तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा दो और एक तीन तो ये हो जाएगा दो चार और तीन बेसिकली सात है ना तीन और दो छत दो और दो चार तीन चार और तीन सात ये हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स ये हो जाएगा दो पांच और एक बिल्कुल बैलेंस हो गई रिएक्शन तो इस प्रकार से जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट और लाइट जो होगी वो बेसिकली ब्लू कलर की फ्लेम की होगी बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये कैसा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सैच्यटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये जब जलेगा तो क्या होगा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो तो CO2 और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई तो H2O साथ में हीट साथ में लाइट निकलेगी लाइट बेसिकली ब्लू कलर की होगी और ये रिएक्शन तो आई थिंक मैं आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चुका हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो अगर आपके पास सी एस थ्री सी एस टू ओ एच एम्प्लीट ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो जब आप इनके साथ इसको क्या करेंगे हीट करेंगी बेटा तो ये क्या करेगा नेसेंट ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स देगा आपको है ना दो एटम्स देगा नेसेंट ऑक्सीजन के ये तो ये क्या करेंगे भैया इस H2 को डिस्प्लेस करवा दो यहां से सी एच थ्री सी एच एच टू ये एक ऑक्सीजन यहां आ गया है और ये एक ऑक्सीजन यहां आ गया है तो ये आ गया ये यहां पे आ गया प्लस एच टू और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो ये रहा तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा इथे नोक एसिड समझ में आ गई बात अरे क्लियर है क्या बाबू लोग समझ में आ रही है बात 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 हाँ जी 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 समझ में आ रही है बात चलो ठीक है बहुत बढ़िया तो ये चार तरीके की रिएक्शन होती केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल को रिप्रेजेंट करती है समझ में आया क्लियर है आगे चलेंगे फटाफट से अब यूजेस ऑफ इथेनॉल फटाफट से देखेंगे जल्दी जल्दी यूजेस ऑफ इथेनॉल देखेंगे सबसे पहला यूज रेक्टिफाइड स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या करती है इट किल्स जर्म्स ऑन लिविंग सर्फेसिस यानी एक तरीके से ये एंटीसेप्टिक है जैसे कि क्लोरीन डिस होता है जर्म्स मारती वो भी है लेकिन नॉन लिविंग सर्फेसिस पे जैसे पानी में अगर हमारी बॉडी के टिश्यूज पे जर्म्स को कोई मार रहा है तो उसको कहेंगे एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल है ना यह सब तो रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने के काम में ये आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट इज फाइव परसेंट इज नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ वाटर इसको बनाने के काम में आता है दूसरा ये बेसिकली पेंट बनाने, बनाने, तो तो बनाने के काम में आता है वार्निश मेडिसिन परफ्यूम डाई सोप इनको बनाने काम में आता है वार्निश क्या होती है बेसिकली एक पॉलिश होती है क्या होती है पॉलिश होती है तो लकड़ी होती है ना लकड़ी उसको पॉलिश करने के लिए वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है तो इन सबको बनाने के काम में आता है तो ये पहला यूज हो गया ये दूसरा यूज हो गया तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आपके एल्कोहलिक ड्रिंक्स कौन कौन सी जैसे कि आपका बियर शैंपेन ठीक है एक्सेट्रा अब ये जो ड्रिंक्स होती है इसमें अलग अलग टाइप में आपका इथेनॉल प्रेजेंट होता है किसी में सात होता है किसी में दस होता है है ना इस प्रकार से ये सेल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक एक्टिव एक इंग्रेडिएंट माना जाता है तो पहला रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाने के लिए दूसरा पेंट वर्नेज मेडिसिन परफ्यूम डाई सो बनाने के लिए तीसरा एक्टिव इंग्रीडियंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स चौथा पावर एल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एल्कोहल पावर एल्कोहल जिसको बोलते हैं ब्लेंडेड पेट्रोल भारत में भी आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है ब्लैंडेड पेट्रोल और यह बेसिकली क्या होता है यह होता है E5 फाइव टू ई क्या मतलब है इसका E5 का मतलब है कि पांच परसेंट इथेनॉल और 95 परसेंट पेट्रोल और E100 का मतलब है कि सौ परसेंट इथेनॉल पर गाड़ी को चलाना ठीक लेकिन इसको यूज क्यों कर रहे हैं इथेनॉल को यूज क्यों कर रहे हैं अगर आप देखेंगे इथेनॉल को यूज क्यों कर रहे हैं तो जब आप इसको जलाते हैं तो ये सिर्फ सीओ टू रेस्ट निकालता है पेट्रोल को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी निकालता है तो ये क्या है ये क्लीनर फ्यूल है आपका क्या है ये ये बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये क्लीनर फ्यूल है क्लीनर फ्यूल क्यों इट प्रोड्यूस सीओ टू एंड एच टू ओन जलने पे सिर्फ CO2 और H2O ही निकालता है लेकिन बेटा अगर ये आपका पेट्रोल होता तो ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड सल्फर भी निकालता नाइट्रोजन सल्फर कार्बन तीनों निकलते हैं एसिड रेन होती इसीलिए साफ माना जाता है पर क्या ये आपस में घुल जाते हैं तो इसके लिए एक तीसरे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है अगर आपको मिक्स करना है तो बेंजीन इज यूज्ड यानी इन दोनों को घोल के रखने के लिए बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल और इथेनॉल को घोलने के लिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अब देखिए अरे दारू पीने से क्या दिक्कत होती है अरे हमें बता दो हुँ, 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 हुँ। क्या दिक्कत होती है भैया देखो आओ तुमको बताएं आओ बताएं तुम्हें दारू के नखरे इसीलिए कभी दारू मत पीना ये सस्ते नशे हैं बेटा सस्ते नशे सस्ते नशे सस्ते नशे नशे करने हैं तो मेडिटेशन के करो भक्ति के करो चलो आ जाओ आओ दिखाएं तुम्हें थोड़े सस्ते नशे अब देखो जब ये पी लेते हैं तो इंसान को दिखना बंद हो जाता है धुंधला धुंधला दिखता होता है ऐसे करते हैं ना लोग उल्टा-पुल्टा जाकर गिर जाते हैं स्लर्ड स्पीच यानी पुअर प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड्स पुअर प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं ना ए <laughs> लेके आ यस स्लट स्पीच मैं बोल <laughs> अपने लेकिन अपने लोगों को देख के बहुत मजे लिए तो ऐसे बोलते स्पीच बोल मेरा आवाज नहीं आ रही पुअर प्रने, ही नहीं पा रहे अब बोलेंगे सुनिए। ऐसे बोलते हैं है ना? पिक्चर में रहे हो होते हैं ब्लड विजन होता है कुछ दिख नहीं लगे भैया 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 सॉरी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे रिड्यूस परसेप्शन ये तो अपन ने देखा है एक मालिक एक बार अपने यहां पे बढ़िया होली का माहौल चल रहा है मालिक एकदम दारू और गाड़ी चला बो एक्सीडेंट हो गया उछल गाड़ी पड़ी नीचे उंगली गायब अपन उनको उठाकर बिठा है लोग सब बीटा है मालिक को बोले उंगली नहीं है दर्द तो नहीं हो रहा क्योंकि दारू पिए थे पता ही नहीं चल रहा ऐसे ऐसे कर रहा दर्द तो नहीं हो रहा है हमें सुबह होगा अभी नहीं होगा सुबह होगा सुबह रिड्यूज परसेप्शन दर्द होना बंद हो जाता है आदमी को आदमी अपना आपा खो देता है इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज ब्लड प्रेशर आपका स्ट्रेस जो है किडनीज के ऊपर बढ़ जाता है ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है लीवर को डैमेज कर देती है कौन सी मूवी थी शराबी पिक्चर थी ना जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है हाँ लीवर किडनी में से एक चीज डैमेज होती है वॉमिटिंग उल्टी आती है देखिए आप बहुत लोगों को देखिए अपने दोस्त है कुछ कॉलेज में कह रहे यार सुनील यार पीते हमें अपन तो पीते नहीं अपने को नशे नहीं अपने को भक्ति का नशा है भैया अपन ये सब नशे नहीं करते सस्ते नशे नहीं करते जो क्या करते हैं वो तो पी लेते लेते खूब खा फिर फिर उल्टी कहते भैया जन्नत मिलती है जो अपन कहते थे यार उल्टी करके क्या जन्नत मिलती है क्या मजा आता है ओके चलो मजे ले लो भैया इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड द रैपिड हीट लॉस उसके बाद सातवा रेड्यूज इनहिबिटर्स यानी कंट्रोल ऑन लेस कंट्रोल ऑन सेक्सुअल डिजायर्स लेस कंट्रोल ऑन सेक्सुअल डिजायर्स आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते इंसान खुद को नहीं रोक पाता ठीक है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो ये दारू के बहुत सारे डिसएडवांटेज और जो पीते हैं फिर उनको हम क्या बोलते हैं उस बीमारी को हम कहते हैं एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या इस कंडीशन का एक और नाम है ड्रंकीनेस ठीक है तो हमेशा सोबर बन के रहिए भैया सोबर बच्चा समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो क्लियर है भाई मजा आ रहा है क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया 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 ओके 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 ओके, ओके भैया 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 ओके ओके चलो समझ में आ रहा है चलो फुल मजे हैं जीवन में चलो आगे चलते हैं। बढ़िया मजा आ रहा है क्लियर है बहुत बढ़िया अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड की दुनिया में भी चल लेते हैं क्या होता है ये तो सबसे पहले समझिए इथेनोइक एसिड का इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम जो है या जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रिवियल नेम पुराने जमाने में जो लोग यूज करते थे या ऐसा बोल सकते हैं जो आम जनता को समझ में आने वाला नाम है वो बेसिकली क्या है वो है एसिटिक एसिड क्या बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड ये कौन सा नाम है ये बेसिकली नेम है। अब यहां पे एक टॉर्म एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या बोल रहा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो जब आपके एसिटिक एसिड को आप सत्रह डिग्री इसका क्या था ये सत्रह डिग्री आपका मेल्टिंग या बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट था मेल्टिंग पॉइंट या बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट था तो ये सत्रह डिग्री सेल्सियस से अगर इसका टेम्परेचर इससे नीचे हो जाएगा तो ये ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स बना लेता है कैसे ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स बना लेता है एंड नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड बात को मेरी समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरी बात को अच्छे से समझिएगा मैं कह रहा हूं अगर एसिटिक एसिड को सत्रह डिग्री सेल्सियस से नीचे का अगर टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स बना लेगा एंड इस चीज को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड बहुत बढ़िया अब आ जाओ इस सवाल का आंसर करना ये बेसिकली पहला वाला सत्य है ये दूसरा वाला सत्य है उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस और काम खत्म ये भी हो जाएगा ओवर उसके बाद हमारा बस एक टॉपिक बचेगा बढ़िया मस्त ब्रेक लेंगे अपन लोग फिर चालू करेंगे अभी टाइम लगेगा भैया अभी हो रहा है पंद्रह मिनट और लगेगा अपन ये पढ़ेंगे पांच मिनट का ब्रेक साढ़े आठ बजे तक लगभग अगर स्टार्ट करते हैं तो साढ़े आठ से अपन लेके चलेंगे इसको भैया साढ़े आठ से दस बजे तक ले लेंगे ठीक है साढ़े नौ तक ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बताओ 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 जल्दी 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 ठीक है बहुत बढ़िया अब देखो एसिटिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है एसिडिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू और ब्लू लिटमस टू रेड रेड लिटमस टू ब्लू या ब्लू लिटमस टू रेड अब देखो ध्यान से देखो अब तुमने पढ़ा है अगर अच्छे से तुम्हें पता होगा कि एसिटिक एसिड जो है ये तो एसिडिक है और अगर रेड लिटमस की बात की जाए तो रेड लिटमस तो बनता ही कैसे है या ब्लू लिटमस की बात की जाए तो कैसे बनता है याद है जब तुम लिटमस में एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रेड लिटमस सोल्यूशन बनता है उसमें पेपर को डिप करके सुखाने रखो एसिडिक नेचर का ही हुआ ऐसे ही लिटमस में बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दो ब्लू लिटमस बनता है पेपर को डिप करके सुखाने रखो ब्लू लिटमस बन जाएगा बहुत बढ़िया अब देखो रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस ये ऑलरेडी एसिडिक है ये आपका क्या है ये आपका बेसिक है ठीक है अब ध्यान से देखना अगर रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो नो चेंज कोई चेंज नहीं आएगा और अगर ब्लू लिटमस को डालोगे एसिडिक है इसको चेंज कर देगा ब्लू टू रेड कर देगा ब्लू लिटमस टू रेड कर देगा क्या कर देगा ब्लू लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देगा ठीक तो ब्लू लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देगा तो दिस विल हैपन नॉट दिस क्लियर है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न ऑन कर देगा चलो बढ़िया है ये बच्चा कह रहे हैं हैप्पी मेरिज एनिवर्सरी भैया यहां बिया नहीं हुआ अपना किधर चल रहे हो आप कौन से पीलेनेट से आए हो क्या आप फ्यूचर से आए थे क्या तो बता दो मैडम का नाम क्या है बढ़िया बढ़िया फ्यूचर से आए थे बता दो आज ही के दिन ब्याह हुआ मेरा आज कौन सी डेट है नोट कर लो आज के दिन ब्याह हुआ मेरा ये भैया फ्यूचर से आए हैं बताना मैडम का नाम क्या छोटे बालक वालक भी हैं क्या रे मेरे है छोटे बालक वालक हैं क्या बताना एक बार छोटे बालक वालक हैं कितने हैं ओ हो जो फ्यूचर से आए हो मेरे जेनिवर्सरी क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये देखो ये एक आगे कह रहा नो वॉइस ए भैया अपन स्पेमिंग में फंसते नहीं है समझ में आई ये अपन ने इतना बढ़िया माइक लगा रखा है ये नो वॉइस ओ हो हो कुछ भी कुछ भी है कुछ भी चल रहा है क्या जीवन में रे जल्दी केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे दोस्तों इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों चिल्ड्रन ओ हो 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 क्रिकेट की टीम बना लेते हैं ग्यारह लोग की ग्यारह लोग की बना ग्यारह लोग की टीम बना लेते हैं ग्यारह बारह लोगों की बढ़िया क्रिकेट की टीम बनाएंगे अपन एकदम मस्त क्या सुनीलोलॉजी की टीम है ये सुनीलोलॉजी बहुत बढ़िया क्यों इतने सारे बालक भटक रहे इधर उधर है देश का क्या होगा अगर हम इतने बच्चे पैदा कर देंगे तो है किसी बातें करते हो रे यार बातें करते हो रिएक्शन विद मेटल्स अब अगर एसिटिक एसिड की सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस एन ए अब ये एसिटेट आयन है ये एसिटेट आयन है अब यहां पे हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन को किक मारेगा और क्या बना देगा सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है इसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे, तो दो हाइड्रोजन है तो आप दो हाइड्रोजन लगा दीजिए सी एच थ्री सी डब्लो ट्वाइस हो गया सी एस थ्री सी डब्लू ट्वाइस हो गया सोडियम भी ट्वाइस हो जाएगा इस प्रकार ये बैलेंस हो जाएगी इसका नाम हो जाएगा सोडियम और ये एसिटेट है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेट क्या नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेट नाम हो जाएगा कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन गैस निकली कैसे टेस्ट करोगे स्क्वीकी पॉप कैसे स्क्वीकी पॉप साउंड से बंद करेगी एनसीआरटी की एक्टिविटी कवर हो गई तुम्हारी स्क्वीकी पॉप साउंड से बंद करेगी क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सर डेटोनेटिंग है फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था धमाका होता है छोटा यह पहली रिएक्शन हो गई बाबू रिएक्शन विद मेटल्स किस प्रकार की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको डिस्प्लेस कर रहा है दूसरी रिएक्शन में फोकस करते हैं रिएक्शन विद सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस एन एच तो अभी यहां पे क्या होगा ये कटायन ये अनायन ये अनायन ये कटायन कटायन अनायन का एक्सचेंज करवा लेते हैं कटायन अनायन का एक्सचेंज करवा लेते हैं ये कटायन इसके साथ ये इसके साथ तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस ओ एच और एच मिला के दे देगा एच टू ओ तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा ओ भाई ठीक है मजे ले लिए क्या अपन ने? ओ मजे ले लिए भैया अपन ने अपन ने मिटा दिया किलेपिंग फॉर सुनील भैया की सुनील भैया ने ओपी कर दिया इसको बहुत बढ़िया सुनील भैया क्या बात है क्या आदमी हो यार आप पीछे का तो नहीं उड़ाया एक मिनट कीप कर लेते भैया पीछे का तो नहीं उड़ा दिया नहीं 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 ओपी तो है यार अपन यार मजा आ गया ओपी आदमी अपन खुद के लिए खुद ही तकलीफें कड़ी करते हैं बहुत बढ़िया है सुनील भी आया यार कोई बात नहीं दोस्तों आयो फिर से लिखेंगे तकलीफों का नाम है जिंदगी क्या बात है भैया क्या बात है इसको लेके जाओ इसको लेके जाओ अरे भैया तुम्हारा कलर को क्या हो गया ये? है हैं ओ भैया कलर को क्या हो गया है तुम्हारे सीएस थ्री सी डब्ल्यू एन ए ओके दोस्तों ओके भैया बैलेंस कर दो ना यार ये दो लगा दिए ये, ये दो हो गया ये दो हो गया ये दो हो गया सोडियम सोडियम एसिटेट है दोस्तों ये, क्या नाम है इसका सोडियम एसिटेट क्या मजे ले रहे थे यार तुम तो यार हमारे ऐसे ये से मजे नहीं लेने थे यार बहुत दर्द होता है पता नहीं तुमको सी एच थ्री सी डबल दोस्तों बेस कौन सा दोस्तों एन एच okay. ओके वो के कटायन और अनायन और ये आपका अनायन और ये कटायन दोस्तों ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबलओ एन ए प्लस ए एच टू ओ कैसी रिएक्शन है दोस्तों अरे दोस्तों कैसी रिएक्शन है रे ओ प्यारे बच्चों कैसी रिएक्शन है बताना एक बार क्यों भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है न्यूट्रलाइज कर दिया आपने इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट है पहले चैप्टर में पढ़ाया था हमको तो याद है और ये कौन सी है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट है रिविजन हो गया कि नहीं वाह कौन सा है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट ये इसको उतारा है यहां से ओके 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 ये देखो ये बहुत बढ़िया तीसरी रिएक्शन आ जाओ एसिडिक एसिड लाना सी एच थ्री सी डबल प्लस कार्बोनेट बाई कार्बोनेट तो भैया अपन ले लेते हैं अपन ने इस एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कुछ बच्चे याद कर पा रहे होंगे ये बेसिकली आपका अनायन ये आपका कटायन कटायन अनायन चेंज करो भैया कटायन को अनायन के साथ कटायन को अनायन के साथ कटायन अनायन एक्सचेंज याद है कटायन अनायन के साथ कटायन अनायन के साथ हाँ जी भैया सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस सी एच थ्री सी प्लस एच टू सीओ थ्री और एच टू सीओ थ्री में क्या होगा ये होगा एच टू ओ प्लस सीओ टू तो कार्बोनिक एसिड आपका डिसोसिएट होता है एच टू ओ एंड सीओ टू ठीक है तो ये आपकी किस तरीके की रिएक्शन हो गई ये आपकी हो गई गैस फॉर्मिंग रिएक्शन इसके अंदर एक गैस बनती है और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन भी किसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है आपने देखा होगा मैंने कटाइन को एक्सचेंज करवाया यहां पे क्या करवाया बेटा कटायन को एक्सचेंज करवाया ये अनायन इस करवायान के साथ ये अनायन इस कटाइन के साथ ये प्रोडक्ट बन गए सोडियम एसिड प्लस कार्बोनिक एसिड टूटेगा का एस प्लस यू के अंदर समझ में आ गई बात क्लियर हो रही बात ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगला यूजेज ऑफ इथेनोइक एसिड सबसे आसान यूज क्या है इसका फाइबर बनाता है सेलुलोज एसिटेट का कौन सा सेलुलोज एसिटेट रेयन के क्रिएशन में इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका इथेनोइक एसिड का दूसरा किसके फॉर्मेशन में यूज टू मैन्युफैक्चर आपका एसीटोन, आपका ईस्टर अभी ईस्टर अपन पढ़ेंगे एसीटोन ईस्टर डाइज एंड प्लास्टिक बनाने के काम में आता है और और क्या होगा भाई सबसे पहला विनेगर बनाने के काम में आता है ठीक है यूज टू मैन्युफैक्चर विनेगर विनेगर क्या होता है ये भी समझते हैं यूज टू प्रोड्यूस विनेगर क्या होता है विनेगर हिंदी में कहते हैं घर वाले सुनिएगा सिरका क्या बोलते हैं सिरका सिरका गिरा रे बरेली के बाजार में सिरका गिरा सिरका गिरा सिरका गिरा हाय 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 अरे सिरका गिरा रे बरेली के बाजार में इसके बाद भी दे देंगे ना रे सुनील भैया की हालत सोचो गले खत्म हो गया कोई बात नहीं होता है जीवन है चलना है मजा आ रहा है पढ़ाएंगे विनेगर क्या होता है फाइव टू एट परसेंट सल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर यानी कि इसका सरल सा मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए पांच एम आपने एसिटिक एसिड डाला तो पिचानवे एम आप पानी डालेंगे इसका यह सरल सा मतलब है कि अगर मान लीजिए यह विनेगर है तो इस विनेगर में पिचानवे एम एल वॉटर होगा और इसके अंदर पांच एम एल एसिटिक एसिड होगा ठीक है यह इसका सरल सा भावार्थ है पिचानवे एम एल पानी होगा पांच परसेंट यानी पांच एम एल एसिटिक एसिड होगा इस डाइल्यूटेड फॉर्मेट को विनेगर यानी हिंदी में सिरका कहते हैं और यह किस तरीके से काम आता है यूज एज अ प्रिजर्वेटिव खाने की चीजों को खराब होने से बचाता है किसमें जैसे कि आपका हो गए पिकल्स जैसे कि आपका हो गया सॉस तो इनके अंदर ये क्या करता है इसको बचाता है आई होप आपको ये बात यहां पे समझ में आ गई यूज ऑफ इथनॉइक एसिड समझ में आ गया क्या Uses of समझ में आ गए क्या यूजेस में आ गए Uses of समझ में आ गए हाँ जी भैया बहुत बढ़िया तो बस अब एक बार लिख दो यहाँ पे आए भैया और पांच मिनट का ब्रेक लेंगे लास्ट टॉपिक बचा है खत्म करके लेके प्रभु का नाम बोलेंगे जय श्री राम जिसको भी आपको अच्छा लगता है उसको तो नाम ले लीजिएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आए आए के साथ लगाएंगे लव और फिर पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक पांच मिनट का ले लेंगे बढ़िया या दस मिनट का ले ले लास्ट टॉपिक बचा है बढ़िया से निपटा देंगे आठ पंद्रह आठ दस हो रही है आठ बीस पे वापस आते हैं और बढ़िया से इस टॉपिक को निपटाएंगे अच्छा पांच मिनट हम लिख दिया क्या इसको दस मिनट कर देते हैं रुको इसको टेन मिनट कर देते हैं ताकि आप लोग खाना खा सके आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं मैं तो खाना नहीं खाऊंगा वरना पढ़ा नहीं पाऊंगा पर आप लोग खा लीजिए दस मिनट का समय देता हूं थोड़ा ज्यादा कम खाइएगा ज्यादा मत खाना लाइटर होता है नाइट की मील तो दस मिनट इसलिए हूँ ताकि खाके आ जाओ है ना वैसे मुझे पता है कम है कोशिश करना दस मिनट में आ जाओ फिर अपन अपनिफिकेशन स्टार्ट करेंगे है ना तो दस मिनट का टाइम है तुम्हारे पास बढ़िया से एकदम मजे ले लो दस मिनट के बाद मिलेंगे बढ़िया मजे ले लेंगे एकदम ठीक है चलो आ भाई आ गए क्या सारे के सारे हो गया खाना वाना खा लिया कुछ खाया चलो चालू करते हैं भाई <coughs> हो गया क्या आ गए सारे के सारे जल्दी से बता दो चलो चलो चालू करते हैं फिकेशन सेपोनिफिकेशन एंड सोप एक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने बढ़िया से इस लेक्चर को अब ठीक है आई होप आप लोग सब तैयार हो क्या है रेडी हो क्या है खाना वाना खा क्या है बढ़िया है ना ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो सबसे पहले ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है सिंपल सी बात है इससे आप बेसिकली ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे ईस्टर फॉर्मेशन होगा ठीक है किसकी फॉर्मेशन होगी ईस्टर की फॉर्मेशन होगी हो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह समझना है कि आपको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करना है ध्यान से देखिए मैंने यहां पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपके कोर्स वाला ही ईस्टरीफिकेशन आपको पढ़ा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है ध्यान से देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है ध्यान से सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे जल्दी 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 फटाफट से देखेंगे यहां पे सारे के सारे आ जाएंगे तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हम लोग ईस्टर्न का फॉर्मेशन करते हैं अब यहां कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमारे पास क्या है एल्कोहल ठीक है एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आपका बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज नथिंग बट हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ठीक है ना अब आप इसको क्या करते हो हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट किसके प्रेजेंस में एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में जिसमें आप एच का इस्तेमाल कर सकते हो एच का इस्तेमाल कर सकते हो एटसेट्रा ठीक है तो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है और एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है यहां से निकलता है ओ OH, और यहां से निकलता है आपका बेसिकली एच आपके हिसाब से यह मैकेनिज्म इतना ही काफी है ध्यान से सुनिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल आपने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट आपने इसको हीट किया यहां से निकलता है ओ OH, एच और यहां से निकलता है एच ये मिलके बनाते हैं एच टू ओ और बचावा यह जो सब्सटेंस है ये आपका कहलाता है क्या ये आपका कहलाता है ईस्टर क्या कहलाता है ईस्टर जिसके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप है आप देख रहे हैं ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं कार्बो एल्कोक्सी या कार्ब एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है क्या कहा जाता है एल्कोक्सी या कार्ब एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है कार्बो एल्कोक्सी या कार्ब एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है समझ में हाँ आ रही बात हां जी भैया तो से कार्बोक्सिल ग्रुप था यहां से गया, गया, से ये ये बनाया पानी और ये बना बेसिकली आपका ईस्टर समझे मेरे दोस्तों समझे ठीक है फाइन है तो ईस्टर्स को अगर मैं समर... समराइज करूं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ईस्टर्स क्या होते हैं स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं मतलब इनके अंदर बहुत मीठी फ्रेग्रेंस होती है एंड जो आपके फ्रेग्रेंस है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में दैट इज ऑल्सो मेजरली ड्यू टू ईस्टर्स तो ये जो आपकी फ्रूटी स्मेल आती है मीठी खुशबू आती है ये ईस्टर्स के अंदर होती है और यही आपके जो है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में यूज किए जाते हैं और आप जो डिओ लगाते हैं ऐसे उनमें भी खुशबू इन्हीं की वजह से आती है अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा एक और चीज अगर आप देखें यहां पे एरो कुछ इस प्रकार का ये रिएक्शन कंप्लीटली प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है है ना यहां पे कैटेलिस्ट की मदद भी ली जा रही है लेकिन तब भी नहीं बनेंगे तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती रहेगी है ना पूरा कन्वर्जन नहीं होगा प्रोडक्ट्स में आप ये समझिए ठीक है चलिए अब यहां पर अगर मैं लेता हूं मेरा अल्कोहल अल्कोहल और यहां लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है यहां पे मैं लेता हूं एल्कोहल ये और कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो ये तो क्या है ये है मेरे पास इथेनॉल और ये क्या है मेरे पास इथेनोइक एसिड ठीक है बहुत बढ़िया ये ए कुछ इस तरीके से होंगे ध्यान से देखिएगा यू अब आपने एस टू एसओ फोर का इस्तेमाल किया एसिड कैटेलिस्ट आपने इसको हीट कर दिया है ध्यान से सुनिए एल्कोहॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर कंसंट्रेटेड एस टू एसो फोर या कोई कटेलिस्ट के प्रेजेंस में लेके आप हीट करेंगे तो ये आपको ईस्टर के देगा साथ में वाटर अब यहां से क्या निकलना चाहिए ध्यान से देखिएगा यहां से निकलेगा आपका ओ OH, एच और यहां से निकलेगा आपका एच जो मिलके क्या बना देंगे ये मिलके बना देंगे H2O और बाकी बचा हुआ जो आपके पास है दैट इज CH3CO C2H5O ये देखिए सी एच थ्री सी डबल ओ है ना सी एच थ्री सी ओ ये रहा ध्यान से देखिए यहां से देखिए देखिए ये देखिए ये, ये, रहा सी एच थ्री सी ओ और उसके बाद ओ सी टू एच फाइव ओ ये रहा तो ये आपका कहलाता है ईस्टर क्या बोलते हैं इसको दोस्तों इसको बोलते हैं ईस्टर समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया हाँ जी भैया अब इसका नाम कैसे लिखते हैं इसका नाम लिखने का तरीका होता है एल्काइल एल्केनोएट ऐसे इसका नाम लिखते हैं मतलब एल्काइल क्या है जो ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप होगा इस तरफ इसको एल्काइल ग्रुप कहेंगे है ना सी टू एच फाइव तो क्या नाम हो जाएगा इथाइल देन है एलकेन यानी कि कितने कार्बन है यहां पे यहां पे दो कार्बन है तो बेसिकली लिखेंगे एथ प्लस प्राइमरी सफिक्स एन प्लस सेकेंडरी सफिक्स ओ ए टी ई उसके बाद E के बाद आ रहा है ओ इसको कट कर देंगे इसका फाइनल नाम क्या बन जाएगा इथाइल इथाइल इथेनोएट क्या बन जाएगा इथाइल इथेनोएट ठीक है समझ में आ गया आप इसको विदाउट स्पेस भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इथाइल इथेनोएट को विदाउट स्पेस भी लिख सकते हैं ठीक है क्या मैंने आपको समझा दी ये बात क्या मैंने आपको यह बात क्लियर करवा दी है सारे बच्चों को क्या मैं क्लियर करवा पा रहा हूं एम आई एबल टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ये आपका ईस्टर बन गया एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेटेड लीजिए एंड देन आप बेसिकली इसको हीट कर दीजिए इट विल गिव यू ईस्टर एंड वाटर आई होप आपको ये बात समझ में आ गई आई होप मैंने आपको यह समझा दिया अब देखिए लेबोरेटरी में आपको कैसे प्रिपेयर करना है अगर आपको इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से आप करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ठीक है क्या करेंगे ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात हो रही है बहुत बढ़िया अब देखिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा अगेन आप यहां पे क्या दे रहे हैं आप यहां पे वाटर बात दे रहे हैं क्या दे रहे हैं वाटर बात क्योंकि अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर आग लग जाए इसलिए हम इनडायरेक्ट हीटिंग देते हैं थ्रू द वॉटर अब यहां पे क्या है भैया हमारे पास यहां पे इथेनॉल है इथेनॉल में तो आग लग जाएगी ना इसी को बचाने के लिए हमने क्या करा इसको वाटर वॉटरबाद दे रहे हैं। तो क्या क्या लिया आपने इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान से देखिए इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड यहां पे क्या था इथेनॉल और इथेनोक एसिड यानी एसिटिक एसिड था तो इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है ये रह ये रहा मिक्सचर ये रहा ये तीनों को आपने लिया है और आपने इसको वाटर वॉटरबाद दिया आपने गर्म किया मैंने आपको बोला इथेनॉल इथोनॉक एसिड एसिड कैटेलिस्ट और हीट थिन कैसे डटेलिस्ट और हीट दे दिया हा अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप इस मिक्सचर को बाहर निकाल के पानी में डालते हैं अगर आप इस मिक्सचर को बाहर निकाल के अगर आप इस मिक्सचर को बाहर निकाल के और वाटर में डालते हैं किस में डालते हैं वाटर में डालते हैं ये रहा वाटर वाटर में डालते हैं इस मिक्सचर को बाहर निकाल के अगर आप वाटर में डालते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा यहां पर आपको मिलेगी एक फ्रूटी स्मेल मिलेगी क्या मिलेगी एक फ्रूटी स्मेल मिलेगी और वो फ्रूटी स्मेल और किसी चीज की नहीं बल्कि वो किसकी है वो ईस्टर की है समझ में आया तो दिस इज हाउ एन ईस्टर इज फॉर्मड दिस इज हाउ एन ईस्टर इज फॉर्म्ड ये इस तरीके से एक ईस्टर का निर्माण होता है ठीक है तो यहां पे आपको एक फ्रूटी स्मेल आने लगेगी आपने पानी में डाल दिया इसका फ्रूटी स्मेल आएगी ईस्टर की स्मेल आ रही है ठीक है ना अगर आप यहां डाल देंगे तो फ्रूटी स्मेल आपको ठीक है समझ में आ गई बात अब देखो ईस्टर क्या है ईस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स परफ्यूम्स बनाने के काम में आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने के काम में आते हैं। तुम जो आइसक्रीम में घटकते हो है ना ये जो परफ्यूम लगाते हो इनके अंदर जो खुशबू आती है दैट इज बिकॉज ऑफ ईस्टर्स ईस्टर्स की वजह से खुशबू तुमको देखने के लिए मार्केट में मिलती है ठीक है ईस्टरिफिकेशन मैंने क्लियर करवा दिया सेपोनिफिकेशन की तरफ मूव करना चाहूंगा आ जाओ अब देखो यहां पे बहुत डीप टर्म लिखा हुआ है लिखा हुआ है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर यानी रिएक्शन बहुत सारे टर्म्स को क्लियर करूंगा हाइड्रोलिसिस हाइड्रो hydro, मतलब वॉटर की प्रेजेंस में किसी चीज को ब्रेकडाउन करना या किसी चीज को तोड़ना ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन यानी आपका बेसिक मीडियम इसकी क्या जरूरत है आपका ये जो ईस्टर है ना ये जो ईस्टर है इसका ये जो ग्रुप है, ये वाला, ये वाला, एल्कोक्सी है कौन सा ग्रुप है एल्कोक्सी ग्रुप है और ये बेसिकली बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूं लेकिन जरूरी है इसीलिए बता रहा हूं तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं एसिडिक या फिर बेसिकली एल्कलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं समझ रहे आप एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम इज यूज तो जब आप ईस्टर को तोड़ना चाहते हैं ईस्टर को तोड़ना चाहते हैं वाटर भी है तो एल्कोलाइन हाइड्रोलिसिस यानी कि आप बेसिक मीडियम दे रहे हैं क्योंकि ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये पुअर लिविंग ग्रुप है इसको हटाने के लिए एक्सिलरेट करने के लिए बेसिकली कि हटे आराम से आप एल्कोलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये तोड़ा जाता है तो ईस्टर को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड बेसिक मीडियम तोड़ा जाता है यूज टू मेक सोप्स साबुन बनाने के काम में आती है यूज टू मेक सोप्स साबुन बनाने के काम में आती है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन अब देखिए क्या होता है ध्यान से देखिएगा ये ईस्टर है आर डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो आर डैश इसको आपने एल्कलाइन मीडियम दे दिया ये पानी में डिजोल्व है बढ़िया से अब देखिए यहां से यह OH और यहां से यह आर डैश ओ मैंने आपको क्या बोला एल्कोक्सी ग्रुप को हटाना है एल्कोक्सी ग्रुप को हटाने के लिए एसिडिक और बेसिक मीडियम को यूज करें तो एल्कोक्सी ग्रुप और एच मिलके बेसिकली क्या बना देंगे मिलके बेसिकली बना देंगे आर डैश ओ एच प्लस ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए ठीक है ये आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव आर सी डबल ओ एन ए ये जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन है और ये पूरा का पूरा क्या है ये आपका पूरा का पूरा, पूरा कहलाता है क्या ये आपका कहलाता है सोप ठीक है यह और कुछ नहीं है यह आपका है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक क्लियर हो रही है बात तो यह सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ नहीं है यही आपका क्या है यही आपका साबुन होता है तो जब आप एल्कोलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करा रहे हैं मतलब पानी की प्रेजेंस पे तोड़ना विद द हेल्प ऑफ द बेसिक मीडियम क्योंकि ये ग्रुप टूटता नहीं है इसको तोड़ने के लिए एल्कोलाइन मीडियम हम डाल रहे हैं ईस्टर का तो ये हमारे पास ईस्टर था अग्री करते हैं आप ये हमारे पास ईस्टर था इसका ये ग्रुप ये ग्रुप अपन यहां से निकाला यहां से एच ये मिलकर बना देंगे एल्कोहल ठीक है और एल्कोहल के साथ इन्होंने बेसिकली क्या बनाया आर सी डबल बॉन्डो ओ एन ए कार्बोक्सिलेट आयन है इतना और यह पूरा क्या कहलाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अब मेरे को एक बात बताओ क्या यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है नहीं एल्कोहल बन रहा है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा तो जो लोग कहते हैं ना यह रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन है आप गलत बोल रहे हैं एल्कोलाइन हाइड्रोलिसिस इज नेवर द रिवर्स ऑफ इस्टरीफिकेशन इट इज एसिडिक हाइड्रोलिज ऑफ ईस्टर इज द रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन सेपोनिफिकेशन इज नेवर द रिवर्स ऑफ ईस्टरीफिकेशन नेवर या नॉट द रिवर्स ऑफ नॉट इसके लिए लिख देते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है नॉट रिवर्स ऑफ स्टरीफिकेशन e यह आपका इसके इनवर्स या रिवर्स नहीं होती है दिस इज नॉट द रिवर्स और इनवर्स ऑफ ईस्टरीफिकेशन दिस इज नॉट द इनवर्स और रिवर्स ऑफ ईस्टरीफिकेशन ये नहीं होगी समझ रहे हो क्या यह सेम प्रोडक्ट बना रही है क्या रिएक्टेंट क्या थे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड था क्या बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है क्या अरे बन रहा है क्या नहीं बन रहा ना कैसे बोला एसिडिक हाइड्रोलिस होता है यहां पर एल्कोलाइन की जगह एसिडिक होता ना तब आपका ईस्टर बनता ठीक है समझ में आया अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए था हमारे पास ए सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव था हमारे पास ईस्टर प्लस एन एच हमारे पास होगा और इनको बेसिकली हम क्या कर लेते हैं हीट करते हैं हीट करते हैं तो यहां से क्या निकलेगा एलकॉक्सी यहां से निकलेगा H क्या बनेगा सी टू एच फाइव ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच हां जी भैया और बचावा क्या है सी एस थ्री देखिए सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट ये तो बेसिक रिएक्शन मैंने बताई बेसिक बेसिक रिएक्शन क्या ये सोप है नहीं ये सोप नहीं है ये बेसिक रिएक्शन मैंने आपको यहां पे बता दी एडवांस रिएक्शंस होती है जैसे आप सोडियम स्टियरेट बोले तो वो साबुन हो गया आपका ठीक है समझ में आया समझ में आ रहा है बाबू ओ बाबू समझ में आ रहा है ठीक है तो इस प्रकार से आपकी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है जो आपको महाज्ञानी लोग कहते हैं सेपोनिफिकेशन इज इनवर्स ऑफ इनिफिकेशन अगर कहीं पे भी लिखा है वो गलत लिखा है आपको ये पता होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लिख लीजिए लिख देता हूं यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अगर आपका होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ये आपका जो होता है ये आपका रिवर्स ऑफ ईस्टर होता है नॉट द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ठीक है इसमें आपको पेरेंट एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उपलब्ध होते हैं ठीक है यहां पर नहीं होंगे प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए आई होप मैं आपको यह समझा पा रहा हूं ठीक है चलो अब यह क्या है ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली है ऑयली स्टेन ये क्या है ये बेसिकली है ऑयली स्टेन ठीक अब मान लो सुनील भैया कुछ खा रहे थे नया नया बिया हुआ अपना और नए नए बिया के बाद मैडम ने कुछ बढ़िया सा बना दिया और अपन क्या कर रहे थे खाते खाते तेल वाली चीज छपाक करके गिरा दिया अपन डर गए अपन गए मैडम तो मार देगी मैडम ने नई नई टी शर्ट मैडम ने नई नई शर्ट पहनाई है तो अभी क्या करेंगे सुनील भैया क्या करेंगे क्या करेंगे सुनील भैया क्या करेंगे अरे बताओ ना क्या करेंगे मैडम से अपन को लगता है डर तो क्या करेंगे सुनील भैया अरे सुनील भैया क्या करोगे यार मैडम से डर लगता है तो क्या करेंगे धो देंगे उसको अभी अपन को पता ही नहीं था तो अपन ने क्या किया अपन ने बोला लो 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 पानी ले लो अपन ने क्या किया पानी में डिप किया ये वाटर था बढ़िया अपन को लगा तेल का दाग है पानी में डालेंगे डूबा के साफ हो जाएगा अपन ने इसको बाहर निकाला क्या करा अपन ने इसको बाहर निकाला और इसके बाद अपन को मौत साक्षात नजर आने लगी कि भैया मैडम तो हमको उड़ा देगी क्योंकि तेल का दाग तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है उड़ा ही नहीं तो सुनील भैया उम्मीद में गए थे और सुनील भैया आप कैसे हैं अब सुनील भैया कैसे हो गए डर का माहौल है सुनील भैया कैसे लगेंगे अब देखो ओ भैया ये क्या हो गया ये सुनील भैया हो गए किससे डर रहे हैं अपन मैडम से डर रहे हैं कि ओ भैया अभी तो मार पड़ेगी फिर एक समझदार इंसान आए क्यों इधर आओ बेटा इधर आओ तुम इसको साबुन से दो डिटर्जेंट से दो मजा आ जाएगा तुम्हारे हाथ में ग्रीस लगती है तो तुम क्या करते हो साइकिल पे गिरी चेन सही करते हो ग्रीस लग जाती है साइकिल की फिर क्या करते हो अपन दो रहे हो तो हाथ से नहीं धुलती तो अपन साबुन लगाते हुई तो।, तो साबुन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो इनको क्या बोला जाता है क्लेंजिंग एजेंट्स बोला जाता है क्या साफ सफाई करने वाले एजेंट्स क्या बोलते हैं इनको क्लेंजिंग एजेंट्स समझ रहे हो समझ रहे हो हाँ जी भैया आप देखो एक है सोप और दूसरा क्या है डिटर्जेंट पहला है सोप दूसरा क्या है डिटर्जेंट डिटेल में समझाऊंगा ध्यान से देखना पहला है सोप दूसरा दूसरा है डिटर्जेंट सोप डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध की सफेदी निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए सबकी पसंद निर्मा अरे वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा यह देगी कि नहीं देगी हाँ जी भैया वही वाली बात है तो दोस्तों ये क्या होता है सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनको अपन बोलते हैं फैटी एसिड्स क्या बोलते हैं बेटा इनको बोलते हैं हम लोग फैटी एसिड्स तो सोप क्या होते हैं सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बेसिकली हम लोग साबुन कहते हैं सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ठीक है इनको बेसिकली साबुन कहते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब हो गया कि लेकिन 12 से लेकर 18 कार्बन एटम तक हम बात कर रहे हैं 12 टू तो 18 कार्बन एटम्स तक की हम चर्चा कर रहे हैं अच्छा इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं सोपलेस सोप <laughs> ये क्या बात कर दी जीवन लेस जीवन केमिस्ट्री लेस केमिस्ट्री तो ये क्या है सोपलेस सोप है ये दिमाग घुमा डाला ना अब देखो सोपलेस सोप का मतलब होता है कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसीलिए सोपलेस समझ रहे हो अरे भाई इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है अब ये सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यह सल्फोनिक एसिड है केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिर साबुन क्यों बोला इसको इसीलिए बोला क्योंकि इसका क्लेंजिंग एक्शन इज सिमिलर टू सोप जिस तरीके से सफाई करते हैं वो इसकी और इसकी सेम है केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसीलिए बोला सोपलेस यानी कि उसके जैसा नहीं है सोपलेस केमिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट समझ लो तो एक है 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 साबुन एक डिटर्जेंट ये है, ये सोडियम और पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड सोपलेस सोप है सोपलेस इज सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड सोप इज क्लेंजिंग एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोप ठीक है अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोनों का मैं आपको बताता हूं अगर इसकी बात करोगे तो ये होता है आर सी डबल ओ एन ए यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोक्सिलेट आयन है कैसा कार्बोक्सिलेट आयन सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सल्फोनिक एसिड से बनता है तो ये कैसा हो जाएगा आर अब ये क्या हो जाएगा एसओ थ्री वाला ये सल्फोनेट हो जाएगा ठीक है तो दीज आर द लॉन्ग चेन यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स डिटर्जेंट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स साबुन ठीक है समझ रहे हो 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 दोस्तों समझ रहे हो कि नहीं जी भैया चलो तुमको इसका स्ट्रक्चर समझाते हैं अब ठीक है स्ट्रक्चर समझाते हैं आ जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बीच आ जाओ। आ जाओ यार फोटो मेरी खींच ये वाला गाना सुना है क्यों बोला मैंने गाना बताओ 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 ये फोटो खींच फोटो खींच कोई डल रहा था डाल दिया बोल दिया चलो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल ठीक है डिटर्जेंट्स के और भी पॉसिबल आपके सोल्ट हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया दैट इज वन ऑफ द कॉम्पोजिशन आपके और भी हो सकते हैं डिटर्जेंट्स uh, के है ना अब जैसे ये अपना जो है सोडियम स्टेरिट ये आपका बेसिकली सोप मॉलिक्यूल है ये किससे बनता है ये स्टेयरिक एसिड से बनता है किससे बनता है स्टेयरिक एसिड से बनता है स्टेयरिक एसिड एंड ग्लाइसोरल का रिएक्शन होता है ग्लाइसोरॉल का ठीक है ना स्टेरिक एसिड होता है सी सेवनटीन एट थर्टी फाइव COOH एच इंडस्ट्रियल सोप मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन आपको बताते हैं वक्त की कमी है ग्लिसरॉल की रिएक्शन अपन करवाते है ना वो e फिर सेपोनिफिकेशन कराते तो ये सोडियम स्टेरइट हमें देखने के लिए मिलता है अब इसमें देखिए क्या है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा पार्ट अलग है और ये छोटा सा पार्ट ये लंबा वाला पार्ट अलग है और इसकी एनोलॉजी हम किससे ड्रॉ कर रहे हैं टेडपोल से ड्रॉ कर रहे हैं इसकी एनोलॉजी हम किससे ड्रॉ कर रहे हैं टेडपोल से ध्यान से फोकस करिएगा ध्यान से फोकस करिएगा जैसे टेडपोल में यह वाला पार्ट क्या कहलाता है टेल ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हेड अब आप बोलेंगे पहले टेडपोल क्या होता है तो जो लार्वल स्टेज होती है एम्फीबियंस की

और ये बेसिकली क्या है हमारे पास ये बेसिकली है हमारे पास टेल ठीक है तो ये वाला पार्ट है हेड और ये वाला पार्ट है टेल ये वाला पार्ट है हेड और ये वाला पार्ट है टेल ये वाला पार्ट है हेड और ये वाला पार्ट है टेल ठीक है समझ बाकी बात कुछ इस प्रकार का होता है सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ठीक है आगे चलते हैं अब देखिए इसको ध्यान से समझना बहुत मस्त चीज है बहुत ही मजेदार चीज है जिसको पोलर नॉन पोलर समझना था आप समझ लेना भैया जो कह रहे थे ना पोलर नॉन पोलर चार पांच घंटे पहले <laughs> पोलर नॉन पोलर समझाते तुमको आ चलो, देखो, तो सबसे पहले इसके अंदर होती है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल होती है ये वाली जो है ना ये बेसिकली क्या एक तरीके से टेल है क्या है ये टेल ये है पूछ ये हाइड्रोकार्बन है इसमें कोई चार्ज नहीं है सिंपल हाइड्रोजन कार्बन से बनी हुई है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल और यह जो है यह नॉन पोलर है नॉन पोलर मतलब समझते नो पोल्स नो पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव चार्जेस पोल्स का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना कुछ नहीं है तो ये जो सोप का जो मॉलिक्यूल है ध्यान से देखिए क्या सोप के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिएगा ये जो सोप का मॉलिक्यूल है इसकी ये पूछ है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल है 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 नॉन पोलर कोई कोई पोल्स नहीं नहीं इसके उपर, कोई नहीं इसके उपर, है। इसके ऊपर ऊपर चार्जेस बिल्कुल न्यूट्रल अब साथ क्या होता है जो तेल की इंप्योरिटी होती है ना उसमें डिजोल्व हो जाती है ये सोप का ये वाला जो पार्ट है ये तेल के अंदर डिजोल्व हो जाता है क्योंकि तेल भी आपका क्या है नॉन पोलर है तो लाइक डिजोल्व लाइक लाइक डिजोल्व लाइक एक जैसे के अंदर डिजोल्व करना एक समान के अंदर डिजोल्व कर जाना लाइक डिजोल्व लाइक ऑयल नॉन पोलर है हाइड्रोकार्बन चेल नॉन पोलर है दोनों एक दूसरे के अंदर डिजोल्व कर जाएंगे ठीक है और ये जो टेल ये जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब हुआ पानी से डरने वाला पानी से डरने वाला मतलब ये वाली जो चेन है ये पानी से डरती है जो आपकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है देखिए मैं बताता हूं अभी इसको मैं रिलेट करूंगा हाइड्रो का मतलब होता है वॉटर और फोबिया का मतलब होता है फियर तो वॉटर फियरिंग है ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं ध्यान से देखना ये वॉटर फेयरिंग क्यों है वॉटर फेयरिंग इसलिए है क्योंकि पानी पोलर है अब पानी पोलर कैसे वो भी समझो ध्यान से समझना पानी पोलर कैसे एक मिनट में समझा दूंगा ध्यान से देखो ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है अब अगर इसके पास छह इलेक्ट्रॉन्स है ये छह और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है इसकी इन्होंने क्या कर लिया है शेयरिंग कर ली है शेयरिंग कर लिया ठीक है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी ऑक्सीजन भी स्टेबल हाइड्रोजन भी स्टेबल अब देखिए एक टर्म आती है आपके सामने जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मैंने और मोहित भैया ने जब बाइक खरीदी थी तो मान लो कि मैं डोमिनेंट हूं मैं ज्यादा हूं हूं मैं बाइक को चार दिन ले जाऊंगा बाइक को तीन दिन लेके जाएंगे मेरा मन करेगा तो पांच दिन ले जाऊंगा दो दिन ले जाएंगे तो ये क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन क्या करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है ना बेटा ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है ठीक है इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलता बोलता मेरे को इधर खींचता है तो ये तो, थोड़े से ऐसे शिफ्ट करके इस तरफ चले जाते हैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता खींचता है अपनी तरफ ठीक है खींचता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है यहां पे और यहां पार्शियल पॉजिटिव आता है क्योंकि अगर दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होते तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां क्या हो रहा है ये इस तरफ शिफ्ट कर रहा है ये भी इस तरफ शिफ्ट कर रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स डेवलप हो गए क्या हो गए ये पोल्स डेवलप हो गए ये हो गया पोल्स दिस इज नथिंग बट आपका पोल्स डेवलप होना पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसीलिए बोलते हैं पोलर पोलर इसीलिए बोलते हैं अब आपका जो शॉर्ट आयोनिक हेड है उस पर भी क्या है वो पोलर है ना क्यों ये देखो सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस और एन ए प्लस सी एस थ्री जो यहां ये था ये बेसिकली ये वाला था ना आर आर सी डबल ओ माइनस एन ए आर सी डबल ओ एन ए था तो ये जो छोटा हेड वाला पार्ट है इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है क्या अरे इस पर पोल्स बन रहे हैं ना बन रहे ना नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पोल्स बनना तो ये क्या हो जाएगा ये बेसिकली पोलर हो जाएगा तो ये पानी में सोल्यूबल हो जाएगा इसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक क्यों ये वाटर लविंग है वाटर लविंग है पानी में डिजोल्व हो जाएगा समझ रहे हो ये वाटर फेयरिंग है वाटर लविंग है क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात भाई भाई क्लियर हो रही है क्लियर हो रही है क्लियर हो रही है ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी बनेगा आपको याद रखना है कि इसको ऐसे बनाना है आपको ये सोप मॉलिक्यूल है आपका तो ये क्या हो जाएगा बेटा ध्यान से नोट करना ये हो जाएगा आपका टेल है ना बेटा और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हेड ये क्या है सोप मॉलिक्यूल है ठीक है समझ में गई बात क्या मैं आपको ये बेसिक सरल सी बात यहां पे समझा पा रहा हूं ठीक है क्या आपको ये बेसिक सरल सी बात मैं समझा पा रहा हूं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है नॉन पोलर है मतलब इसके ऊपर नॉन पोलर है मतलब कोई पोल्स नहीं है उसके बाद ये सोल्यूबल है तेल के अंदर क्योंकि तेल भी आपका नॉन पोलर होता है एंड ये हाइड्रोफोबिक है यानी ये जो एंड है पानी से डरता है पानी में डिजोल्व होगा क्योंकि पानी पोलर है पानी आपका कैसा है पानी आपका पोलर है ये आपका बेसिकली वॉटर है वॉटर आपका पोलर है तो लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट है ये नॉन पोलर ऑयल नॉन पोलर घुल जाएंगे और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये आयोनिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, पोलर है, इन वॉटर क्योंकि पानी भी क्या है पानी में भी इसलिए मॉलिक्यूल कहते हैं क्या बोलते हैं एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया इसके अंदर दो है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों है एम्फ का मतलब हो गया ना टू तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है एम्फ का मतलब क्या होता है एम्फ का मतलब ये होता है इस रूटवर्ड का मतलब होता है टू यानी बोथ तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों है समझ गए क्लियर है चलिए आगे चलते हैं समझते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स को क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप को यहां पे समझते हैं ठीक है ना अब सुनील भैया कपड़े धो किससे रहे वो आपको समझ में आया अब सुनील भैया धोएंगे कैसे उस दाग को हटाएंगे कैसे आइए उसको जानते हैं ठीक है ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ध्यान से फोकस करेंगे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के बारे में यहां पे करते हैं हम लोग चर्चा अब बढ़िया से ठीक है फटाफट से फोकस करेंगे ध्यान से फोकस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करा आपने अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको और समझाता हूं मान लीजिए कि सोप मॉलिक्यूल सरफेस पे कैसे रहेंगे अगर मान लीजिए पानी का सरफेस है तो सोप मोलिक्यूल कैसे रहेंगे पहली चीज आप यह समझिए पहले तो अगर यह वॉटर है यह नॉर्मल क्या है यह सिर्फ पानी है सोप मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे ठीक है ध्यान से देखना ये बेसिकली मुंडी हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार बाकी वाला पार्ट बाहर तो ये क्या है सोप मॉलिक्यूल एट सरफेस ऑफ वॉटर सोप मॉलिक्यूल्स एट सरफेस ऑफ वॉटर यानी बेसिकली पानी के सरफेस पे आपके सोप के मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से एक्ट करेंगे समझा पा रहा हूं क्या दोस्तों समझा पा रहा हूं क्या दोस्तों ठीक है ठीक है इस प्रकार रहेंगे क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी पार के बाहर ठीक है ना अच्छे से देख लेते नहीं तो इसको साफ कर लेते हैं ठीक है ठीके? चलो बहुत बढ़िया तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा ठीक है बहुत बढ़िया अब सबसे पहला स्टेप यहां पे क्या है? जो हमें ऑब्जर्व करना है सोप और डिटर्जेंट डिजोल्व इन वाटर जैसे ही पानी के अंदर डिजोल्व करेगा मान लो ये मेरी टी शर्ट थी अब टी शर्ट के ऊपर ये जो ऑयल या बेसिकली ग्रीस लगा हुआ था ये ऑयल या ग्रीस यहां लगा हुआ है ये रहा या ग्रीस या लगा हुआ है ठीक है अब ये लगा हुआ है और जैसे ही अपन ने सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स को उस पानी में घोला मतलब वो बाल्टी थी पानी की टी शर्ट अपन ने डाली उसके अंदर सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स अगर अपन ने डाल दिए ठीक है अब देखिए क्या करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स आपको ही पता है जो सरफेस बोलते बोलते हैं हैं इनको या एजेंट ये ये खुद को ओरिएंट करेंगे तो आपको ये पता है कि जो वाटर हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल में डिजोल्व करना चाहता है इसलिए ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी से बाहर हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी के अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी से बाहर हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी के अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के बाहर हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी के अंदर इस प्रकार कुछ आपको मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है सोप मॉलिक्यूल का वो पानी के अंदर और बाकी ऑयल वाले पार्ट में हाइड्रोफोबिक पार्ट नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर में डिजोल्व करेगा पोलर पार्ट पोलर में डिजोल्व करेगा ये पोलर है पोलर में डिजोल्व करेगा नॉन पोलर है, है नॉन पोलर में डिजोल्व कर जाएगा सिंपल सी बात समान समान के साथ भाई ऑयल नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर डिजोल्व हो जाएगी ये पोलर पार्ट पोलर पार्ट पोलर पार्ट पोलर पार्ट पानी में क्यों करना होता है एजिटेशन मतलब एक तरीके से उसको आप घिस आपको पता है कि ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली पूरी तरीके से डर्ट को या ऑयल को पूरी तरीके से कैप्चर करके गोला बना लेंगे लेकिन उसको निकालना भी तो पड़ेगा तो उसको निकालने के लिए आपको उसको एजिटेट करना पड़ेगा घिसना पड़ेगा है ना ताकि वो जो डर्ट है अब वो कपड़े से तो क्या है उठ गई है क्योंकि उसको चारों तरफ से सोप के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है अब आप हटाओगे करके निकल जाएगी छप करके साफ हो जाएगी समझ रहे हाँ। तो एजिटेट करना मतलब एक तरीके से घिसना जैसे आपके वॉशिंग मशीन में एजिटेशन क्या होता है जोर जोर से घुमाती तो आपने डिटर्जेंट डाला वो उसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे फिर आपके एजिटेट करने से वो धीरे धीरे हट जाएगी है ना तो कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन आपका प्रोसेस कंटिन्यू क्लीनिंग कंप्लीट एजिटेशन जैसे आप करेंगे तो ये जो सोप के ये जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं ये आपने जैसे मान लीजिए घिसना स्टार्ट किया घिसना स्टार्ट किया ठीक है तो कुछ जो आपके ऑयल के पार्टिकल्स है वो थोड़े ऊपर उठेंगे और चारों तरफ से आपके सोप के मॉलिक्यूल्स इनको घेर लेंगे और दूसरा जो बेसिकली आप पूरी तरीके से घेरे जा चुके हैं उनको हटाने के लिए भी आप एजिटेट कर सकते हैं तो जो आप घिसते हैं ना इसका एक्चुअल लॉजिक क्या होता है कि भैया थोड़ा सा उठो ठीक है इस सरफेस से हटो ताकि चारों तरफ से तुमको घेर ले लूज हो जाओ करके बाहर निकल जाओ समझ रहे हो और एजिटेशन में एक और चीज भी क्या है हेल्प क्या करता है भाई चारों तरफ से घेर लिया मान लो अब वो निकले मतलब लूज तो हो चुका है लेकिन हटे तो आपने घिसा वो हट जाएगा उससे ये एजिटेशन का एडवांटेज है अब देखो यहां पे क्या करेगा यह इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी की तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट आपके इस डर्ट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है एजिटेशन से मदद मिलती है कि हम इसको बाहर निकाल सकें, ठीक है अब आपका सरफेस क्या शर्ट क्या है वो बेसिकली क्लीन हो चुकी है तो क्या था ग्रीस या ऑयल था हमारे डिटर्जेंट के पार्टिकल्स थे हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर घुस गया हाइड्रोफिलिक पार्ट यहां था हमने एजिटेट करना स्टार्ट किया अब क्या होगा टू सेपरेट द ग्रीस फ्रॉम द सरफेस और जैसे ही वो बेसिकली हटना स्टार्ट होगी इसमें हमारी मदद कौन कर रहा है ये पार्टिकल्स क्योंकि ये इसको लूज कर रहे हैं उस सरफेस से हटा रहे चारों तरफ से इन्होंने इसको कवर कर लिया है कुछ ऐसे कवर कर रहे हैं तो एजिटेशन हमारी मदद करेगा कि हम इसको पूरी तरीके से निकाल दें वहां से ठीक है अब देखिए हाउ द क्लस्टर में स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पहले तो स्ट्रक्चर को बोलते क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं तो मान लीजिए ये आपकी ऑयली डर्ट थी जो सरफेस पे थी है ना अब आपके जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने इसको घेर लिया था एजिटेशन हमने किया और इसकी मदद से हमने इसको बाहर निकाला एजिटेट किया और इसकी मदद से हमने इसको बाहर निकाला अब देखिए ये स्ट्रक्चर होता कैसा है ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है ठीक है ये टूवर्ड्स द वॉटर जा रहा है ठीक है ना समझ रहे हो तो ये जो है आपके पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है थोड़ा सा इसको इक्वल डिस्टेंस पे बनाते हैं यह जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है इसको बेसिकली बोलते हैं स्फेरिकल आयोनिक मिसेल। क्या बोलते हैं स्फेरिकल आयोनिक मिसेल। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्फेरिकल आयोनिक मिसेल। अब यहां पे आपको पता है कि आपका नेगेटिव और यहां पे जो सोडियम का कटायन होगा तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आपके दोनों हैं यहां पर है ना ये बेसिकली शॉर्ट आयनिक एंड है आपका तो ये शॉर्ट आयनिक एंड तो बेसिकली वाटर में डिजॉल्व रहेगा है ना बहुत बढ़िया अब मेरा सवाल यहां पे बहुत ही सरल सा है आप लोगों से कि यहां पे ये लोग आपस में क्यों नहीं भिड़ते आई थिंक आप आंसर भी कर पाएंगे इसका बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये चारों तरफ ऐसे भिड़ते क्यों नहीं है या ये ओरिएंटेशन चेंज क्यों नहीं होती है ये क्लस्टर अपने शेप को ऐसा ही मेंटेन करके कैसे रखता है हाउ इट मेंटेन्स इट शेप और ये शेप बनाते हुए निकल जाता है ये कैसे होता है ये कैसे होता है ये कैसे होता है बेसिकली यहां पर क्या है अगर आप फोकस करें यह पॉजिटिव नेगेटिव यह सेम चार्जेस है अगर ये इधर जाएगा तो यह रिपेल करेगा नीचे आएगा है ना एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे सेम अगर ये नीचे जाएगा तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे तो बेसिकली क्या करते हैं ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं ठीक है जिस वजह से दे डोंट देपिटेट क्या नहीं करते ये चार्ज को लूज नहीं करते हैं दे डोंट प्रसिपिटेट दे डोंट लूज देयर चार्जेस एंड Stay in a solution as colloid. Stay in solution as colloid. They stay in a solution as colloid. Okay? तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं इस वजह से ये प्रोसिपिटेट नहीं होते हैं एंड दे स्टे इन दिस्यूशन तुमने कोलॉइड पढ़े होंगे क्लास नाइन के अंदर कोलॉइड में जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं करते हैं क्यों क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज होता है इनके जो पार्टिकल्स है सेम चार्ज है इसीलिए ये सेटल डाउन नहीं करते हैं या ये प्रोसिपिटेट भी नहीं करते हैं प्रेसिपिटेट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिले चार्ज लूज किया बड़े पार्टिकल्स बन गए इसको प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं या कोगुलेशन कहते हैं यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है दे स्टे इन अ सोल्यूशन एस कोलॉइड तो सोप सोल्यूशन जो आपका होता है वो बेसिकली कैसा होता है सोप सोल्यूशन आपका जो होता है वो आप याद रखिए वो क्या होता है सोप सोल्यूशन इज नथिंग बट अ कोलॉइड ठीक है तो अगर आप बात करें टिंडल इफेक्ट की तो क्या सुनील सर टिंडल इफेक्ट देगा 100 परसेंट टिंडल इफेक्ट देगा इट मेक्स द लाइट विजिबल स्कैटरिंग हो जाएगी आई होप आपको यह समझ में आ रहा है ठीक है अब इस चीज के ऊपर एक बार सवाल का आंसर करना एक बार जल्दी से इस सवाल को पढ़ के फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे जल्दी से वेट नहीं करना है फटाफट से सवाल का जवाब देना है जल्दी 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 फटाफट 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 फट फट इस सवाल का जवाब देंगे सारे सारे बच्चे फटाफट से सवाल का जवाब देंगे एनसीआरटी की एक्टिविटी है फटाफट से इसका आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका जल्दी 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 फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए बस इसके बाद एक दो स्लाइड्स और हम लोग फिर उसके बाद हमारे चैप्टर के एंड पे हैं ठीक है देखो ध्यान से देखना टेक अबाउट टेन एमएल ऑफ वॉटर इन टू टेस्ट ट्यूब्स टेक अबाउट टेन एमएल ऑफ वॉटर इन टू टेस्ट ट्यूब्स ठीक है ये टेस्ट ट्यूब ए है ये टेस्ट ट्यूब बी है इसके अंदर आपने क्या लिया है इसके अंदर आपने लिया है वॉटर और इसके अंदर भी आपने क्या लिया है इसके अंदर भी आपने लिया है बेसिकली वॉटर एड अ ड्रॉप ऑफ कुकिंग ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड लेवल डैमेज ए एन बी तो इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल को डाल दिया है ऑयल की डेंसिटी कम होती है वो तो तैरेगा टू टेस्ट यू बी एड ऑफ, एड अ फ्यू ड्रॉप सोप सोल्यूशन इसके अंदर आप सोप सोल्यूशन डाल दीजिए इसके अंदर आप बेसिकली क्या डाल दीजिए सोप सोल्यूशन डाल दीजिए क्या डाल दीजिए सोप सोल्यूशन डाल दीजिए ठीक है नाउ शेक बोथ द टेस्ट्यूब विगरसली शेक इट बहुत जोरदार आपने एकदम मस्त तरीके से इसको ऐसे शेक कर दिया थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर आपको अभी भी क्या है यह आपका बेसिकली पानी और वो पीडब्ल्यू की दीवानी और यह बेसिकली आपका ऑयल यह आपका बेसिकली वाटर यहां पे क्या होगा यह अब आपका मिक्स हो चुका है ठीक है ये आपका मिक्स हो चुका है और इसको हम बोलेंगे यहां पर क्या है ये इमल्शन बन चुका है इसके अंदर अगर आपने क्लास नाइन में कोलोइड पढ़ा हो तो जैसे आपका दूध होता है दूध के अंदर भी तो आपके ऑयल और वाटर दोनों होता है लेकिन वो मिक्स होते हैं तो आपको दिखते हैं क्या वो प्योरली मिक्स हो चुके हैं देखिए यहां पे तेल और पानी जो है अलग हो रहे हैं तो दिख रहे हैं लेकिन यहां पे आपने सोप सोल्यूशन को डाला है सोप सोल्यूशन पानी और तेल को मिला देता है तेल और पानी को मिला देता है कैसे सोप मॉलिक्यूल का एक पार्ट पानी में डिजॉल्व हो जाएगा एक पार्ट तेल में डिजॉल्व हो जाएगा होता है। लैक्ट करके। में भी तो आपका फैट है पानी है तो वो तो अलग अलग दिखने चाहिए लेकिन दूध में अलग अलग नहीं दिखते हैं क्योंकि वहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल होता है यहां पर यह क्या है ये भी इम्यूल्सी इम्यूलिस एजेंट है ये क्या है दिस इज नथिंग बट एन इम्यूनिफाइंग एजेंट जैसे दूध के अंदर आपका ऑइल है वॉटर है अदर चीजें हैं अलग होनी चाहिए ना दिखती थोड़ी है लेफ्ट एल्ब्यूमिन की वजह से ऐसे यहां पर सोप इसका काम करता है सोप क्या करता है सोप के पास जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यह वाला पार्ट डिजॉल्व इन ऑयल ठीक है और हाइड्रोफिलिक पार्ट वॉटर तो ये दोनों की दोस्ती करा के रखता है समझ रहे हो इन दोनों की दुश्मनी है और की. लेकिन यहां पे इसकी दोनों से बनती है तो ये दोनों को होल्ड करके रखेगा तू भी मेरे साथ इस तरीके से so time, ये तो इमलशन बन जाएगा यहां पर दो लेगी यहां पर आपको टू लेयर दिखेगी और यहां पर आपको वन लेयर दिखेगी कितनी यहां पर आपको एक ही लेयर देखने के लिए मिलेगी ठीक है तो यहां आपको दो लेयर देखने के लिए मिलेगी यहां पे आपको एक लेयर देखने के लिए मिलेगी आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूं किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है समझ में आ रही बात अरे भाई मैं ये कह रहा हूं तेल और पानी आपस में मिक्स होते हैं क्या अगर तुमने इसमें तेल और पानी लिया इसमें भी तेल और पानी लिया और फिर इसमें सोप सोल्यूशन डाल दिया अब तुम दोनों को शेक करके रख दो थोड़ी देर के लिए तो ये तो वापस सेपरेट हो जाएंगे तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होंगे तेल आपका नॉन पोलर है पानी आपका पोलर है मिक्स ही नहीं होंगे लेकिन अगर मैं सोप मॉलिक्यूल को डाल दूं सोप मॉलिक्यूल इमिल्सिफाइंग एजेंट है उसके पास एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है यानी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एक ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा पानी में दोनों को घोल देगा समझ रहे हो ऐसा इसको इमल्शन कहते हैं तुम्हारा दूध भी क्या है मिल्क इज ऑल्सो एन इमल्शन इमल्शन का एग्जाम्पल दू तो मिल्क भी क्या है एक इमल्शन का ही तो एग्जाम्पल है उसमें भी तो ऐसा ही होता है अलग अलग दिखते हैं क्या नहीं इम्यूनसिफाइंग एजेंट होता है इसमें भी इम्यूल्सिफाइंग एजेंट है काम खत्म आ जाओ अब ये लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप सारी एक्टिविटीज खत्म है तुम्हारी इसको पढ़ाऊंगा तो बाकी बच्ची भी, भी खत्म हो जाएगी दो स्लाइडे और है प्यार से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों है ना इतनी एफर्ट तुमने मारी है मैंने मारी है इस एफर्ट को एक डायरेक्शन देते हैं थोड़ी देर और रुक जाते हैं सिर्फ पांच से दस मिनट की और बात है सब चीजें खत्म हो जाएगी तो देखिए सोप्स डू नॉट वर्क वेल विद हार्ड वॉटर अब सर हार्ड क्या होता है हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है वो तो सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है लिक्विड में कहां से आ गई तो हार्ड वॉटर का क्या मतलब होता है बेटा हार्ड वॉटर का मतलब होता है कि इसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट हैं किसके डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ बायकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ठीक है बेटा बाय कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के सॉल्ट है ठीक है ना सो बाय कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स एंड आपके बेसिक अरे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहां लिख दिया मैंने क्या कर रहा हूं मैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं बाय कार्बोनेट्स क्लोराइड एंड सल्फेट ठीक है बाय बाय गलती हो गई बाय कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सेम ही होता है ठीक है सो डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ बाय कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनके सोल्ट आपके पास होते हैं अब बाय कार्बोनेट वाले जो सॉल्ट होते हैं इनकी वजह से तो बेसिकली होती है टेम्प्ररी हार्डनेस कौन सी हार्डनेस होती है टेम्प्री हार्डनेस होती है अब इसको तो आप बॉइलिंग करके भी हटा सकते हो टेम्पर रिमूव इससे बेसिकली परमानेंट हार्डनेस होती है ठीक है ठीके? कौन सी हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस होती है ठीक है तो अगर आपके पास डिजॉल्व सॉल्ट है बाय के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के तो बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो हार्डनेस ये तो बॉइलिंग करने से हट जाएंगे लेकिन मेथड का इस्तेमाल करना होता है नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं बताता मान आपने सोप को यूज करा हार्ड वाटर के साथ तो डज नॉट प्रोड्यूस लेदर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर ये झाग नहीं निकालता बट क्या निकालता है बेटा कम प्रोड्यूस करता है कर्ड लाइक -like होता है यह आपका झाग तब तक नहीं बनाएगा जब तक के सारे क्लोराइड जो सल्फेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के रिएक्ट ना कर ले और तब तक यह सोप को बर्बाद करेगा वेस्ट करेगा कैसे मैं बताता हूं? मान आपका साबुन है सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव सी डबल ओ एन ए और आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व परमानेंट हार्डनेस का डिजोल्ड सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा कटायन ये हो जाएगा अना, ये हो जाएगा अनायन और ये हो जाएगा कटायन सिमिलरली ये हो जाएगा बेसिकली कटायन और ये हो जाएगा अनायन कटायन अनायन को एक्सचेंज करिए एक बार जल्दी से तो सी सेवेंटी नाइन थर्टी फाइव सी डबल ओ ट्वाइस सी ए प्लस एन एस एल ठीक सही है सही है

और ये बनाएगा कैल्शियम स्टेरेट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली स्कम ये क्या है स्कम एंड दिस इज बेसिकली अ वाइट कर्ड लाइक सबस्टांस दही जैसा सबस्टांस होता है ठीक है वाइट कर्ड लाइक ये बेसिकली यहां पे बना देता है इसको बोलते हैं स्कम और जब तक आपके सारे सॉल्ट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के जो भी है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जब तक सारे के सारे सोप मालिक्यूल से रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक झाग नहीं बनाएगा ठीक है डोंट प्रोड्यूस लेदर डोंट प्रोड्यूस लेदर ये तब तक नहीं करेगा टिल हार्ड वाटर यानी टिल ऑल क्लोराइड्स सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट टू फॉर्म्स कम मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये तब तक झाग नहीं बनाएगा जब तक कि सारे के सारे आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड रिएक्ट करके ना बना दे तब तक आपका साबुन बर्बाद होता रहेगा तब तक वो बर्बाद ही होता रहेगा कुछ नहीं होगा तब तक झाग बनाएगा ही नहीं वो उससे झाग बनेगी ही नहीं समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ठीक बहुत बढ़िया अच्छा डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या है आप डिटर्जेंट को यूज करिए डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी काम कर लेगा डिटर्जेंट वर्क वेल विद हार्ड वॉटर एंड फॉर्म्स लेदर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको किसके साथ वर्क करवाया है आप इसको हार्ड वाटर से करें या सॉफ्ट वाटर से करें ये बोला अपन तो झाक बना लेंगे अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक दूसरा डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन दसिडिक मीडियम बट सोप्स कैन नॉट बी अब एसिडिक मीडियम में आप डिटर्जेंट को यूज कर सकते हो सोप्स को आप यूज नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल आपके जो वुलन क्लोथ्स होते हैं आपके वुलन क्लोथ्स को आप डिटर्जेंट से धोइएगा साबुन से नहीं धुलेंगे डिटर्जेंट्स को इस आप लिक्विड डिटर्जेंट भी आता है आपने देखा होगा लिक्विड डिटर्जेंट से धोते हैं तो बढ़िया धुलते हैं वरना नहीं धुलेंगे तो वुलन क्लोथ्स में एसिडिक डाइज होती है अब मान लीजिए कि आपने साबुन यूज किया तो इसके साथ दिक्कत क्या है अब ये थोड़ा डिटेल्ड एक्शन है बट मैं आपको हल्का हल्का आइडिया देता हूं ये फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनाएगा एसिड मॉलिक्यूल्स बना देगा एंड इससे क्या होता है सोप एक्शन ब्लॉक हो जाता है सोप एक्शन ब्लॉक्ड हो जाता है ठीक है और यहां पे ये क्या करेगा ये बेसिकली क्या करेगा यहां पे जो डिटर्जेंट है वो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा फ्री सल्फोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनाएगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब ये आपके लिए एक्स्ट्रा है याद ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है डिटर्जेंट एक्शन इज फाइन ये अपना बढ़िया से काम करता रहेगा तो एसिड के अंदर डिटर्जेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एसिड के अंदर सोप के साथ अगर आप काम कर रहे हैं यूज कर रहे हैं ब्लॉक हो जाएगा उसका एक्शन वो काम नहीं करेगा अच्छी तरीके से कपड़े नहीं धोएगा समझ में आ गई बात समझ में आ गया लास्ट स्लाइड एडवांटेज ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट तो सोप्स आर हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल यानी जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है उससे ये डिकम्पोज हो जाते हैं बायो डिटर्जेंट आर नॉट क्यों क्योंकि ये बेसिकली ब्रांज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ठीक है कैसे होते हैं ब्रांज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस होती है तो बैक्टीरिया क्या करता है इसको बहुत लंबा समय लगता है इनको डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू डीकंपोज दम एंड दे इन वॉटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी वॉटर बॉडी में आपने इनको डाला तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे दे इन वॉटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और इससे बेसिकली क्या होता है इससे होता है वॉटर पॉल्यूशन ठीक है इससे होता है बेसिकली वॉटर पॉल्यूशन तो सोप्स आपके हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल है लेकिन डिटर्जेंट आपके हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं लंबे लंबी ब्रांचेस है तो आपके बैक्टीरिया को ज्यादा समय लगता है इसको डिकम्पोज करने में ये एक वाटर बॉडी में लंबे समय तक बने रहेंगे जिस वजह से वॉटर बॉडी पॉल्यूटेड रहेगी ठीक है तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है ठीक है क्लियर है ये बात सभी को क्लियर है ये बात अब कोई दिक्कत अरे भैया आप कोई दिक्कत अब कोई दिक्कत अच्छा एक मस्त बात बताता हूं अगर कोई एक्टिविटी में बोलते हैं डिस्टल वाटर को यूज करना रेन वाटर को तो उनमें हार्ड वो हार्ड वाटर नहीं होते हैं दीज आर नॉट हार्ड वाटर डिस्टल वाटर के लिए यूज किया दैट इज नॉट हार्ड वाटर ठीक है ना ये भी याद रखना दैट इज नॉट हार्ड वाटर डिस्टिल वाटर इज सॉफ्ट वाटर यह भी नोट कर लेना डिस्टिल वाटर यह बेसिकली क्या है दैट इज सॉफ्ट वाटर है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया तो एक बार आए भैया लिख दो अगर यहां तक समझ में आ गया अब अपना चैप्टर ओवर हो गया भैया अब अपन चलेंगे यहां पे आप लोग जाएंगे घर अपन भी जाएंगे घर एक बार आए भैया लिख दो अगर आपको इतनी देर में सब कुछ समझ में आ गया आई थिंक हमने सात घंटा सोलह मिनट में चैप्टर को खत्म किया है सेवन आवर्स एंड सिक्सटीन मिनट हमने इस चैप्टर को खत्म किया है कैसा लग रहा है भाई मजा आ रहा है क्या सही लग रहा है क्या सही लग रहा है क्या सही लग रहा है क्या आए 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 ठीक है तो भाई लोग देखो सब कुछ कवर करने की कोशिश करिए मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी है प्रैक्टिस शीट के सोल्यूशन यूट्यूब पे अपलोडेड हैं उसको भी आप जाके देख सकते हैं यहां पर मैंने क्लास में सब कवर किया है ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कवर किया गया है अब आप जाके सारे सवाल लगाइए एनसीआरटी के एनसीआर टी इंटेक्सट इंपॉर्टेंट है एक्साइज इंपॉर्टेंट है एक्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है फिर से सुनिए इंटेक्सट एक्साइज एक्जाम्पलर इंटेक्सट एक्साइज एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर का पीडीएफ इंटरनेट पर मिल जाएगा जाके उसको भी सॉल्व करिएगा तो आई होप आपको अब आप मजा आया सब कुछ समझ में आया कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी आप लोगों ने एंजॉय किया सेशन को है ना तो बस यार भाई लोग बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हमेशा कहता हूं मेहनत करते रहिए मेहनत करते चलिए ठीक है सही लोगों से एडवाइस लेते रहिए चलिए एक बहुत बढ़िया बात आपको बताई देते हैं देखिए आप अपने जीवन में किस इंसान से एडवाइस लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है वो कैसे सुनील भैया देखिए दुर्योधन जो थे वो महाभारत के युद्ध में अगर आपने देखा हो तो वो शकुनी से एडवाइस लेते थे यही अर्जुन श्री कृष्ण से एडवाइस लेते थे और आपको आगे का रिजल्ट भी पता है तो आप लोगों को इससे क्या सीखना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके जीवन में आपको एडवाइस कौन कर रहा है आपको एडवाइस कौन दे रहा है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आपका एडवाइजर सही नहीं है तो आपके डिसीजन जो होंगे वो भी सही नहीं होंगे और आपका एडवाइजर अगर सही है तो आपके डिसीजन भी बहुत ज्यादा सही होंगे ठीक है तो बस अच्छे से मेहनत करो मेहनत तो कोई सब्सिट्यूट नहीं है संसार में मेहनत करोगे तो फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा गहरा कुआं देखो जितना उतना मीठा जल मिलेगा हमेशा अपन कहते हैं तो बढ़िया से बस मेहनत करते रहो सुनील भैया साथ में है फिजिक्स वाला हमेशा साथ में है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहो किसी के साथ बुरा करने की कोशिश ना करो लोग तुम्हारे साथ करने की कोशिश करेंगे भगवान पे छोड़ दो वक्त के साथ भगवान हर चीज का हर चीज का रिप्लाई कर देते हैं हमें कुछ बोलने की जरूरत हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो अब मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला जय हिंद जय भारत वंदे मातरम